एक तो आतिफ उमर इकबाल का हमने देखा, इन्होंने जो है ना सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपना लिंक भेज दें। अच्छा आतिफ उमर ये आपने क्या बनाया? अच्छा ये इमेज वाला सरोज है। बनाई एक डिजिटल जो टाइम गेट करती है। अच्छा, उसके बाद अनम शब्बीर अफजल अहमद डिजिटल वॉच भी बनाई है आपने, गुड यार। जी सर वो एक अच्छा जी, अनम शब्बीर ने जो बनाया है इसका लिंक नहीं है यहाँ पर। ये होस्ट हुई भी है? नहीं, होस्ट भी नहीं हुई भी। अच्छा अनम शब्बीर, ये मुझे लिंक आपका ना यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, और आपकी ये होस्ट भी नहीं हुई भी एप्लीकेशन। तो काइंडली अगर कोई इशू है तो वो बता दें, हम रिजॉल्व कर लेंगे अभी यहाँ क्लास में ही। अच्छा अफजल अहमद ने बनाया है नेटवर्क गेट वेदर। सही है यार, वेल डन, क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब एक ऐसी वेदर की ऐप बना चुके हैं आप लोग एज अ असाइनमेंट, के जिसमें अब हम वेदर का सर्वर कॉल नहीं करते जो थर्ड पार्टी पहले करते थे, बल्कि अब आपका खुद का एक सर्वर बन चुका है जहाँ से आप वेदर का डेटा मंगवाते हैं। अभी फ़िलहाल उस सर्वर पे जो है वो वेदर का डेटा स्टेटिक मौजूद है, स्टेटिक लेवल पर है, वो अपडेट नहीं होता है कंटिन्यूसली, फिक्स एक डेटा है, लेकिन आपका एटलीस्ट आपका अपना सर्वर है अब वो। अच्छा आतिफ उमर ने ये डिजिटल वॉच बनाई है, वेल डन यार। आतिफ आपने वो असाइनमेंट नहीं बनाया जो हमने लास्ट क्लास में जो मैंने दिया था? ये आपने बनाया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन असाइनमेंट आपने बनाया है क्या? अच्छा लैला सर अफजाल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। मेरे पास से तो माइक ओपन है, मेरा आवाज़ जानी चाहिए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपने जो असाइनमेंट आपको दिया था वो नहीं आपने बनाया? ये तो डिजिटल वॉच तो आपने बना ली है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असाइनमेंट की क्या रिपोर्ट है आपकी? आपसे क्या वो बन पाया? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा स्क्रीन मैंने असल में शेयर नहीं की है, हाँ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी मैंने, अब कही है। अच्छा लैला अफजाल, ये जो आपने बनाया है ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आपने क्या बनाया है। कराची करके मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है, ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है जिसकी वजह से लोड नहीं हो पा रहा वो। ये पेज रिफ़्रेश को रोकने के लिए ना रिटर्न फॉल्स करके एक तरीका बताया था मैंने, वो प्लीज़ यूज़ करें। अच्छा सर, लिंक गलत से देगी ना, आपको सेंड करोगे। हाँ नहीं, मैं यार सही कर लेता हूँ। सर मैंने बनाया था तो उस वक्त चल रहा था, अब नहीं चल रहा। अच्छा अब क्या उसमें एरर आ रहा है चलने में? सर ये आपको मैं लिंक सेंड सर वो कर चेक दिया। की हाँ ये मैंने चेक तो कर लिया, लेकिन वो होस्ट नहीं हुआ हुआ, वो होस्ट नहीं हुआ भाई। हेलो होस्ट वर्ल्ड जो नहीं है ना, हुई? नहीं, वॉच का कह रहा हूँ। वॉच तो मैंने देखी है, वो बनाया आपने अच्छा है, लेकिन असाइनमेंट जो दिया था वो उसकी क्या रिपोर्ट है वो सर बताएं। ये भी ये होस्ट नहीं हुआ आपका, इसका एचटीएमएल का पेज मुझे नज़र नहीं आ रहा होस्ट सर हुआ मैं हुआ। दे रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट। हाँ एचटीएमएल वाला पेज भी दें। अच्छा अहमद इमरान ने जो है वो क्या बनाया है वाला, चेक। अच्छा ये असाइनमेंट सही नहीं बना हुआ अहमद इमरान, ये यूआरएल जो है ना गलत हिट कर रहा है, लोकल होस्ट का यूआरएल हिट कर रहा है ये, इसको हरिको का यूआरएल हिट करना चाहिए। अच्छा असाइनमेंट कुछ लोगों ने तो सबमिट करवा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सबमिट करवाया। हमारे पास 27 लोग कनेक्टेड हैं इस क्लास में, तो अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, लास्ट क्लास में जो भी असाइनमेंट दिया था सर मैंने, समझ नहीं आया असाइनमेंट आपका। असाइनमेंट ही समझ नहीं आया या जो लास्ट क्लास में करवाया था वो हुआ नहीं?
हुआ ही नहीं है वो जो आपने लास्ट क्लास में करवाया था। अच्छा सर सर्वर वर्क नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा। अच्छा चलें सर्वर वर्क नहीं कर रहा तो अपनी स्क्रीन शेयर करें ज़रा, वो मैं समझा देता हूँ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। है स्क्रीन है आपकी, अभी लैपटॉप से हैं आप? जी सर कर रहा। अच्छा सारे तुमसे कौन से पॉइंट पे तुम्हें मसला आया? सारे बुआरी अपना माइक ओपन कर लो और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से पॉइंट से मसला है। कल कल जो मैंने कोड लिखवाया था, कल जो मैंने काम कर लेनी लास्ट क्लास में, तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें समझ नहीं आई? सर रेपो वगैरह बना ली थी मैंने, हरी को पे वो भी किया था मैंने सब, लेकिन वो फिर एक अकाउंट मेरा चले गया, अब वापस नहीं बन रहा अकाउंट। कौन सा अकाउंट चला गया? हरी को पे, हरी को का अकाउंट। हरी हाँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वो दोबारा नहीं बन रहा। एक काम करता हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ आज, सही है जो मैंने करवाया था ना लास्ट, वो मैं जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ। अच्छा लेकिन रिवाइज़ करने से पहले मुझे प्लीज़ बताएं आप सब लोग कि जैसे सारिब ने बताया ना कि उनको समझ में नहीं आया, तो हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, ताकि मैं फिर सब लोगों को एड्रेस करूँ ना उसके अंदर। सर मुझे भी नहीं आया। इरफान सुल्तान, हमारे पास दो लोग हो गए। अच्छा और कोई ऐसा है जिसको लास्ट समझ क्लास में तो लाइट पर आपको पता नहीं कब आखिर में आया था 11:30 बजे। अच्छा। तो मैं भी बिल्कुल ही नहीं ले पाया तकरीबन। अच्छा नहीं वो वीडियो तो मैंने डाल दी थी उसी वक्त ही अपलोड कर दी थी। सर, एक घंटे मैंने भी किया तो सही नहीं। आपने भी किया तो सही हुआ नहीं। अच्छा सर आप रिपीट कर दें। ये आप रूसा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे थे ना, आपकी स्क्रीन नहीं आई अभी तक, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ पूरा? जी सर। तो सर अच्छा। तो अच्छा है क्योंकि मैं खुद कराची से बाहर था तो इसलिए मैंने काम कर ही नहीं सका हूँ, ज़ाहिर वो चीज़ सही वर्किंग नहीं कर सकेगी। अच्छा तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनसे नहीं हो पाया। अच्छा मेरा माइक का इशू है मोहम्मद अली। अच्छा तो आप चैट पे बता दें, मेरे 3 बार रेपो बनाकर होस्ट की बट नहीं हुआ। ओहो ये तो बड़ा मसला है। अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों से हो गया, सिर्फ 1-2 को इशू है, अदरवाइज़ क्या होता है बाकी लोग फिर बोर हो जाते हैं क्लास में कि यार ये तो हम कर चुके हैं सारा कुछ। तो काइंडली सब लोग जुड़े रहिए, आज हम ये रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह नई चीज़ें भी कुछ सीखेंगे ऐसी जो इससे पहले हमने नहीं सीखी हुई थी। ठीक है सर, जी सर मैंने अपना उधर अपने पीसी पे कोड खोल के उसे लाइव सर्वर पे किया, उधर से ही कर रहा है, लेकिन जो मैंने गिटहब पे पोस्ट किया हुआ है आपको लिंक पे जाओ, उधर से पता नहीं क्यों कर रहा उसका, वो वाला लिंक मैंने इधर भी खोला था अपने पीसी पे तो उधर भी नहीं कर रहा। अच्छा मैं समझा देता हूँ कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा। अच्छा लेकिन ज़ाहिर है रिपीट करूँगा तो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं करूँगा, मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ में रिपीट करूँगा मैं, क्योंकि एक दफ़ा तो मैं बता चुका हूँ उस तरह समझ नहीं आया, तो अब मैं एक दूसरे अंदाज़ में समझाऊँगा, ठीक है ना। तो सारे लोग जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में भी और रिवाइज़ भी करेंगे पिछला। सर होस्ट पे कोई इशू आ रहा है मेरा, स्क्रीन शेयर करो। जी करें स्क्रीन शेयर। नहीं सर आप ये रिपीट करेंगे अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइएगा कि ये इंस्पेक्ट टूल्स में आप कैसे चेक कर रहे हैं कि ये डाटा कहाँ से फेच कर रहा है? मैं वो भी बता देता हूँ, एक टूल और भी है पोस्टमैन के नाम से, वो भी मैं जिक्र कर देता हूँ आपसे। हाँ पोस्टमैन बहुत फेमस है, वो बहुत फेमस है, अगर वो भी बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी आतिफ आपकी स्क्रीन शो हो चुकी है, हाँ जाएँ स्क्रॉल करें पेजेस में नीचे, इसको कैंसिल कर दें जो ऊपर खुला हुआ है ना। अच्छा एक्शंस को हटा के ना ये सोर्स जो है डिफ़ॉल्ट पे जो होता है वो ब्रांच होता है, हाँ ये ब्रांच पे कर दें इसको। अच्छा ये जो नीचे आ रहा है ना आपके क्या हो रहा है ये आपकी ये रिपोजिटरी पब्लिक है ना, हाँ ये आ गया ना मेन, ये जो ब्रांच लिखा हुआ है ना इसके साथ मेन लिखा हुआ है इसको, अच्छा मेन करके हाँ सेव कर दें, रूट सही है सही है, मेन और रूट सेव कर दें इसको। रूट और मेन में क्या डिफरेंट है? रूट में असल में ये होता है कि आपके रूट पे वो कहता है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, जो आपकी index.html फाइल है ना, अगर आप रूट सेलेक्ट करेंगे तो रूट पे तलाश करेगा, रूट का मतलब है कि मेन फोल्डर में तलाश करेगा। अगर आप उसमें डॉक्स लगा देंगे या कोई ऐसे फोल्डर का नाम लिख देंगे ना उसके साथ और भी आ रहे होते हैं, तो फिर उस फोल्डर के अंदर जाके वो तलाश करता है जो कि हमें नहीं चाहिए इस तरह से। अच्छा
तो ये डिप्लॉयमेंट भी रुक गए, होपफुली ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक्शंस में जाइएगा सर, वहाँ पे एक्शन चल चुके होंगे ना, एक्शंस में जाकर देखें क्या रिपोर्ट है। ऊपर टॉप पे ही एक्शंस आ रहा था, चैनल में जाऊँ रनर पे? नहीं नहीं ऊपर बिल्कुल टॉप पे ना कोड इशू, उसके बाद एक्शंस। हाँ ये वाला। अच्छा ये चल गया 47 सेकंड्स अगो, सही है। आप जाएँ वापस पेजेस में जाएँ, बैक का बटन दबा दें, बैक का बटन दबा दें। यहाँ पे URL आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? रिफ्रेश कीजिएगा इस पेज को, इसको रिफ्रेश कीजिएगा पेज को। ये आ गया, ठीक है सर, ओके हो गया। ग्रिड डिज़ाइन बनाइए, अच्छा ये तो हो गया आपका होस्ट। एक किसी और ने भी अभी स्क्रीन शेयर किया था, वो कहाँ गया? किसी और ने भी स्क्रीन शेयर किया था, कौन था वो? सर मैंने जी, आपने स्क्रीन शेयर करनी है? वाइस कर रही हूँ, बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट। सॉरी जी, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहा हूँ? आप रिवाइज कर रहे हैं या करूँ दोबारा स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं मैं रिवाइज कर देता हूँ, चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ शुरू से। अच्छा ये अभी तक आपका ना ये हुआ नहीं है, ओ ये होस्टिंग आपकी अभी ना थोड़ा टाइम लग रहा है उसको लाइव होने में। अच्छा अब हम ज़रा सा जो है ना देखते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है सारा। दोबारा से मैं पेंट की ऐप खोल लेता हूँ, ओ पेंट JS स्क्रीन शेयर, हाँ स्टॉप हो गई होगी ना मेरी। रिज्यूम प्रेजेंट सर जी। दोस्त सर वो ना मैंने हरिकू पे अकाउंट बनाया था, लेकिन ना वो अपना ईमेल का पासवर्ड शायद रॉन्ग हो रहा है, फिर वापस अकाउंट नहीं बन रहा। हाँ तो फॉरगेट कर लो उसी वाले को, फॉरगेट पासवर्ड कर लो। ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ ना, अभी जो मैं करूँगा ना उसमें मैं सारे अकाउंट नए क्रिएट मनी हरिको पे नया अकाउंट बना लूँगा मैं, सही है? उस तरह से दिखा दूँगा। अब होपफुली मेरे पास कोई ऐसी ईमेल हो जिसमें कुछ बना हुआ ना हो, वैसे मेरे पास 2-3 ईमेल है, सब पे ही बना हुआ होगा शायद, खैर देखते हैं अभी। अच्छा तो मेरे पास क्या है इस वक्त, मेरे पास एक अदद सर्वर है, ठीक है, जो मैंने लोकल अपने पास। अच्छा सर्वर हम ये जिक्र कर चुके हैं पहले कि सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सर्वर कोई हार्डवेयर नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको आप छू सकें। सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी मशीन पे चल रहा होता है। तो ये मेरे सर्वर का जो है ना सॉफ्टवेयर है, मेरे सर्वर का कोड है ये, ठीक है। अच्छा एक सर्वर और भी था, एक सर्वर कौन सा था? वो वेदर का जो सर्वर था जो हम हिट करते थे, एक वेदर का सर्वर था जो हम हिट करते थे, यहाँ से वेदर का डेटा आता था। इस सर्वर का एक अदद या URL हुआ करता था, सही है। अब हमने जो सर्वर लिखा है उसका जो URL है वो लोकल होस्ट है, क्योंकि वो मेरी ही मशीन में इस वक्त रन हो रहा था। लेकिन अगर मैं इसको हरिको पे या किसी क्लाउड पे करूँगा तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, एक अदद URL इसका मुझे मिल जाएगा। अब वंस मुझे इसका URL जब मिल गया ना तो मैं इसको कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ इस सर्वर को, ठीक है। ये थ्योरी हम समझ रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा अब मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास कोई वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन यानी कि कोई वेबसाइट है, तो मैं वहाँ से इसको हिट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मोबाइल डिवाइस है मैं वहाँ से इसको हिट कर सकता हूँ, ठीक है। अलगर्ज़ ये कि मैं कहीं से भी अगर चाहूँ इसको तो अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ मेरे सर्वर को। अच्छा इससे पहले जो हमने वेदर ऐप बनाई थी, एक वेबसाइट बनाया था हमने वेदर ऐप के नाम से, ठीक है, सब लोगों ने होपफुली वो बना लिया था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया था सब लोगों ने। तो उसमें हमने क्या किया था कि मेरी HTML के पेज से, मेरी फ्रंट एंड से मैंने किसको कॉल किया था, एक थर्ड पार्टी वेदर के सर्वर को कॉल किया था जिसका नाम था ओपन वेदर API गालबन, सही है, या वेदर API करके कुछ नाम था, और इसने मुझे कुछ डेटा दिया था। लेकिन अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं, मेरे पास एक अपना सर्वर होगा, मैं इसको कॉल करूँगा और यहाँ से मेरा डेटा आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल है, क्योंकि अब ना हम सर्वर पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम सर्वर पढ़ेंगे तो जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट एंड मेरा बना हुआ ही हो। सर्वर मैं बना रहा हूँ, सिर्फ सर्वर बना रहा हूँ, तो इसको टेस्ट करने के लिए ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें से एक है पोस्टमैन, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, एक वेब एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक पोस्टमैन होते हैं, डेवलपर टूल्स होते हैं, इसके ज़रिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टेस्ट कर सकता हूँ इस API को, ठीक है। तो पोस्टमैन का मेरे पास ये एक टूल है, समझ जाएँ, इसमें ऐसे URL का बटन बना हुआ है और ऐसे ये टेस्ट का बटन बना हुआ है, ठीक है। नीचे ये कि बॉडी में क्या लिख कर भेजना है, फिर उसके नीचे क्या है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, सही है। ये मेरा पोस्टमैन का एक टूल है, इसके ज़रिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी सर्वर को चाहूँ तो इसके ज़रिए मैं कॉल करवा सकता हूँ, ठीक है। या तो वो कोई थर्ड पार्टी सर्वर हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, कोई मेरा खुद का सर्वर भी हो सकता है। किसी भी किस्म के सर्वर को मैं इस पोस्टमैन से कॉल करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा टाइम में मज़ीद पीछे चले जाते हैं, हम थोड़ा टाइम में मज़ीद पीछे जाते हैं और हम ये पोस्टमैन की ऐप इंस्टॉल करते हैं। और पोस्टमैन की ऐप इंस्टॉल करने के बाद इस पोस्टमैन की ऐप से हम इस वेदर API को, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, पहले हम इसको करके देखते हैं और अपना सर्वर का कॉन्सेप्ट थोड़ा मज़ीद बेहतर बनाते हैं, ठीक है। हम इसको पहले कॉल करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम खुद का सर्वर बना लेंगे अपना, ये वाला, ठीक है। और फिर इसी पोस्टमैन से हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को कॉल करेंगे, ठीक है, लोकल मशीन पे। फिर हम इसी सर्वर को हरिको पे डिप्लॉय कर देंगे और फिर इसी पोस्टमैन से हम उस हरिको वाले सर्वर को भी कॉल करेंगे। तो हम ज़रा इस ड्राइंग को यहीं पे छोड़ते हैं और हम आगे जाते हैं और पोस्टमैन में क्या कर देता हूँ, अपने पास इंस्टॉल करने के लिए पोस्टमैन, राइट, ठीक है। जैसे ही पोस्टमैन लिखा मैंने, देखें पहले नंबर पे आ गया ये, इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक हो गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउनलोड का ऑप्शन, ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, विंडोज़, मैक और लिनक्स। मैं इस वक्त मैक में मौजूद हूँ तो मैं मैक पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं मैक पे क्लिक करूँगा, होपफुली इसको डाउनलोड कर देना चाहिए पूरी ऐप को, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंटेल चिप, अच्छा मेरे पास ये एप्पल चिप है तो मैं एप्पल चिप वाला कर देता हूँ। अच्छा, मैक में ये दो तरह की चिप आ गई हैं अब रिसेंटली, पहले एक ही होता था। विंडोज़ में आपसे ये वाला सवाल ये नहीं पूछेगा होपफुली, ये सिर्फ मैक में पूछेगा आपसे ये वाला सवाल। अच्छा, तो जैसे ही मैंने डाउनलोड का बटन दबाया तो ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। मेरे पास पहले से ये पोस्टमैन होपफुली मौजूद होगा, सही है, मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैंने जस्ट ओपन कर लिया, मुझे डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास ये पहले से इंस्टॉल नहीं है, वो उनको बता रहा हूँ कि ये बहुत ईजी सा है, जब ये डाउनलोड होकर कम्प्लीट हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी इसके अंदर यानी वो नहीं है, आसान सा है बिल्कुल ये इंस्टॉल होने के अतबार से। अच्छा, तो ये पोस्टमैन मेरे पास ओपन हो रहा है इस वक्त, राइट नाउ, ठीक है। ये मेरे पास पोस्टमैन ओपन हो चुका है और इसका इंटरफेस जो है वो कुछ आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये अभी तक लोड नहीं, साइन अप भी करना पड़ेगा? नहीं, साइन अप मैंने तो नहीं किया, डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाता है, डायरेक्ट भी चल जाता है। आपसे अगर वो लॉगिन का पूछे भी ना तो नीचे बटन आ रहा होता है कि टेक मी टू द डैशबोर्ड, ऐसे करके आ रहा होता है। अच्छा, तो ये आपके पास ना पोस्टमैन का एक क्लासिक जो इंटरफेस है ना वो मौजूद है। अच्छा, आपने जो है ना, ठीक है, ये जो पैनल खुला हुआ था ना साइड वाला, इसको मैंने, ये छोटा सा बटन है इसको करके मैंने इस पैनल को बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, एक ये URL की जगह है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पोस्ट, यानी रिक्वेस्ट की टाइप क्या होगी, गेट होगी, पोस्ट होगी, क्या होगा। अच्छा, तो ये हमने देख लिया, ये URL की जगह है, यहाँ पे URL लिखूँगा मैं और यहाँ पे सेंड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, उस URL पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैंने खोल लिया, अब इसके ऊपर मैंने कौन सी API को कॉल करके देखना है, मुझे वेदर API को कॉल करके देखना है। तो वेदर API में ज़रा हम चलते हैं, वेदर API ये आ गया भाई, वेदर API हमारे पास, ठीक है। और क्या था ये, API एक्सप्लोरर, यहीं पे से मिलती थी API हमें, ओके। अच्छा, ये इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है इसलिए मुझे लॉगिन करना होगा ना, बगैर लॉगिन हुए ये मुझे अलाउ नहीं करेगा गालबन। हाँ, ये मैंने लॉगिन कर लिया क्योंकि इसमें टोकन होता है एक अंदर, उस टोकन के बगैर API ये काम नहीं करती। अच्छा, मैं ये टोकन को रीजनरेट कर लेता हूँ, सही है। ये टोकन ना कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है,
और सम टाइम ये ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मैं ये टोकन फिर गिटहब से रिमूव नहीं करता ना, वैसे ही डाल देता हूँ। तो बहुत सारे लोग इसको जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, मैंने जस्ट इन केस उसको चेंज कर लिया है, ताकि वो अगर पुराना एक्सपायर हो गया हो तो वो हमें मसला ना करें। कॉपी का बटन दबा दिया मैंने, सही है, ये मेरी API की थी जो कि कॉपी हो गई है। ठीक है, और ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे भी आ गई है, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो दोबारा उसको मैं रीजनरेट कर लूँगा। ये फ्री अकाउंट है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं कहाँ जाने वाला था कि API एक्सप्लोरर में जाने वाला था ना, मैं दोबारा होम पे क्लिक किया, मैंने दोबारा होम पे क्लिक करना, ये API एक्सप्लोरर यहीं पर तो था, वो ऐड दिखाता है ये तो। अच्छा, API एक्सप्लोरर यहाँ आ गया, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, अच्छा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे करंट वो चाहिए, शो रिस्पॉन्स। अच्छा, तो करंट वेदर के लिए जो मुझे चीज़ कॉल करनी है वो क्या कॉल करनी है, वो ये URL है वो। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया इस URL को। अच्छा, टोकन इसने कहाँ पे रखा, टोकन तो इसने नहीं रखा यार, वो की तो इसने गायब कर दी बीच में से यार, पहले मैं कैसे की डालेंगे ना फिर। हाँ नहीं यार, पहले मैं कैसे गया था वहाँ पे, पूरा वो लिख के बता रहे थे। फॉरकास्ट करंट वैल्यू, यस वैल्यू क्या चाहिए, ये वेदर का इंटरफेस कुछ चेंज नहीं है जो आपने लास्ट टाइम बताया था उससे? हाँ मैं वही देख रहा हूँ, कुछ चेंज लग रहा है मुझे भी, ये काफ़ी चेंज है, वो चीज़ नहीं है ये। सर आप पहले वो की डालते थे उसके बाद आप उसको जनरेट करते थे? हाँ नहीं नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट में कोई जगह थी जहाँ पे वो बताते थे कि यार ये रिक्वेस्ट, हाँ ये है ये वाला कॉल में आ रहा है ना, जो कॉल की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ आ रहा था, ये कॉल यू आर एल। एक मिनट दोबारा जाता हूँ मैं API एक्सप्लोरर पे, और कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, कॉल URL ये वाले पे। अच्छा वेल, URL तो यही वाला है, सही है ना, URL ये वाला है। इसमें की मुझे अलग से डालनी पड़ेगी, की इन्होंने डाल के नहीं, पहले लास्ट टाइम ये होता था की लगी भी आती थी ना पहले से, तो ये जो की के बाद आप पहले आप की डालते थे HTTP करके, फिर आप उसको जनरेट करते थे, पीछे ऑटो पे URL आ जाता था। अच्छा, वो इसमें होता कहाँ पे था, मैं वो मैं भूल गया हूँ, इसमें होता कहाँ पे था वो। सर आप API की में अपनी API की डालेंगे, HTTP सेलेक्ट करेंगे और नीचे वो कर देंगे, बटन दबा देंगे उसका, वो URL जनरेट हो जाएगा। API एक्सप्लोरर में जाऊँ दोबारा वापस? जी जी, API एक्सप्लोरर में जाएं। हाँ मुझे लग रहा है मैं भूल गया हूँ। अच्छा, API की यहाँ डालूंगा मैं, ओके गॉट इट। जी जी सर। हाँ यार ये सही बताया आपने, ये मैं भूल गया था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। असल में इनका यूज़र एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे ही है, फारिग है। अच्छा, ये API की यहाँ डालना है ना मुझे, सही तो है, और HTTPS मैंने की। स्क्रीन रुक गई है। अच्छा स्क्रीन रुक गई, मैं दोबारा कर देता हूँ। स्क्रीन रुक गई है। अच्छा, तो API की मैंने यहाँ पे डाला, HTTPS को सेलेक्ट किया, और मैंने कहा JSON फॉर्मेट मुझे चाहिए। अच्छा, अब कहाँ पे मैं क्लिक करूँ शो? सर आप शो रिस्पॉन्स में। अच्छा, अब शो रिस्पॉन्स कर दूँ यहाँ से, और ये क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। ओके सर। अच्छा, ये URL आ गया मेरा, ये URL मैंने कॉल करना है, ये URL मैं कहाँ लिख दूँगा, ये पोस्टमैन में आके ना इस बार, ये जो बार बना हुआ है इस पर लिख दूँगा आगे मैं। ठीक है, ये बार जो था इसके ऊपर मैंने लिख दिया, और जब रिस्पॉन्स इसका आएगा तो कुछ इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, और रिस्पॉन्स की जो बॉडी होगी उसमें कुछ इस तरह का डेटा आना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको ना ये बताता हूँ कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का चक्कर है क्या। पहले तो उसको कॉल करते हैं ना, सेंड का बटन दबाया मैंने, ये रिक्वेस्ट कॉल हो गई और रिस्पॉन्स ये मेरे पास सामने आ गया। सर? जी जी दोस्त, जी दोस्त आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो। जी सर ये पूछा था, ये की आपने पास करी है पैराम्स के अंदर? हाँ ठीक है, पैराम्स के अंदर पास किया तो पोस्टमैन के अंदर। हाँ हाँ आगे
सवाल आपका तो क्या क्या ये है? पास करना जरूरी है, मतलब हाँ हाँ ये तो पास करना ज़रूरी ये है। पास करना जरूरी है, जैसे क्यों लंदन? लंदन की जगह मैं किसी जगह का भी ना कराची लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और सेंड दबाऊंगा तो ये कराची का डेटा ले आया है। ये की मुझे पास करना ज़रूरी है, जाहिर है ऑथेंटिकेशन के लिए होता है ना की, ये कि कौन कॉल कर रहा है इस एपीआई को, वरना मिसयूज़ भी हो सकता है समटाइम इस एपीआई का, ठीक है। फिर जाहिर है ये फ्री में आपको 100 रिक्वेस्ट अलाउ करते हैं, उसके बाद तो पैसे मांगते हैं ना ये, तो पैसे अगर आपने पे किए हैं तो पता कैसे चलेगा आपको कि जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वही कॉल कर रहा है एपीआई, कोई और कर रहा है? अब देखिए अगर मैं ये की हटा देता हूँ ना, या इस की का आखिर में 8 की जगह मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई आपकी एपीआई की ना इनवैलिड है, ठीक है, मुझे ये कॉल करना नहीं देगा। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि कौन है वो बंदा जो ये कॉल कर रहा है एपीआई। अगर मैं ही हूँ तो मुझे वो की पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने लॉगिन किया है, मैंने पैसे पे किए हैं, सब कुछ किया है मैंने, ठीक है, तो मुझे वो की इन्होंने रिटर्न में ये दी है, तो ये वो वाली की है। अच्छा ये सब लोगों को समझ में आया पोस्टमैन से कैसे कॉल करते हैं? अच्छा पोस्टमैन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बाकी ऑप्शंस को अभी छोड़ दें, अभी फ़िलहाल उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पोस्टमैन के अंदर जो ऑप्शन देखना है वो सिर्फ ये देखना है कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या होनी चाहिए, गेट, ठीक है। अच्छा रिक्वेस्ट की टाइप पोस्ट भी होती है, पुट भी होती है, और भी बहुत सारी हैं, वो क्या होती है वो हम देखते हैं थोड़े। तो रिक्वेस्ट की टाइप होनी चाहिए गेट, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए वो यूआरएल जो आपने कॉल करना है, ठीक है। अब यूआरएल में सब कुछ इंक्लूडेड है, ये जो भी था वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने बता दिया है। और उसके बाद आपने ये सेंड का बटन प्रेस कर देना है, जैसे ही सेंड का बटन प्रेस करेंगे ये रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। पोस्टमैन जो है वो एक डेवलपर टूल है जो कि इस्तेमाल होता है एपीआई को टेस्ट करने के लिए। जाहिर है अगर मैं सिर्फ सर्वर बना रहा हूँ, मेरे पास कोई फ्रंट एंड नहीं है, मेरे पास कोई एचटीएमएल की ऐप नहीं है, तो मेरे पास क्या तरीका है उस एपीआई को चेक करने का? मेरे पास है पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपीआई टेस्टिंग टूल्स कहते हैं इसको। अच्छा इतना हमें समझ में आ गया। तो हमने अभी अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग ये जो हमने किया था, हमने क्या कर लिया इस वक्त, हमने इस वक्त ये कर लिया है कि पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस पोस्टमैन के ज़रिए एक थर्ड पार्टी एपीआई जो थी जो वेदर की, उसको हमने कॉल करके उसका रिस्पॉन्स मंगवा के देख लिया, ठीक है। हमें एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास फ्रंट एंड की एप्लीकेशन नहीं है, तो हम पोस्टमैन के ज़रिए इसको कॉल कर रहे हैं। तो हमने वेदर की एपीआई को कॉल किया, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो हमें पोस्टमैन पे सामने डिस्प्ले होकर नज़र आ गया। इतने में किसी का कोई सवाल जो मैंने अभी बात बताई है? अब मैं ये पूरा रिवाइज़ करने लगा हूँ, जो कल भी हमने पढ़ा था ना वो पूरा रिवाइज़ करने लगा हूँ मैं, लेकिन थोड़े एक मुख्तलिफ अंदाज में। अच्छा इतनी बात सब लोगों को समझ आई? अगर किसी को कोई इसमें सवाल है तो वो प्लीज़ कर ले अभी। ये पोस्टमैन का बता दिया गया, पोस्टमैन जो है ये मतलब किस चीज़ की मेन करता क्या है, एप्लीकेशन है क्या चीज़ है? पोस्टमैन एक टूल है जो एपीआई को टेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, अब उस सर्वर में मैंने कहा कि स्लैश वेदर, और स्लैश वेदर पे ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन उसको चला के कैसे देखूँगा मैं? उसको चला के देखने के लिए या तो मुझे फ्रंट एंड एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक HTML की एक ऐप बनानी पड़ेगी ना मुझे, एक UI तैयार करनी पड़ेगी कि वहाँ पर कराची लिखूँ और सेंड करूँ तो वहाँ से आए डेटा। लेकिन अगर वो नहीं है मेरे पास तो फिर मैं कैसे उसको कॉल करूँगा? मतलब हम खुद बनाएंगे तो फिर वो एजेक्स वगैरह भेजना और ये वो सब करना हमें करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे ये काम ये खुद कर रहा है सारा। नहीं एजेक्स क्या मतलब, ये मैं समझा नहीं बात आपकी। मतलब गेट और उसकी सेट की रिक्वेस्ट जो होती है ना गेट की और उसकी, तो यार काम हमें खुद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये काम ये कर रहा है सारा। नहीं ये तो एक नेक्स्ट लेवल का भी एक चीज़ कर रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये आपने रिक्वेस्ट बना दी ना, हिट कर दिया, रिस्पॉन्स इसका सही आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल सही आ गया ना। अब आप देखें इसमें एक जगह पे ऑप्शन होता है कोड का, ठीक है, और वो कहाँ होता है ऑप्शन, वो होता है यहीं कहीं, इसमें एक ऑप्शन होता है सही है, express.js के रिप्लेस में लिया। अच्छा एक मिनट मैं आपका जवाब देता हूँ। देखें ये छोटा सा लिखा हुआ है कोड, ये कोड आपने खोला, आपसे ये पूछेगा किस पे कोड बनाना है आपका। मैंने कहा भाई जावा स्क्रिप्ट पे बनाना है मुझे, और जावा स्क्रिप्ट में ना एक्सियोस का बनाना है मुझे, ये एक्सियोस का पूरा कोड इसने लिख के दे दिया, सही है। हम इसी तरह कॉल करते हैं ना एक्सियोस पे, ठीक है। अब एक्सियोस के अलावा अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फैच, ठीक है, तो इन्होंने जावा स्क्रिप्ट फैच ही रहा, फैच का ये कोड आपको लिख के दे दिया इसने, समझ रहे हो। तो ये क्या है कि अब इसी कोड को मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, मैं अपने फ्रंट एंड पे जाके लगाऊंगा चल जाएगा। तो पोस्टमैन असल में इनिशियली तो
हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हमें डेटा डालते जैसे हम खुद एपीआई बना रहे पैकेट बना रहे तो इनिशियली तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा डेटाबेस में। हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेट करेंगे फिर वो डेटाबेस में सेव जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अभी हम बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी हमने डेटाबेस हम गए नहीं है डेटाबेस तक, राइट। हम पहले सर्वर को अच्छी तरह समझ लेते हैं फिर हम डेटाबेस में भी जाएंगे, सही है। तो जब हम डेटाबेस पे जाएंगे ना तो ये फिर अभी तो हम रखते हैं ना हार्ड कोडेड डेटा कि यार अभी बस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फिक्स है वो चेंज ही नहीं होता कभी। तो हम क्या करेंगे जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा यार वो वैल्यू असल में डेटाबेस में बैठी हुई होती है और डेटाबेस में वो कहाँ से आती है, कौन उसको चेंज करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम करेंगे। अच्छा लोकल सर्वर बना के हम ये पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। अच्छा बाबर भाई पहले पूछें सवाल उसके बाद दूसरा बंदा पूछे। बाबर भाई रिपीट कीजिएगा। पोस्टमैन पे हम लोकल सर्वर बना के भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ ये जो मैंने यूआरएल लिखा हुआ है ना इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा http://localhost, ठीक है, :3000। इसी पे चला रहे थे ना हम लोकल सर्वर /profile, ठीक है, हिट करूँगा। अभी तो चल नहीं रहा सर्वर, अभी मैं हिट करूँगा ना नहीं जाएगा, देखो अभी एरर आ गया क्योंकि सर्वर चल नहीं रहा अभी, ठीक है, चलाऊँगा तो ये हिट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा दूसरा कौन सवाल पूछ रहा है? तो एरर वगैरह भी देख सकते हैं इससे आराम से। बिल्कुल एरर देख सकते हैं सर, अब फ्रंट एंड पे ना आपको पता नहीं चलता है कि यार मैंने जो HTML की ऐप में कोड लिखा है ना मेरे HTML की ऐप का मसला है या सर्वर की साइड से मसला है। तो अब यहाँ से जब कॉल करते हैं ना आपको पक्का हो जाता है कि हाँ मेरा सर्वर बिल्कुल ओके है, जब ही तो रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप फ्रंट एंड का मसला उसमें अलग से हल कर लेते हैं। जी दोस्त क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पोस्टमैन की जगह हम लोग एक VS में कहते हैं ना एप्लीकेशन थंडर करके नाम, थंडर भी है वो भी यही चीज़ है, वो भी यही चीज़ है लेकिन उसमें फीचर्स बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, थंडर के नाम से है वो। VS कोड अभी खुला हुआ नहीं है मेरे पास, VS कोड में थंडर के नाम से है वो इंस्टॉल है मेरे पास भी और मैं भी उसको ओकेजनली यूज़ करता हूँ। ये है थंडर, क्या सीन है इसका, हाँ ये रहा न्यू रिक्वेस्ट, ये थंडर पे क्लिक किया मैंने, ये न्यू रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे मैंने वो API का URL लिखना है और URL लिख के मैंने अब वो सेम URL मैं यहाँ लाके लिखता हूँ ना, देखो सही वही रिस्पॉन्स आएगा। ये भी कोड बना के देता है क्या? ये बहुत लिमिटेड है, मैं इसको भी एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि चला के दिखा दूँ। अच्छा ये मैंने URL कॉपी किया यहाँ से सेंड किया, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये थंडर पे आके मैंने वही URL पेस्ट किया सेंड किया यहाँ पे भी रिस्पॉन्स वही आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कोड बना के देता है नहीं देता, नहीं कोड नहीं देता भैया, नहीं देता है कोड, ये छोटा सा आ रहा है ना, हाँ यार ये देता है कोड, ये भी सी शार्प, मैंने कहा यार मेरे सर, पास ये है तो जावा स्क्रिप्ट ना पोस्टमैन की जगह, जावा स्क्रिप्ट में एग्जियोस चाहिए मुझे, ये एग्जियोस का इसने कोड बना के दे दिया मुझे, ठीक है, मुझे फैच का कोड चाहिए, ये फैच का बना के दे दिया, सही है, वो भी इसमें है। असल में ये तो अब काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए, शुरू शुरू में तो बिल्कुल ही ये मतलब ब्रेक होती थी जगह जगह ये एप्लीकेशन, अब काफ़ी मुझे लग रहा है ये स्टेटस वगैरह भी अच्छे से दिखा रहा है, पहले ये नहीं दिखाता था अच्छे से। तो खैर थंडर भी है, पोस्टमैन भी है, पोस्टमैन के अलावा भी कई सारे बहुत सारे टूल हैं, ठीक है, पोस्टमैन के अलावा भी बहुत सारे टूल हैं। आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना API टेस्टिंग टूल्स, HTTP API टूल्स, ठीक है, तो बहुत सारे आ जाएंगे ये। एक बड़ा अच्छा है वो, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक मिनट मेरे पास यहाँ पे होगा वो, इंस्टॉल है मेरे पास, वो भी बहुत यूज़ होता है, कब बड़ा अच्छा टूल है वो, मैंने इंस्टॉल किया था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी, ये वाला हॉप स्कॉच, सही है ये हॉप स्कॉच जो है ना ये भी बड़ा अच्छा टूल है, ये भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पोस्टमैन जो है वो आसान है, उसकी हेल्प ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल तो आप पोस्टमैन ही इस्तेमाल करें, बाकी जो है ना छोड़ दें फिलहाल। ये हॉप स्कॉच भी जो है वो क्रोम की एक्सटेंशन में भी होता है शायद, हॉप स्कॉच जो है असल में इसकी बात यही अच्छी है कि ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, ये हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। पोस्टमैन नहीं है क्या? पोस्टमैन, पोस्टमैन का जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है ना वो भी हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन अभी इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, डेप्रिकेटेड हो गई है उसकी वो पोस्टमैन की जो एप्लीकेशन है। अच्छा ये पता नहीं खुल रहा नहीं है, क्या वजह? अच्छा सर ये जो थंडर का आपने बताया तो ये एक्सटेंशन से डाउनलोड होगा VS कोड में? हाँ थंडर डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ आपको मैं, ये आप गए एक्सटेंशंस में और यहाँ पे आपने जाके लिखा थंडर, ठीक है, तो ये आ गया पहले नंबर पे थंडर, ठीक है, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अच्छा तो हमने अभी हमने क्या देख लिया फ़िलहाल के लिए, हमने ड्राइंग में वापस आ जाता हूँ क्योंकि इसको हम लेके चल रहे हैं।
अभी तक हमने पोस्टमैन या पोस्टमैन के जैसा कोई भी टूल, थंडर हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, कोई भी टूल हमने इस्तेमाल करते हुए हमने एक थर्ड पार्टी एपीआई को, जो कि वेदर प्रोवाइड करती है एपीआई, weatherapi.com नाम है उसका, उसको हमने कॉल करके उसका रिजल्ट अपने पास देख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा सा ना एक ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज़ को कि जब हम किसी भी क्लाइंट से, अच्छा अभी के केस जो क्लाइंट है ना वो, यानी अगर मैं डेस्कटॉप से कॉल करता तो वो क्लाइंट होता, अगर मैं मोबाइल ऐप से कॉल करता तो वो मेरा क्लाइंट होता, अभी मैं पोस्टमैन से कॉल कर रहा हूँ तो मेरा क्लाइंट कौन है? पोस्टमैन है। सही है। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है असल में। ये मेरा जो पोस्टमैन का क्लाइंट है वो किसको कॉल करता है? वो कॉल करता है इस वेदर के सर्वर को कॉल करता है। तो ये जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है ना, इसको ज़रा सा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ मैं कि इस कम्युनिकेशन में क्या क्या कुछ होता है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे डिवाइड कर देता हूँ इसको लाइन बना के। अच्छा, अब इस तरफ जो है ना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, अब मैं उठा लेता हूँ यहाँ से पेंसिल, और पेंसिल उठा के मैं क्या करता हूँ, इसको जूम इन कैसे करेंगे यार, मुझे लग रहा है ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे पूरी स्क्रीन को। देखो, जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एक सर्वर को, ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, ये रिक्वेस्ट, ये बीच में पैकेट है, ये पैकेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस पैकेट में क्या क्या होता है। सही है, ये पैकेट है। सही है, ये मेरा है क्लाइंट और ये मेरा है सर्वर। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो सबसे पहले क्या होता है, इसका यूआरएल होता है। सही है, एक यूआरएल होगा, जैसे कि स्लैश और प्रोफाइल, कोई भी यूआरएल का नाम हो सकता है। ठीक है, प्रोफाइल हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसकी टाइप होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसकी टाइप होती है। मैं यहाँ से ना वो उठा लेता हूँ, टेक्स्ट लिखने वाला जो है, ताकि थोड़ा बेहतर तौर पे हम लिख पाएँ इसको। सबसे पहले मैंने कहा क्या होता है, इसकी जो है यूआरएल होता है, मिसाल के तौर पे स्लैश यूज़र। ठीक है, एक ये यूआरएल हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है, इसकी टाइप होती है कि भाई ये क्या है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है या ये गेट की रिक्वेस्ट है। सही है। अच्छा, चार तरह की टोटल रिक्वेस्ट होती हैं। ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। सही है, चार तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। अच्छा, अभी हम वो चारों को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक होता है हेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक अदद हेड होता है। हेड को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ लागे। सही है, और उसके बाद होता है बॉडी। ठीक है, तो ये चार मेन कंपोनेंट्स जो है ना हमने क्या किए हैं, ब्रेक डाउन कर लिए हैं। जब भी एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्वर को, ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट होते हैं। मैं ट्रायंगल उठा लूँ यहाँ से ज़रा, हाँ रेक्टेंगल उठा लिया मैंने। अच्छा, जब भी एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्वर को, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का भी सर्वर हो, तो वो जो रिक्वेस्ट तैयार होती है ना क्लाइंट के पास से, और वो रिक्वेस्ट जब जाती है सर्वर पे, तो ये है वो रिक्वेस्ट। इसके चार मेजर कंपोनेंट्स हैं, और भी होते हैं वैसे छोटे छोटे, लेकिन चार जो है वो ज़रूरी है समझना आपके लिए इस पॉइंट पर। नंबर एक उसका यूआरएल। ठीक है, अच्छा यूआरएल हम ये देख चुके हैं, जैसे हमने जो लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड बनाया था ना, उसमें हमने तीन स्लैश होम स्लैश प्रोफाइल स्लैश वेदर, तो तीन हमने यूआरएल बनाए थे। ठीक है, तो यूआरएल क्या है, मैंने अलग अलग, जाहिर है इस यूआरएल को आप समझ लो इंस्ट्रक्शन समझ लो आप। ठीक है, इसको क्या समझ लो आप, इंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने करके स्लैश करके गेट वेदर लगाया, तो इसका मतलब है मैं सर्वर से क्या करना चाह रहा हूँ, वेदर को गेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक नाम है अलग अलग। मिसाल के तौर पे मेरा सर्वर है वो चार काम कर सकता है, मेरा सर्वर चार काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे पानी दे सकता है, खाना दे सकता है। सही है, तो मैं सबसे पहले वाले का नाम रखूँगा स्लैश गेट वाटर, उसके बाद रखूँगा स्लैश गेट फूड। सही है, तो तीन चार पाँच जितने भी काम होते हैं ना वो यूआरएल होता है। अच्छा, उसके बाद है रिक्वेस्ट की टाइप। रिक्वेस्ट की टाइप ये होती है कि आप
सर्वर पे कुछ डेटा भेजना चाहते हैं या सर्वर से कुछ मांग रहे हैं आप, सही है? तो जो चार इसकी मेजर टाइप्स हैं ना रिक्वेस्ट की, जो है वो चार मेजर टाइप्स हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी चार मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सही है? एक है गेट, ठीक है, पोस्ट, पोस्ट, डिलीट, पुट और डिलीट, ठीक है। तो ये चार मेजर टाइप है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, इन चार मेजर टाइप्स को हम समझ लेते हैं। जब आपको सर्वर से कोई डेटा मंगवाना होता है, ठीक है, जब आपको सर्वर से कोई डेटा मंगवाना होता है तो आप गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, सही है? मिसाल के तौर पे मेरा ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट कोई भी हो सकता है, पोस्टमैन भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकती है, वेब एप्लीकेशन, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। जब क्लाइंट मेरा सर्वर से बोलता है कि मुझे वेदर का डेटा दो, ठीक है, सर्वर से डेटा वेदर का मांगता है जब, तो रिक्वेस्ट की टाइप क्या होनी चाहिए? गेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको वैसे डॉक्यूमेंट, जो जैसे वेदर एपीआई का सर्वर है ना, तो जाहिर है उन्होंने डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में बोला हुआ है कि भाई गेट की रिक्वेस्ट आपको कर, तो लेकिन असूलन इसमें गेट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, यही वजह है कि मैं वापस पोस्टमैन में जब जाऊँगा ना, तो आप देखें ये URL है, सही है? URL क्या है? api.weatherapi.com/v1/current.json। करंट का मतलब है कि करंट डेटा मांगा जा रहा है, इसमें फोर डे का भी हो सकता था कुछ और, तो जाहिर है उसके लिए फिर अलग URL होता है, ठीक है, फोर डे वाले के लिए। तो एक अदर URL है, उसके बाद एक अदर टाइप है गेट। गेट का मतलब क्या है कि ये जो URL है ना, इस सर्वर से मैं कुछ मांग रहा हूँ, और वो क्या मांग रहा हूँ? मैं वेदर का डेटा मांग रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखो पोस्ट भी कर सकता था मैं, ठीक है, कोई और भी, लेकिन फिलहाल मुझे गेट रखना है क्योंकि सर्वर से कुछ डेटा मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे पोस्ट। पोस्ट की रिक्वेस्ट मैं उस सूरत में करूँगा जब मुझे सर्वर पे कोई नई रिसोर्स क्रिएट करनी है, ठीक है, सर्वर पे कोई मुझे नई रिसोर्स क्रिएट करनी है जब, तो मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे मुझ यूज़र को साइन अप करना, यूज़र को साइन अप करने में क्या करूँगा मैं, फ्रंट एंड से अपने क्लाइंट से यूज़र से एक फॉर्म फिल करवाऊँगा, सारा डेटा यूज़र ने लिख दिया, वो डेटा जो यूज़र ने लिखा है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं इस रिक्वेस्ट के अंदर पैक करके, इस रिक्वेस्ट के अंदर उसको पार्सल करके भेजूंगा मैं सर्वर पे, ठीक है। और सर्वर को मैं बोलना चाह रहा हूँ असल में ये कि इस डेटा को डेटाबेस में जाके सेव कर दो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैं रिक्वेस्ट कौन सी करूँगा? पोस्ट की, ठीक है। अच्छा, और जो डेटा मैं डालूंगा इस, ज़ाहिर है जो फॉर्म यूज़र ने फिल किया है, वो डेटा भी इस रिक्वेस्ट के अंदर पैक करके भेजूंगा ना मैं, तो वो डेटा कहाँ पे होना चाहिए? वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक हो गया? अच्छा, बॉडी का जो डेटा होता है वो इस, जब जब ये रिक्वेस्ट जारी होती है ना रस्ते में, जब होती है, ज़ाहिर है तारों से गुजर के जाती है, सही है, ये आपके सबसे पहले आपके ये इंटरनेट का कनेक्शन वाला है वहाँ पे पहुँचेगी, फिर आपके ISP पे पहुँचेगी, ठीक है, फिर वहाँ से DNS सर्वर होगा, सही है, फिर उससे सबमरीन की केबल से होते हुए फिर अमेरिका के सर्वर में जाके, बीच में बहुत सारे लोग हैं जहाँ से ये गुजरेंगी आपकी तार ना, तो इस बीच में इसको कोई देख नहीं सकता। अगर बॉडी में आपने डेटा रखा है तो उसको दरमियान में कोई उसको देख नहीं सकता। ऑन अदर हैंड, हेड में भी आप डेटा रख के भेज सकते हैं, लेकिन हेड क्या होता है? पब्लिक होता है, रास्ते में जाते हुए कोई भी इस हेड को देख सकता है, पढ़ सकता है, और इस हेड को मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। अब हेड में कैसे डेटा रखते हैं, बॉडी में कैसे डेटा रखते हैं, वो अभी तक हमने देखा नहीं है, अभी हम देखेंगे वो, ठीक है। अच्छा, तो जब मुझे यूज़र को साइन अप करना होगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सर्वर पे एक नई रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सर्वर पे कुछ डेटा भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास रिक्वेस्ट की जो टाइप होगी वो पोस्ट होगी, ठीक हो गया? ये समझ में आ गया? गेट समझ में आ गया, पोस्ट समझ में आ गया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये दोनों एक तरह से रीड एंड राइट है। रीड और राइट है, एग्जैक्टली। जब मैं सर्वर से कुछ रीड करूँगा, सर्वर से कुछ मांगूंगा तो गेट होगा, और जब मैं सर्वर पे कुछ राइट करूँगा, सर्वर पे कोई डेटा भेजूंगा नया डेटा, वो पोस्ट होगा वो। अच्छा, उसके बाद है पुट। पुट में क्या होता है कि जब सर्वर पे पहले से मौजूद किसी रिसोर्स को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप पुट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा स्लैश यूज़र और पुट की रिक्वेस्ट भेजी मैंने, तो इसका मतलब है मैं पहले से मौजूद किसी यूज़र को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मिसाल के तौर पे जाहिर है एक बार यूज़र साइन अप हो गया तो जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट तो करेगा, तो जब प्रोफाइल में वो जाता है और अपना नाम चेंज करके और दोबारा सबमिट करता है, तो उस पॉइंट पे यही स्लैश यूज़र की रिक्वेस्ट होती है, जाहिर है यूज़र चेंज हो रहा है, तो लेकिन उस वक्त क्या होता है, ये पुट हो जाता है,
ठीक है, ये अभी हम करके देखेंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है डिलीट। डिलीट जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्वर पे मौजूद किसी रिसोर्स को अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई यूज़र साइन अप हो चुका है, उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या कोई मिसाल के तौर मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, तो मैंने कोई प्रोडक्ट लगाई थी, अब मैं उस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या OLX के ऊपर मैंने ऐड लगाया था कोई, उसको ऐड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ऐड डिलीट करने के लिए जब मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, URL में होगा /ऐड, ठीक है, इसकी टाइप होगी डिलीट, और मुझे बॉडी में और हेड में कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, पुट में भी जाहिर है, पुट में जब हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, तो मॉडिफाई करके उसमें अब क्या रखना है वो भी बॉडी में भेजता हूँ मैं, ठीक है, बॉडी में इसलिए भेजता हूँ कि उसको कोई देख ना सके रास्ते में, जितना भी सेंसिटिव डेटा है उसको मैं बॉडी में रख के भेजता हूँ ताकि उसको रास्ते में कोई देख ना सके, ठीक है। जैसे लॉगिन की जब रिक्वेस्ट होती है तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड से बंदे से बोलता हूँ यूज़र नेम लिखो अपना और पासवर्ड लिखो, ठीक है, और उसको सर्वर पर भेजता हूँ मैं। सर्वर पे क्या करने के लिए भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ चेक करने के लिए कि आया कि चेक करो ये सही है या नहीं है। तो जब मैं सर्वर पे कुछ भेज रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है पोस्ट होना चाहिए, मैं गेट तो नहीं कर रहा ना, पोस्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। इसी तरह जब मैं साइनअप करता हूँ तो साइनअप में भी मैं फॉर्म फिल करवा के यूज़र को भेजता हूँ, ठीक है। जब मैं ईमेल लिखता हूँ और ईमेल लिख के सेंड का बटन दबाता हूँ तो भी क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब मैं जाके अपने यूट्यूब की वीडियो में जाके मैं एनालिटिक्स में जब जाके देखता हूँ कि कोई किसी भी वीडियो में जाता हूँ उसमें लिखता हूँ कि शो एनालिटिक्स, तो मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, मैं गेट की रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि भाई ये वीडियो है इसकी मुझे पूरी एनालिटिक्स दो आप, ठीक है। जब मैं अपने फेसबुक का पेज खोलता हूँ तो मेरे जो सारा पोस्ट मेरी उठ कर आती है सर्वर से, तो पेज खुलते ही एक गेट की रिक्वेस्ट लगती होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह किसी पोस्ट पर आके मैं रुका, उसमें मैंने देखा भाई 56 कॉमेंट्स हैं इसमें, तो मैंने अब कमेंट शो नहीं होते फ़ौरन, ठीक है, तो एक दो शो हो रहे होते हैं बाकी, तो मैंने कहा व्यू मोर कमेंट्स, तो उस सूरत में भी क्या हो रहा है, गेट की रिक्वेस्ट लग रही है सर्वर पे कि भाई सारे कमेंट लेकर आओ सर्वर से उठा के, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब भी कोई क्लाइंट बात करता है सर्वर से तो ज़ाहिर एक रिक्वेस्ट बनती है क्लाइंट से, और क्लाइंट से बन के वो सर्वर पर जाती है, तो जब वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है तो वो उसकी जो चार मेजर पार्ट्स हैं ना, वो इस तरह की एक इस तरह का ब्रेफ केस होता है वो, जो क्लाइंट से निकल के सर्वर तक जाता है, ठीक है। और उस ब्रेफ केस के हमने चार मेजर पार्ट्स को एक्सप्लोर किया, ज़ाहिर है छोटे छोटे और भी पॉकेट्स हैं वो अभी हम नहीं देखते, अभी चार मेजर उसके खाने जो है ना वो हमने चारों देख लिए। इसी तरीके से जब सर्वर वापस रिस्पॉन्स करता है तो उसके भी यही चारों पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है सर्वर जब रिस्पॉन्स देता है तो उस रिस्पॉन्स का क्या होता है, हेड होता है, और उस रिस्पॉन्स की बॉडी भी होती है, ठीक है, और ज़ाहिर है उसका एक URL भी होता है, क्योंकि जिस URL से रिक्वेस्ट आई है उसी URL पे वो रिस्पॉन्स भी वापस भेज रहा होता है। टाइप उसकी नहीं होती एक्चुअली, लेकिन उसकी हेड और बॉडी होती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जब आपने बोला ना कि भाई सारी पोस्ट गेट करके लाओ, जैसे वेदर का डेटा आपने गेट किया था अभी, तो वेदर का जब डेटा सर्वर वापस भेजता है तो आप नोट कीजिएगा कि ये कहाँ पर भेज रहा होता है आपको। मैं ये पोस्टमैन में गया, देखें ये किस में भेज रहा है, बॉडी में, हेडर भी होता है, रिस्पॉन्स का हेडर भी होता है, बॉडी भी होती है, ठीक है। तो जब वापस वो आ रहा होता है, जब ये रिक्वेस्ट एक बार क्लाइंट से निकल के सर्वर पे चली गई तो जब वापस आती है तो उसमें भी ये चारों एज ए, मतलब उसी ब्रेफ केस के अंदर ना, मतलब मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि यहाँ से एक ब्रेफ केस तैयार हुआ चार खानों वाला और वो गया सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, उस ब्रेफ केस में से कुछ निकाल लेगा, कुछ डाल देगा और वही ब्रेफ केस आपको वापस करेगा, सही है, वही ब्रेफ केस आपको वापस करेगा। तो रिक्वेस्ट दैट इज़ कॉल्ड, ये बीच में जो ब्रेफ केस है ना, इसको मैं ब्रेफ केस कह रहा हूँ बार बार, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर जब क्लाइंट से आप ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तैयार करके बना के, तो क्या करता है सर्वर, सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है तो सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट में से कुछ निकाल लेता है चीज़ें, कुछ इसमें डाल देता है। अब वो कैसे निकालता है वो भी हमारी मर्ज़ी से, हम वो कोड लिखते हैं कि क्या करना है उस रिक्वेस्ट के साथ, और वही रिक्वेस्ट का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, वही रिक्वेस्ट का जो पूरा ब्रेफ केस है वो आपको वापस भेज देता है। अब ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की आपको ये पता चल गया बेसिक पार्ट्स, इसमें किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अभी कर लें। ये HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो इसमें हाइपर टेक्स्ट पे डाटा वैसे ही हाइपर टेक्स्ट पे ही जा रहा होता है, तो इसका नाम ऐसे रखा है। अच्छा, HTTP का मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होता है, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, वैसे सही है, आप सही कह रहे थे, नाम इसका यही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है।
लेकिन जो HTTP है ना वो जस्ट एक प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मिसाल के तौर पे दो लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी छत पे, सही है, एक वो सामने वाली छत पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, दोनों छत मौसम भी अच्छा है. अब दोनों को अपना जो है ना कुछ कम्युनिकेशन करनी है दोनों को. अब कैसे करेंगे? मोबाइल से कर ले. नहीं मोबाइल अभी तो अभी देखा है ना. अच्छा, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं. हाँ नहीं अभी के ज़माने की, लेकिन वो तो नंबर एक्सचेंज होगा तो मोबाइल पे बात होगी ना, अभी तो नहीं है. अब कैसे बात करे बंदा, आवाज़ तो जाएगी नहीं इतनी दूर और इतने चिल्ला के बोलना भी नहीं है. तो एक इशारे का भी कोई कॉमन टर्म होगी ना आपकी, कोई कॉमन टर्म होगी. यानी आप उस बंदे से कभी मिले नहीं है, पहली दफ़ा आपने उसको मैं देखा है, लेकिन कुछ कॉमन टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको भी पता है और उसको भी पता है. ठीक है, तो आप इशारों में कुछ बात करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, अच्छा, तो ऐसी कॉमन टर्म जो दो पार्टीज़ ना आपस में डिसाइड कर लेंगे अच्छा इस तरह होगा, तो बस वो सही है. मिसाल के तौर पे जैसे और कोई मिसाल नहीं आ रही मेरे पास अच्छी सी, जैसे एग्ज़ाम में जब छापते हैं ना नकल करते हैं तो वो बाहर एक बंदे को खड़ा कर देते हैं ये जब कोई आने लगे ना तो इशारा कर देना. तो वो अगर वो पहले से डिसाइड हुआ है ना कि अच्छा कोई आने लगेगा तो ये बंदा फलां इशारा करेगा, ये बंदा पेन गिराएगा, कुछ करेगा, तो ये दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल. कि जो दो पार्टीज़ ना आपस में डिसाइड कर लें कि ऐसे होगा. ठीक है, अच्छा वो जो डिसीजन हुआ है, जो आपस में लोगों ने डिसाइड किया है कि कैसे होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे होगा. एक ब्रीफकेस तैयार किया जाएगा जिसके चार खाने होंगे, वो इस तरह उठ के जाएगा, इस तरह वापस आएगा. सर जी सर, ये जो दो आपने प्रोटोकॉल बताए हैं ये चीटिंग को लेकर कोई दूसरी मिसाल नहीं दे सकते? मतलब कोई और मिसाल? मैं कोई अच्छी मिसाल सोच रहा हूँ, मुझे अभी सूझ रही नहीं है कोई अच्छी मिसाल. ठीक है ना, मिशन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे. सीरियल कम्युनिकेशन है. हाँ जैसे अभी देखें ना ये आतिफ उमर जैसे हैं. अब आप इमेजिन करें, देखें मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई है मेरी. इमेजिन करें दो मोर्चे हैं महाज के ऊपर ना, जंग हो रही है, दो मोर्चे बने हुए, दूर दूर हैं आपस में. अच्छा मैंने क्या किया, एक एक बिजली का बटन होता है ना, बिजली का कि ऑन करो तो बत्ती जल जाती है. मैंने एक मोर्चे में लगाया बटन और उसकी तार खींच के ना दूसरे मोर्चे में ले गया और वहाँ पर मैंने जाके बल्ब लगा दिया. ये तो आप एजेंसी वाले काम करवा रहे हो. हाँ सही है, वो मैं एक इमेजन. अच्छा दुनिया का पहला इंटरनेट जो था ना वो यही था असल में. ये इंटरनेट की मैं आपको सबसे इनिशियल चीज़ बता रहा हूँ. अच्छा तो मैंने एक मोर्चे में लगा दिया बटन और दूसरे मोर्चे में लगा दिया मैंने बल्ब. अब वो एक किलोमीटर का फासला है, जो भी फासला है. और मैंने क्या किया, आपस में ये डिसाइड कर लिया कि यार अगर मैं इस बटन को ना एक दफ़ा प्रेस करूँ तो इसका मतलब है कि अभी अमन है. अच्छा अगर मैं इस बटन को दो दफ़ा प्रेस करूं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना हल्की फुल्की फायरिंग हुई है. सही है, जहां से प्रेस हो रहा है. अच्छा और अगर इस बटन को मैं तीन दफ़ा प्रेस करूं तो इसका मतलब है कि हम इंगेज हो गए हैं प्रॉपर, हम पे फायरिंग हो रही है और हम भी फायरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मैंने एक कम्युनिकेशन कर ली. अच्छा अब ये जो बात थी ना मैंने, ये मैंने सामने वाले मोर्चे वाले को अच्छी तरह बता दी, आपस में हमने डिसाइड कर लिया. तो दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, जो हमने प्रोटोकॉल आपस में सेट कर लिया गया यार अच्छा इस तरह से किया जाएगा. ठीक है, जो पहला दुनिया का जो पहला इंटरनेट था ना वो असल में एग्जैक्टली यही था कि आपस में ये अमेरिका में फौजी जो है ना आपस में वो बिजली के जरिए तार ऐसे. अच्छा इसको इसका बड़ा अच्छा एक नाम भी है, इसको कहते हैं मोर्स कोड. मोर्स कोड बाकायदा एक ज़ुबान है जो आप वो बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं. वो जेल जेल में ना कैदी भी आपस में वो कम्युनिकेशन करते हैं. जो जो ख़तरनाक किस्म के कैदी होते हैं ना, जाहिर है उनको बात करना अलाउ नहीं होता, तो वो जेल की सलाखों पे ना वो ढन 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 करके ना आपस में बातें करते हैं. मैं आपको मोर्स कोड की ज़रा शक्ल दिखा देता हूँ. सर बताएं मेरे को, ये पहले शिप्स वगैरह पे भी यूज़ होता था? जी बहुत मिलिट्री यूज़ में काफ़ी ज़माने तक ये रहा है. अब ख़त्म हो गया गालबन, क्योंकि अब उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है. देखो अगर मैंने कहा ना एक बीप और बीप, इसका मतलब है ए. अगर मुझे बी बोलना है तो इसका मतलब है बीप 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 बीप, इसका मतलब है बी. ठीक है, या बल्ब को इमेजिन कर लो, बल्ब है. अगर मैंने बल्ब का ना बटन एक बार दबा के छोड़ दिया, ठीक है, और फिर थोड़ी देर मैंने दबा के रखा, तो ये मोर्स कोड में ए बन गया मेरे. तो ये मैं बल्ब को ऑन ऑफ करके ना, देखो पूरी ज़ुबान है, ये गिनती भी है इसके अंदर, इसमें सब कुछ है.
देख रहे हो इसमें ये मोर्स कोड है, बड़ा फेमस है ये बच्चों को, ये अच्छा ये चीज़ हैक नहीं हो सकती है, हैक नहीं हो सकती। ये चीज़ें बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती है, मिशन वगैरह पे भी, मिशन में भी इस्तेमाल होती हैं बिल्कुल। तो ये मोर्स कोड वगैरह ऐसी चीज़ होती है ना, ये नॉर्मल यानी फौजियों को ये फिंगर टिप्स पे होता है उनके ना, जो इस तरह यानी इस तरह के मिशन जो कंडक्ट करते हैं उनको फिंगर टिप्स पे होता है। अच्छा मोर्स कोड के 4-5 अलग अलग वर्जन भी हैं, ये एक नहीं है मोर्स कोड, ये 4-5 अलग अलग वर्जन है, लोगों ने अपना भी बनाया हुआ है। कुछ एजेंसीज होती हैं ज़ाहिर है वो फिर वो ये जर्नल वाला नहीं यूज़, वो अपना बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसको। तो अब कैदी है ना उसको, मिसाल के तौर पर अगर वो मतलब पूरे एक गली का फासला है ना, अगर 100 मीटर का भी फासला है, ज़ाहिर है चीख नहीं सकते, लेकिन वो अगर उसके उसके हाथ में पत्थर है ना कोई, तो वो जेल की सिलाह हो ना ढन ढन करके वो बात करते हैं आपस में। अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसको कैसे रोकेंगे। अमेरिका में इन्होंने वो जेल बना दी है पीवीसी वाली इसको रोकने के लिए, जो ख़तरनाक किस्म के कैदी होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है पीवीसी का, तो उसमें रख रहे हैं आजकल, कि वो उसमें जब मारो ना तो आवाज़ बाहर आती नहीं है। तो जेल की सलाखों में उसको लोहे वाले में रखते ही नहीं है इस तरह के कैदियों को। बहरहाल तो हमने ये देखा कि अगर दो पार्टीज़ आपस में डिसाइड कर लें कि 3 दफ़ा बल्ब ऑन होगा तो इसका ये मतलब है, 4 दफ़ा ऑन होगा तो इसका ये मतलब है, तो दिस इज़ प्रोटोकॉल। अच्छा ये समझ में आया फरहाना आपको, ये जो एग्ज़ाम्पल दी मैंने अभी। अच्छा इंटरनेट जो पहला था ना बिल्कुल इनिशियल, ये सर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब आप इमेजिन करें कि एक मोर्चे में बटन है यहाँ पे, सामने दूसरे मोर्चे में बल्ब है। अच्छा अब एक मैं एक और बल्ब लगा लूँ इस मोर्चे में, उसका बटन मैं वहाँ रख दूँ, तो वो मुझे वापस जवाब भी दे सकता है। इमेजिन कर रहे हैं अब, यहाँ से मैं जो बोलता था पहले तो सिर्फ मैं ही बोलता था ना, उस तक पहुँचती थी बात, वो मुझे जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन अब वो मुझे जवाब भी दे पाएगा क्योंकि एक बटन उसके पास भी, उसका बल्ब मेरे पास है। ठीक है तो हमारी जो असल में वायरलेस कम्युनिकेशन होती है ना, जो हाफ डुप्लेक्स, वो असल में यही चीज़ होती है कि बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ से वापस आता है। तो टेक्निकली जो है ना, टेक्निकली जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो असल में इसी बेसिक रूल पे काम करते हैं कि यहाँ पे एक बटन है, इसको दबाया तो वहाँ बत्ती जली, वहाँ बटन है उसको दबाया तो यहाँ बत्ती जली। ठीक है अब फुल डुप्लेक्स इसको कहते हैं कि एट द सेम टाइम दोनों लोग बटन दबा रहे हैं, जैसे फ़ोन पे हम बात करते हैं ना, तो दोनों लोग एक वक्त में भी बोल सकते हैं एक दूसरे की, तो दैट इज़ फुल डुप्लेक्स। तो इसमें दोनों साइड से बटन दबे जा रहे हैं और दोनों तरफ बत्ती दब 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 जली जा रही है। तो माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है आपको। हाँ ये हॉलीवुड का कमाल है। यकीन करें इतनी बत्ती जल गई है कि थोड़ी देर में यहाँ की बत्ती जाने वाली है। अच्छा वो एक हॉलीवुड की बड़ी अच्छी मूवी है ना, पता नहीं उसका क्या एंटरप्राइज है, क्या डिसीजन नाम है कुछ, उसमें ये होता है वो जहाज़ एक हैक हो जाता है, तो उसमें ये अपने बंदे भेज देते हैं जहाज़ के अंदर, तो जब ये उड़ाने वाले होते हैं उस जहाज़ को, पीछे F-16 लगा चुके होते हैं कि अभी हम इसको उड़ाएंगे, तो वो अंदर जो कमांडोज होते हैं ना वो फिर अंदर की बत्ती को ना ऐसे जला जला के मोर्स कोड अपना अनाउंस करते हैं, तो पीछे जो फाइटर पायलट होता है वो भी मिलिट्री का ही होता है, तो वो समझ जाता है अच्छा यार ये कुछ बात हो रही है, तो वो मोर्स कोड को जब डिकोड करते हैं ना तो वो एक मैसेज होता है कि हाँ यार हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। वेल तो ये आप एक मूवी और भी है बड़ी अच्छी, एस्केप प्लान, एस्केप प्लान के 2-3 पार्ट्स हैं, उसमें भी ये मोर्स कोड का जिक्र है। उसके अलावा एक और मूवी है एक्सपेंडेबल्स, एक्सपेंडेबल जो है वो उसमें ऑर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी है और पता नहीं, उसमें भी इसका जिक्र है। तो बस अब हमारे पास ना असल में ज़्यादातर हमारे वाले जो बंदे हैं ना देसी, ये ज़्यादातर देखते हैं इंडियन मूवीज़, इंडियन मूवीज़ में ना सिर्फ फिक्शन होता है, रियलिटी तो कुछ होती नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो गोरे हैं ना वो थोड़ा सा इस लेवल पे हो गए, इतने समझदार हो गए कि वो इंटरटेन तो करते हैं लेकिन साथ में कुछ डेटा भी देते हैं, हाँ कुछ नई चीज़ें भी सिखाते हैं वो साइंस, जैसे ये अपना जो जेम्स कैमरॉन है, जेम्स कैमरॉन की आप मूवीज़ जितने भी देखेंगे ना वो रियल साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है। इसी तरह एक क्रिस्टोफर नोलान है जो ये इंसेप्शन जिसने बनाई है और ये इंटरस्टेलर जिसने बनाई है, क्रिस्टोफर नोलान भी जो ऐसा डायरेक्टर है वो 2-3 साल में जाके एक मूवी बनाता है लेकिन उसकी मूवी साइंटिफिक फैक्ट्स पे और ग्राउंड रियलिटी पे बेस कर रही होती है और कुछ कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज पे भी बेस कर रही होती है। अच्छा जी तो हमने क्या देख लिया अभी तक फिलहाल के लिए सर? जी जी दोस्त आजकल जो लोग आवाज़ आपकी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा सर आजकल लोग तुर्किश ड्रामे ज़्यादा हाँ तुर्किश ड्रामे देख रहे हैं लेकिन तुर्किश ड्रामे भी बस वो साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है ना, फायदा नहीं है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए बस। हाँ कुछ अभी अभी के दौर का कुछ देखना चाहिए, वो तो मतलब तलवारों के दौर का बस सही है, ठीक है, इंटरटेनमेंट की हद तक तो बहुत अच्छा है।
अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया, हमने ब्रेक डाउन कर लिया क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन को, और ब्रेक डाउन करके हमने देख लिया उसमें क्या क्या कुछ होता है। अच्छा, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम एक अपना सर्वर छोटा सा बनाएं, और अपने सर्वर को हम, अच्छा अपने सर्वर पे ना हम तीन चार तरह की रिक्वेस्ट बनाएंगे, जिसमें हम गेट भी कर रहे होंगे, यूज़र को क्रिएट भी कर रहे होंगे, डिलीट, ये तो हम जल्दी से अपना खुद का सर्वर बनाते हैं छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा। अच्छा, एक एक छोटा सा सवाल ये है कि डिलीट की जो रिक्वेस्ट जाती है, हाँ, कि कुछ सर्वर के वहाँ पे डिलीट करना है हमने, हाँ, तो ये चीज़ डेटाबेस पे तो जाहिर है, ये तो कन्फर्म है कि डेटाबेस से डिलीट नहीं होती चीज़, हाँ, तो फिर कहाँ से डिलीट हो गया वो हमें बताता है भाई ये डिलीट हो गई है। वो आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना जो आप डिलीट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्लैग लगा देता है इज़ डिलीटेड ट्रू। ओके ठीक है, वो आपको फिर वो जब आप गेट करते हैं ना तो वो नहीं आता आपके पास, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, कुछ कुछ ऐसे ग्लिच होता है ना समटाइम, तो आपको फेसबुक पे ना अपने पुराने डिलीट हुए हुए मैसेज भी दिख जाते हैं, फिर वो रिफ्रेश करते हैं आप तो वो गायब भी हो जाते हैं, तो ऐसा चल रहा है कुछ मार्केट में इस वक्त। तो डिलीट तो खैर कोई भी नहीं करता, क्योंकि डेटा जो है ना वो गोल्ड है इस वक्त, तो डेटा को डिलीट कोई नहीं करता, अभी से नहीं, आज से 20 साल पहले से कोई नहीं करता डिलीट। भाई ऐसा इस वजह से है कि जितनी भी इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनीज है ना, वो उनको चाहिए डेटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और बहुत सारी कंपनी जो हैं इस वक्त स्टार्टअप्स ख़ास तौर पे, अब मैं ये आपको ना ये बात आपको नॉर्मली शायद ना सुनने को मिले, मेरी बात शायद आपको अजीब सी लगे, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं उनका जो मेन रेवेन्यू का जो मॉडल है ना, जो पैसे कमाते हैं, वो डेटा को सेल करके पैसे कमाते हैं। आपको मैं एक केस स्टडी बताता हूँ, फूड पांडा है ना, फूड पांडा पैसे कैसे कमाता है, एक ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन, थोड़ा टॉपिक से हटके है अभी, मैप से कैसे कमाता है, मैप से नहीं, मैप से कैसे, क्या मतलब सर, फूड पांडा ऐसे कमाता है कि अगर जो निहारी आप उससे 270 की मंगवाते हो ना, या 420 की ला के देता है। अच्छा, अब मैं आपको अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह निहारी ले जाने का ना कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ये है कि 70 रुपये तो राइडर को मिलते हैं सीधे सीधे, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैंने खुद भी कुछ लोगों को फूड पांडा में लगवाया है, तो 70 रुपये एक ऑर्डर डिलीवरी के ना राइडर को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर राइडर को बोनस अलग मिलता है, कुछ उसके ख़ास टारगेट होता है कि अगर आपने दिन में 10, 12 या पता नहीं 15 अगर कर दिए डिलीवरी, तो आपको ना कोई पता नहीं 3,000 से 4,000 रुपये तक वो बोनस देते हैं अपने राइडर्स को। अच्छा, तो सिर्फ अगर राइडर को पैसे देने पड़ जाए ना, 270 की निहारी 400 की दे रहा है ना, तो कितनी हो गई, 130 बचा ना पीछे। अब ये 130 में से 70 रुपये तो उसने राइडर को उसी वक्त दे दिए, ठीक है, बाकी पीछे कितना बचा, 60 रुपये। अब वो 60 रुपये में से 30 रुपये जो है वो बोनस के तौर पे भी बाद में उसको देगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्वर इसका चल रहा है, जाहिर है हर दुकान वाले को इन्होंने एक टैबलेट दिया हुआ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पैसे नहीं लेते वो, ठीक है, वो कुछ साइनअप का प्रोसेस होता है और छोटी सी कोई सिक्योरिटी मनी होता है वो लेते हैं, लेकिन वो टैबलेट के पैसे नहीं लेते, वो जो टैबलेट उन्होंने हर दुकान पर रखा हुआ है ना वो फ्री होता है, ठीक है। उसके अलावा राइडर को जैकेट वैकेट ये सारी चीज़ें वो फ्री में दे रहे होते हैं, ठीक है, वो भी छोटे से एक अमाउंट लेते हैं 300-400 रुपये या 500 रुपये, लेकिन वो अमाउंट असल में वैसे ही होता है, वो उसके एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, एक्चुअल कॉस्ट असल में वो फ्री में दे रहे होते हैं अपने राइडर को। उसके बाद अब ये जो 30 रुपये बचे हैं ना, आखिर के 30 रुपये, क्योंकि 30 तो उसने बोनस के तौर पर बाद में देना है, बाकी बचे 30, इस 30 रुपये में पर ऑर्डर पर 30 रुपये जो बच रहे हैं उसको, इसमें वो मार्केटिंग भी करता है, पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहा है वो इस वक्त।
उनके जो सर्वर ऑपरेट कर रहे हैं, जाहिर है सर्वर तो चाहिए ना, गूगल क्लाउड पे भी अगर डिप्लॉय किया हुआ तो उसका बिल तो आता होगा ना, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका तो बिल बन रहा होगा ना कहीं, ठीक है। फिर उन्होंने स्टाफ जो रखा हुआ है इतना सारा, राइडर तो सिर्फ एक फ्रंट है ना, बाकी पीछे स्ट्रेटजी के लिए स्टाफ होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर किए हुए होंगे, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होगा पीछे। और है जाहिर है वो जो लोग फूड पांडा में जॉब्स करते हैं, कुछ हैं जान पहचान वाले लोग, तो वो बताते हैं कि काफ़ी बड़ा इनका सेटअप है और पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। आपका माइक खुला हुआ है मोइज, तो बैक वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ डेटा, आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, फूड पांडा लॉस में है, पिछले 5 साल से गालिबा ये ऑपरेट कर रहे हैं कराची में और पूरे पाकिस्तान में, और लॉस में कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया इन पे पैसा लगाने के लिए मर रही है। आप अब इमेजिन करें एक ऐसी कंपनी जो लॉस में चल रही है पिछले 5 सालों से और जानबूझ के चल रही है। अच्छा, ये तो मैंने एक दो चीज़ें और इसमें इंक्लूड नहीं की, आप जब पहला अकाउंट बनाते हैं ना फूड पांडा पे, आप अकाउंट क्रिएट करें, अभी ये क्रिएट करें नया अकाउंट, आपको वो पिछले यानी शुरू की जो 4-5 डिलीवरीज होंगी ना उस पर आपको 50% 70% तक ऑफ देगा आपको, ठीक है। मतलब 500 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये में मिलेगी नए अकाउंट पे ये कर रहे होते हैं। वाउचर भी मिलता है, वाउचर मिलता है, आप मीज़ान बैंक का कार्ड लगाएं उस पर आपको जो है ना 80% हो जाता है, यानी 20% डिस्काउंट करके 80 आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, यानी वो बहाने बहाने से आपको वो इतने डिस्काउंट दे रहा होता है कि आप अगर ख़ुद दुकान पे जाएंगे ना और वो चीज़ ख़रीदेंगे आप तो आपको महंगी पड़ेगी, फूड पांडा से मंगवाएंगे आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है। फूड पांडा आपको अपना नुकसान करके आपको पैसे फूड ला के दे रहा होता है, हर केस में नहीं दे रहा होता ज़ाहिर है। अब जैसे मेरा एरिया है, मेरे एरिया में रेस्टोरेंट बहुत कम है फूड पांडा वाले ना, तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो मैं जब भी खोलता हूँ तो मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं होता, लेकिन मैं मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप ख़ुद रेस्टोरेंट जाएँ तो आपको वो फूड महंगा पड़ता है, आपको घर पर ला के जो फूड पांडा वाला दे रहा होता है वो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। यानी इक्वल पड़ता है, इक्वल का मतलब है सस्ता, क्योंकि जाने की बच रही है आपकी, बचत हो रही है जाने की, टाइम आपका बच रहा है, तो इक्वल होने का मतलब है सस्ता पड़ रहा है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन मुझे बताएगा ये? एक तो पेट्रोल मेरे ख्याल में बढ़ गया है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि 5 साल से जो कंपनी लॉस में चल रही है पूरी दुनिया उसमें पैसा लगाने के लिए मर रही क्यों? सर वो ये होगा कि हमारा डेटा सारा उनके पास जा रहा है। अच्छा, उमेर ने कहा कि डेटा सारा उनके पास जा रहा है। जुनैद भाई आप भी कुछ कह रहे थे, तो जो आप बता रहे हैं इसके हिसाब से तो भाई ये रेस्टोरेंट्स को दूसरी जगहों को हमारा डेटा बेच रहा है कि हम क्या खाना पसंद कर रहे हैं, उसके हिसाब से डील बने हैं और उसके हिसाब से मेन्यू सेट हो। अच्छा, हमारी लोकेशन सब कुछ इनको पता होती है कि क्योंकि हमारी लोकेशन में वो रेस्टोरेंट दिखा रहा होता है, उनके पास पहले से हमारी लोकेशन मौजूद होती है। अच्छा, ये ना फूड पांडा एक अकेली कंपनी नहीं है जो ये काम कर रही है, इस वक्त जोमेटो के नाम से कंपनी है जो सऊदी अरब में ऑपरेट कर रहे हैं, यूएई के अंदर, कतर में, और इन यूएई में तो ये फूड पांडा भी है, यूएई में भी है फूड पांडा, में वहाँ पे भी आ चुका है फूड पांडा, बांग्लादेश वगैरह सब जगह फैल चुका है, श्रीलंका वगैरह तक जा चुके हैं ये, लेकिन फूड पांडा तो बहुत बाद में है। ये जोमेटो और स्विगी ये दो कंपनीज हैं, बहुत बड़ी हैं ये इससे भी पहले की हैं, पुरानी कंपनीज हैं, तो इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग जोमेटो और स्विगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुख्तलिफ तरह के इन्होंने प्रोग्राम्स निकाले हैं कि बंदा जो है ना इनसे ऑर्डर करे। तो जोमेटो है, स्विगी है, ये दो बड़े नाम हैं और ये आधी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, फूड पांडा जो है वो अब यूरोप वगैरह की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अमेरिका यूरोप की तरफ भी अपने ये लेके जा रहे हैं कदम, वहाँ पे भी ये, वहाँ पे तो बहरहाल पहले से हैं बहुत सारी कंपनीज जो यही हरकत कर रही हैं। अच्छा, तो अब जो कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं कि ये ऐसा क्यों, जाहिर है वो तो इन्वेस्टर का जो मीटअप होता है इनका, जिसको हमारे देसी ज़ुबान में कहते हैं हाई टी हमारे देसी ज़ुबान में कहते हैं ना हाई टी पे बुलवाया है, जो रियल इस्टेट वाले बुलाते हैं ना कि भाई कोई नया प्रोजेक्ट बना तो वो हाई टी बुलाते हैं, जितना शहर के जितने करोड़पति लोग हैं सबको इन्वाइट करते हैं वो, और खूब खाना पीना कराते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई हमने ये नया प्रोजेक्ट बनाया है, अब आ जाओ कौन कौन ख़रीदेगा। तो इनका भी ना इन्वेस्टर्स गैदरिंग होती है, जो जिसको पिच बोल लें आप या जो भी बोल लें, तो एक इन्वेस्टर की जो मीटिंग होती है ना वो बिल्कुल सीक्रेट होती है, वो बिल्कुल सीक्रेट होती है। तो जो वेल नोन इन्वेस्टर्स होते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ जो वेल नोन इन्वेस्टर है वो कौन है, वो अकील करीम डैडी है, लोग जानते हैं, और भी हज़ारों हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और है, वो अली अली खान पता नहीं करके क्या है,
जो बीच में उसने किसी लड़कों पे केस वेस भी कर दिया था गूगल उस पर, जहाँ आरा वाले, जहाँ आरा के ग्रुप की किसी लड़कों पे केस कर दिया था, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक एक करके कुछ नाम है उसका भी। तो बहुत सारे इस तरह के बंदे जो वेल नोन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये जिसको वेंचर्स कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं, इसका जो प्रॉपर नाम है वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन लोगों को बुलवाते हैं वो, और एक बंद कमरे में एक मीटिंग होती है, और वो उस कमरे में बताते हैं कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और हम एक्चुअली कैसे के पैसे कमाते हैं, और वो कन्वेंस करते हैं फिर इन्वेस्टर्स को कि यार आप हमारे बिज़नेस में पैसा डालो, हमारे शेयर आप ख़रीदो, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, आप 5% आप शेयर हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर वो उस पैसों से अपने बिज़नेस को मज़ीद ग्रो करते हैं, ठीक है। इसी तरह चल रहा है पूरे, ये जितने भी कैपिटलिज्म चल रही है वो सारी इसी तरह चल रही है, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो इसी तरह चल रही हैं कि लोग पार्टनरशिप में आते हैं और मुख्तलिफ लोगों का पैसा होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, उससे कंपनी चल रही होती है। तो उस बंद कमरे में ये बताते हैं, तो ज़ाहिर है वो बात लीक तो होती नहीं है, बाहर तो निकलती नहीं है वो, लेकिन कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं जो लोगों का ख्याल है, जो केस स्टडीज़ हैं जोमेटो की, स्विगी की, फूड पांडा की, जो केस स्टडीज़ हैं, जो लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं, उनका ये ख्याल है। अब ये बहुत ख़तरनाक बात भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत अच्छी बात भी है, काइंड ऑफ। अब बात क्या है, एक तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारा जितना भी डेटा जाता है ना, इनका मेन रेवेन्यू का मॉडल है वो डेटा सेल करना। डेटा सेल किसको करते हैं, ये जो डिफरेंट मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक एक मार्केटिंग की कंपनी है, लोगों को लगता है कि ना फेसबुक सिर्फ डेटा बेचता है, फेसबुक डेटा ख़रीदता भी है, ठीक है, फेसबुक डेटा ख़रीदता भी है। अभी मैंने आज एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की है, जो मेरा अभी नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, चैटबॉट डेवलपमेंट का कोर्स मैंने अनाउंस कर दिया, उसकी इंशाल्लाह 20 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन की। तो जब मैं उसके लिए ऐड चला रहा था जब फेसबुक पे, तो वहाँ पे मेरे पास ना डेमोग्राफिक्स में एक ऑप्शन पता है क्या आया, कि मैंने जैसे कराची में सेलेक्ट किया 30 माइल तक, मैंने कहा यार ये ऐड चलाना है मैंने, वो तो चलो समझ आता है, ठीक है, आप जब मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको लोकेशन आ रही होती है आपके पास, उसमें एक ऑप्शन मेरे पास ये आया कि क्या आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो महंगी चीज़ें पसंद करते हैं या जो दरमियाने रेंज की चीज़ें पसंद करते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मेरे पास ये आया कि जिस बंदों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं उसकी एवरेज इनकम क्या होनी चाहिए, क्या टॉप 5% वालों को आप दिखाना चाहते हैं, यानी अर्निंग के अतबार से जो टॉप 5% लोग हैं क्या आप उनको ये ऐड दिखाना चाहते हैं, या टॉप 50% को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, या बॉटम 10% को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन आया। अब मुझे ये बताओ कि फेसबुक को ये बात कैसे पता चली कि मैं कितना कमा रहा हूँ और इस सोसाइटी में मेरा इंडेक्स क्या है, क्या मैं टॉप 10% में आ रहा हूँ या मैं बॉटम 10% में आ रहा हूँ, फेसबुक को ये कैसे पता चला। तो फेसबुक डेटा ख़रीदता भी है, सही है, लोगों को लगता है फेसबुक हमारा डेटा बेच रहा है सर, नहीं भाई, फेसबुक डेटा ख़रीद भी रहा है और बहुत बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से ख़रीद रहा है। फूड पांडा को ये पता है कि मैं कितना कमाता हूँ, कैसे पता है, बैंक भी खरीदते हैं, बैंक भी खरीदते हैं डेटा, बिल्कुल खरीदते हैं, रियल एस्टेट वाले खरीदते हैं डेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, होटल बंदा क्या खाता है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि वो क्या कमाता है। अब आप जो चीज़ ऑर्डर करते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आप क्या कमाते होंगे। तो फेसबुक के लिए कोई मसला थोड़ी है, फेसबुक के पास डेटा साइंटिस्ट की कमी है क्या, उनको रॉ डेटा भी मिल जाए ना कि किसने क्या ऑर्डर किया, कितने बजे किया, किस टाइम पे किया और वो रहता कहाँ है एग्जैक्टली, तो ख़त्म हो गई बात। पर उसका ईमेल एड्रेस, जाहिर है आपका एक ही मेन ईमेल एड्रेस होता है ना जिस पर आप फेसबुक और फूड पांडा दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैच हो जाता है डेटा वहाँ से कि यार ये बंदा फेसबुक पे अकाउंट इसका इस नाम से और फूड पांडा पे अकाउंट इसका इस नाम से था, इसने ये ऑर्डर किया और कितने बजे किया, किस वक्त जागता है, किस वक्त सोता है, किस वक्त खाता है, किस वक्त पीता है, सब उसको पता चल गया फेसबुक को फूड पांडा के डेटा से। क्योंकि जाहिर है जिस वक्त खाना, जिस वक्त जागता होगा उसी वक्त ऑर्डर करेगा ना, कोई बंदा अगर रात को 1 बजे ऑर्डर कर रहा है मतलब 1 बजे को जागा हुआ है, 1 बजे अगर 1 बजे जागा हुआ है तो खाना खाएगा 1:30 बजे 2 बजे शायद 2:30 बजे तक सोए या 3 बजे तक सोए, ठीक है, तो सोने जागने का टाइम भी पता चल रहा है फूड पांडा के डेटा से, ऐसा डेटा है उसके पास। अच्छा, फिर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी वगैरह, किस डिवाइस पे ये इस्तेमाल कर रहा है क्या, ये बहुत सारा कुछ है जो फूड पांडा हमारा डेटा हमारा जो ले रहा होता है। असली फ़ोन नंबर, फेसबुक पे हर बंदा असली फ़ोन नंबर शेयर नहीं करता है, फूड पांडा पे लेकिन करेगा, मजबूरी है, उसके अलावा तो ऑर्डर पहुँचेगा ही नहीं आपके पास। तो असली फ़ोन नंबर फूड पांडा के पास है, फेसबुक के पास नहीं है।
ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि आपका डेटा ना फूड पांडा लोगों को सेल करता है और उससे पैसे कमाता है। एक ही डेटा है, 10 लोगों को सेल करेगा, 10 लोगों से पैसे लेगा वो। नंबर दो एक्सप्लेनेशन ये है कि फूड पांडा और स्विगी और जोमेटो ये लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं। अभी ये इस वक्त लॉस में है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये बिलियन डॉलर कंपनीज बनने वाली हैं। कैसे बनने वाली हैं? क्योंकि एक ख़ास एरिए का जो ऑर्डर करने की हैबिट है वो इनको पता है। इस एरिए से ज़ाहिर है रेस्टोरेंट तो कोई भी है, ऑर्डर तो फूड पांडा के ज़रिए हो रहा है ना, तो कौन बंदा कितना ऑर्डर करता है और किस वक्त ऑर्डर करता है और कौन सी एक ख़ास डिश है जो एक ख़ास एरिए में ज़्यादा चलती है, ये फूड पांडा को पता है। अच्छा, थोड़े दिनों में अगर वो फूड पांडा ये चाहे, और जोमेटो और स्विगी तीनों पे ये बात ट्रू है, अगर वो ये चाहे तो एक अपना रेस्टोरेंट खोल दे मेरे एरिए में, और मेरे एरिए में सिर्फ वो आइटम रखे जो मेरे एरिए में फ़ौरन बिकते हैं, तो मसला हल हो गया। फिर तो वो किसी और के पास जाएगा क्यों? कोई किसी और को तो नहीं पता ना, मेरे को टेस्ट ही पसंद नहीं आएगा तो मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, टेस्ट भी पसंद आएगा यार, टेस्ट पसंद है तो फूड पांडा। नहीं, टेस्ट भी पसंद आएगा आपको, क्योंकि उसको ये भी पता है कि कौन से का टेस्ट आपको पसंद है, उसको ये भी पता है। सर, उसको ये इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। वजह ये कि अगर रेस्टोरेंट्स को डेटा भेज देता है, हर रेस्टोरेंट चाहेगा कि भाई मेरे पता चले मेरे एरिया में कौन बंदा कितने बजे खाना पसंद करता है और क्या खाना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, खेल सकता है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि वो आइटम रखेगा जो सिर्फ चलते होंगे मेरे पास, फिर कितने बजे चलते हैं वो भी उसको पता है, वो उतने बजे ही तैयार करेगा। क्योंकि खाने के काम में सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेस्टेज से आप कैसे जान छुड़ाओगे। खाने पीने के जो आइटम है ना, उसमें 50% वेस्टेज होता है, पता है आपको? ये जो समोसे बिक रहे हैं ना, वो अगर 20 किलो समोसे बनाता है तो 10 किलो ज़ाया हो जाते हैं। 50% वेस्टेज है, आप उससे कम कर ही नहीं सकते 50% से। जो बहुत पुराने पुराने दुकान वाले हैं ना, वो उन्होंने कम किया हुआ है, उन्होंने 25% पे उसको रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि जो समोसे बच गए फिर वो 25% वो कबाड़ में जाते हैं, फिर वो गाय वगैरह को खिलाते हैं, मतलब इस तरह की कोई सेटिंग उन्होंने बनाई हुई है। हाँ जी, मैं भी ये देखता हूँ। एक सवाल ये है कि बंदा कभी किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो फेसबुक जैसे ही वो खोलते हैं उसके बाद वैसे ही ऐड आ रहा होता है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। उसके लिए वो आपको लगता है ना माइक से सुन रहा है, ऐसा नहीं है, माइक से नहीं सुन रहा हूँ, उसको माइक की ज़रूरत नहीं है ये काम करने के लिए। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे फूड पांडा ने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कितने बजे तैयार करना है ना उस फूड को, वो उसको पता है, क्योंकि कितने बजे बिकेगा वो उसको पता है, वो उसी वक्त तैयार करेगा जब बिकता है वो, और वो फ़ौरन ख़त्म करेगा। अच्छा, फिर जब होगा क्या अल्टीमेटली कि आप जब निकलेंगे ना बाहर खाना लेने, तो आपको जो खाना है, आपका जो खाने का दिल कर रहा है, वो फूड पांडा को पहले से पता है, वो बना के रेडी करके बैठा हुआ है। आप देखेंगे यार, जो भी मेरे को चाहिए होता है ना, वो यही मिलता है इसी दुकान में। आप और आप बाकी तो सारे बेवकूफ़ हैं, इन्होंने पता नहीं क्या बकवास चीज़ें रखी हुई हैं। तो थोड़े दिनों में ना आप बाई डिफ़ॉल्ट फिर फूड पांडा के पास ही जाओगे। और आप इमेजिन करें कि अच्छा, फिर हर एरिया का हॉट स्पॉट जो है, हॉट स्पॉट कि इस पूरे इलाके में कौन से ऐसी गलियाँ हैं जहाँ से लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, जहाँ के लोग फूडी हैं, वो वहीं पर खोलेंगे एग्जैक्टली, कि आपको ज़्यादा चलना भी ना पड़े आपके बिल्कुल डोर स्टेप के पास वो जगह लेंगे, चाहे जितनी भी महंगी मिले फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़े दिनों में पूरी हो जाएगी, पैसे आपके बिल्कुल डोर स्टेप के पास वो बना देंगे और आ जाओ। अब तो वो प्रॉक्सी किचन आप आजकल चल रहे हैं बड़े, क्लाउड किचन जिसको बोलते हैं। क्लाउड किचन में ये होता है कि जैसे जगह जगह वो अपने किचन बना देते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किचन से बन के डायरेक्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लाउड किचन अगर बना दिया फूड पांडा ने, तो ये जितने भी रेस्टोरेंट है ना, लाखों की तादाद में रेस्टोरेंट है, ये एक ही झटके में बंद हो जाएंगे सारे, ठीक है। जैसे आप एक दोस्त ने कहा ना कि यार वो रेस्टोरेंट बनाने की इतनी मेहनत करने की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लाउड किचन की मैं ये कहता हूँ कि 90% चांस है कि अगले 5 सालों में ना, या शायद 5 साल भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगले 2 सालों में फूड पांडा जगह जगह अपने क्लाउड किचन बनाएगा और उसी मोबाइल ऐप से ऑर्डर होगा जिससे अभी होता है। लेकिन ऑर्डर कहाँ लगेगा? उनके अपने क्लाउड किचन में, ठीक है। वो जो आप लगाते हैं ना रेस्टोरेंट को, वो भी रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है उस रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएंगे। फिर बचेगा कौन आखिर में? बचेगा फूड पांडा के क्लाउड किचन और फूड पांडा की ऐप, बस। फूड का पूरा बिजनेस इनके अब बुक हो गया, अब कर लो जो भी करना है, ठीक है। तो फूड पांडा ये कर सकता है, और ये बहुत यानी ख़तरनाक बात है फूड के बिज़नेस के लिए, बहुत ख़तरनाक बात है फूड के बिज़नेस में। जो भी है ना, वो अभी से इस बारे में सोच ले कि यार ये होने वाला है कि फूड पांडा के, इन्होंने पांडा मार्ट की तो खोली है, पांडा मार्ट खोल लिया इन्होंने, पूरा इम्तियाज बना लिया असल में। सर, इंटीरियर सेल में तो
अगले 10-20 साल तो आई डोंट नॉट थिंक ऐसा होने वाला है इंटीरियर में, इंटीरियर सिन में अगले 10 सालों में। हाँ इंटीरियर सिन की चलो बात और है क्योंकि वो रिमोट एरियाज है ना, लेकिन मेन जो फाइनेंशियल हब है वो तो मेन सिटीज होती है ना, मेन सिटीज में तो ये होगा 100% होगा मेन सिटीज। और जाहिर है जब देखो मेन सिटी में होता है ना तो जो इंटीरियर के इलाके होते हैं जो जो यानी थोड़े रूरल इलाके होते हैं वो मेन सिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले जब मेन सिटीज़ में बैंक खुले थे तो मतलब गांव में जो लोग रहते हैं रूरल में उन्होंने बोला यार हमें बैंक की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये क्यों मैं बिला वजह जाके पैसे रखूँ और ये करूँ। लेकिन आज आप देखें कि इस वक्त एक किसान जो है जब अपनी फसल जाके बेचता है और उसको 25 लाख रुपए की फसल उसने बेची, गंदम उगाया, गंदम की कटाई की और 25 लाख रुपए में बेची जाके, तो वो 25 लाख रुपए अब कैश नहीं लेता, वो बैंक में लेता है, कहता है मुझे बैंक में दो। ठीक है, और बैंक वालों ने वहाँ ब्रांच खोल दिए, एटीएम लगा दिए वहाँ पर। अभी हम पिछली बकरीद की बात है, ये वाला छोड़ के पिछली बकरीद हम जानवर लेने के सिलसिले में बलूचिस्तान के गाँव में गए थे, बहुत अंदर का इलाका था वो, लेकिन जब वहाँ पर हम गए तो हमें 4 बैंक दिखे वहाँ पर। वो गांव टोटल 5 गलियों पर मुश्तमिल गांव था, वो 5-6 गलियां थी उसमें, उससे ज़्यादा नहीं थी, और उनमें से एक गली में 4 बैंक थे, एक साथ बने हुए थे, 4 एटीएम और 4 बैंक। तो वहां पे गाय वगैरह ख़रीदने के लिए हम गए थे तो हमने वहीं एटीएम से पैसे निकाले। विंदर से आगे वो, हाँ विंदर से, हाँ विंदर से आगे था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो यार बैंक वहाँ पर भी मौजूद है। मोबाइल फ़ोन जब नए नए आए थे तो शायद रूरल एरिया में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास कभी फ़ोन हो, क्योंकि सिग्नल शुरू में वहाँ होते ही नहीं थे, सिर्फ मेन सिटी में होते थे। लेकिन अब आप देखें वहाँ पे 4G भी आ चुका है और वो फॉलो कर रहे हैं। तो बात अल्टीमेटली ये है कि अगर किसी एक जगह पे भी हो जाए ना तो फिर उसको वो पैरासाइट होता है, वो फैल जाता है, उसको टाइम नहीं लगता फैलने में। अच्छा, तो हमने ये कुछ बात कर ली, स्विगी जोमैटो और फूड पांडा की हमने केस स्टडी देखी थोड़ी सी। अच्छा, तो अब असल में बात चली थी हाइपर टैक्स से, वहाँ तक गई है। हाँ कभी कभी जो है ना अच्छा सवाल पूछने पे होता है ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। तो हम एक सर्वर बनाने जा रहे थे चुन्ना मुन्ना सा। एक बात बस और कहूँगा, पूछूंगा नहीं जी, ये जो आपने पोस्ट गेट पोस्ट पुट डिलीट कहा, इसको कहा है, तो इसको मैंने एक जगह पढ़ा था, ये इसको क्रूड ऑपरेशन भी कहते हैं। क्रूड ऑपरेशन ये होता है CRUD, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। सही है, ये चार काम होते हैं ना इसको करो। तो जो इसको क्रड ऑपरेशन कहीं पे भी हो सकता है, वो डेटाबेस में भी हो सकता है, वो इसमें, तो वो असल में यहाँ पे टेक्निकल नाम इसका ये है, जो क्रड ऑपरेशन है ना वो एक जर्नल नाम है, दैट इज़ नॉट टेक्निकल नाम, वो एक जर्नल नाम। ठीक है, लेकिन गेट पोस्ट पुट और डिलीट ना वो सिर्फ API की रिक्वेस्ट में ही हो सकता है, वो डेटाबेस में नहीं हो सकता, वो सिर्फ API की रिक्वेस्ट। तो ये स्पेसिफिकली सर्वर के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, जाके मैं GitHub में एक रिपॉजिटरी बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। मैं अपनी GitHub की रिपॉजिटरी में गया और मैंने कहा कि मैं रिपॉजिटरीज में गया और मैंने कहा भाई न्यू रिपॉजिटरी बनाओ, इस रिपॉजिटरी का नाम क्या रखो। ठीक है, अब नम REST API सर्वर। ठीक है, REST API सर्वर और हीरोकू लिख दिया मैंने साथ में, एक मैं रिपॉजिटरी का नाम लिख रहा हूँ। अच्छा, जो हम APIs बना रहे हैं ना, जो हम सर्वर लिख रहे हैं, हम जो सर्वर लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं RESTful सर्वर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है RESTful APIs। तो हम जो सर्वर बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, RESTful सर्वर बना रहे हैं, REST सर्वर इसको कहते हैं। अब REST क्या होता है, वो उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी अगर सर्वर में वो 5 चीज़ें पाई जाएँ, वो 5 क्वालिटीज़ पाई जाएँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, REST सर्वर कहते हैं। ठीक है, वो 5 क्वालिटी अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम उसी पे ही काम करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो 5ों पे हम चल रहे हैं। अच्छा, दिस रेपो इज क्रिएटेड एज डेमो फॉर अ मर्न स्टैक ऑनलाइन क्लास। ये सर्वर जो है रेस्टफुल के अलावा भी होते हैं कुछ? हाँ, सोप होते हैं। अच्छा, पब्लिक रखा मैंने इस रिपॉजिटरी को। ठीक है, ये मैंने एक नाम रख दिया रिपॉजिटरी का, उसके अलावा मैंने इसको पब्लिक रखा और मुझे कोई चीज़ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्रिएट का बटन दबा देता हूँ। ये मेरी एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई। ये जो हमारी REST API और RESTful API में डिफरेंस है, RESTful असल में पूरा नाम है, REST API शॉर्ट में बोलते हैं, RESTful APIs असल में पूरा नाम है इसका। ठीक है, अब ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
हाँ वो अभी नहीं, हम थोड़ा रुक जाएं अभी, वो पांच प्रिंसिपल्स हैं कि वो अगर पाए जाए ना किसी भी एपीआई में तो दैट इज़ कॉल्ड देन रेस्ट एपीआईज। ठीक है, वो पांच प्रिंसिपल्स हम फॉलो तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन हमने वो अभी देखे नहीं है। ठीक है, हमने उसको अभी डिस्कवर नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम एक लिस्ट है वो इंटरनेट पर हम देख लेंगे किसी टाइम पर। अच्छा ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। अच्छा हमेशा याद रखें, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है अगर, तो आपने गिट हब में उसकी रिपोजिटरी बनानी है सबसे पहले। ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी आप डेमो बना रहे हैं, जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले देखें, मैंने भी यही किया है, सबसे पहले गिट हब में एक रिपोजिटरी बनानी है, उसको आपने ये ऐसे क्लोन करना है। ये URL है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं अपने पास आया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने डेस्कटॉप पर मैंने कहा कि भाई डेस्कटॉप पे मैं आ गया। ठीक है, ये मैं सर्वर डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, इसको मैंने क्या किया, गेट क्लोन और URL पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास क्लोन हो गए, मेरे पास कहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अच्छा अब मैं अगला काम क्या करूँगा, अभी तो इसको खोल के देख लेता हूँ ज़रा, देखो ये खाली है इस वक्त। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं CD करके, क्या नाम है इसका, रेस्टफुल API नाम है इसका, मैंने इसका रेस्टफुल API, ये मैं थोड़ा सा नाम लिखा मैंने RES और टैब का बटन दबा दिया कीबोर्ड पे, जो उससे ये कंप्लीट हो गया ऑटो, एंटर कर दिया, ये इसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद अब इस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन करना है, मैंने कहा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, ये कोड स्पेस डॉट जो है, ये जब आप इंस्टॉल करते हैं ना VS कोड तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है, ये शॉर्टकट है, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है, विंडोज़ पे, मैक पे, सब पे ये मिलना चाहिए। अगर ये आपको कोड डॉट काम नहीं कर रहा है आपका, तो VS कोड आपने इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ की है, वो दोबारा इंस्टॉल कर लें फिर हो जाएगा इंशाल्लाह ये। तो कोड स्पेस डॉट जैसे ही मैंने लिखा तो ये फोल्डर मेरे पास VS कोड में खुल के सामने मेरे डिस्प्ले हो गया। सही है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस स्टेप को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। उसके बाद आपने एक टर्मिनल यहाँ खोल लेना है। ठीक है, अच्छा ये टर्मिनल वहाँ पे भी खुला हुआ था लेकिन जाहिर है मुझे VS कोड में मैं आ गया हूँ, तो मैं ये पीछे वाला टर्मिनल बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं ये अंदर जो इसके टर्मिनल है ना शॉर्ट, ये VS कोड की फैसिलिटी है कि अंदर ये टर्मिनल खोल देता है। यहाँ पर मैंने कहा npm init enter। ठीक है, ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं आपने बस एंटर करते जाना है। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं देना आपने। पैकेज डॉट जेसन बन के आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। जी सर, कितनी दफ़ा ये बनाना है सर्वर, हर दफ़ा npm init करना? हर प्रोजेक्ट में एक दफ़ा npm init आपको पहली दफ़ा करना होगा। ठीक है, एक बार कर दिया, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट में, आपको दोबारा नहीं करना, एक दफ़ा करना है हर प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल अब बना दी, फाइल का नाम क्या रखूँगा मैं, सर्वर डॉट mjs। mjs जो है वो मॉड्यूल js है, बिल्कुल नई वाली जावा स्क्रिप्ट है, हम इसमें सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस js का मैंने फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेस js से सर्वर बनाना है। तो मैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा एक्सप्रेस js, एक्सप्रेस अखबार खोल दिया था उसने। अच्छा, यहाँ पे जाके गेटिंग स्टार्टेड में जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये मुझे कहता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेस को क्या कर लेता हूँ, पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, इंस्टॉल कैसे करेंगे, टर्मिनल के ऊपर ये मैं लिखूँगा npm install express और एंटर का बटन दबा दूँगा। तो मेरे पास एक्सप्रेस js मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल के अंदर ये इंस्टॉल होके आ चुका है। वापस जाता हूँ, प्रोजेक्ट के लिए अलग करना पड़ेगा या ग्लोबली भी कर सकते हैं? नहीं, ग्लोबल नहीं कर सकते आप इसको, ये हर प्रोजेक्ट में एक दफ़ा करना होगा आपको। एक बार कर लिया तो फिर उसको इस्तेमाल करते रहें आप। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है वो किसी भी लाइब्रेरी की, एक्सप्रेस js एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है, उसको मैंने एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दिया, अब मुझे दोबारा नहीं करना। अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो फिर मुझे वो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखें क्या बताता है। नेक्स्ट देखें, अब ये हेलो वर्ल्ड का इसने कोड मुझे बना के दे दिया, कॉपी किया मैंने इस पूरे कोड को फिलहाल के लिए, और यहाँ लाके अपने सर्वर डॉट एम जी एस में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा सर्वर डॉट एम जी एस में ना ये रिक्वायर का पुराना सिंटैक्स है, ये काम नहीं करता, ये नई वाली जावा स्क्रिप्ट में ये पुराना सिंटैक्स है। तो ये मैंने 3 डॉट पे हाथ रखा, देखो क्विक फिक्स लिखा हुआ रहा है, इसको ऐसे क्विक फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर क्विक फिक्स नहीं भी लिखा हुआ रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमेंट कर दूंगा मैं, और कॉमेंट करके मैं लिखूँगा इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम और एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये पुराना तरीका है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ डजंट वर्क इन मॉड्यूल js। ठीक है, नए वाले जावास्क्रिप्ट में ये तरीका काम नहीं करता, ये तरीका करता है नया वाला।
अच्छा ये बिल्कुल बेहतरीन मेरा सर्वर बन चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है ये। इसको अब मैंने क्या करना है, रन करना है। इसको मैं रन करूँगा, आके मैं लिखूँगा नॉड स्पेस, अच्छा नॉड स्पेस करके भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है इसको करने का वो क्या करूँगा, मैं पैकेज डॉट जेसन में आऊँगा, यहाँ पे आके स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखूँगा मैं। देखो यहाँ लास्ट में मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया, एंटर किया, यहाँ पे लिखा मैंने स्टार्ट, उसके बाद मैंने कहा नॉड स्पेस सर्वर, जो भी मेरी फाइल का नाम है मैं वो लिखूँगा MJS, ठीक है, नॉड स्पेस सर्वर डॉट MJS, ठीक हो गया। अच्छा Node.js होपफुली आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया इंस्टॉल तो वो गूगल पे जाके लिखेंगे Node.js और LTS वर्जन जो है वो उसका आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मे भी आपको कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट करना पड़े, ठीक है, सम टाइम आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसके अलावा वो मिलता नहीं है फिर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जाके स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिख दी, ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, आप लिखेंगे npm start, ये इसका प्रॉपर तरीका है करने का, ठीक है, ये मेरी API चल पड़ी। अब मेरी ये API जो चल पड़ी है, अब इसको मैं देखता हूँ चला के कि ये चली है वाकई में या नहीं चली। अब ये जो मेरी API है, ये जो मेरा सर्वर है, ये कहाँ पर मौजूद है मेरी ड्राइंग के अंदर, मैं इसको देखता हूँ ज़रा कहाँ है ये मेरी ड्राइंग के अंदर। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, इसको मैं पोस्टमैन से हिट करके देखता हूँ पहले, ठीक है, पोस्टमैन से मैं इसको हिट करके देखता हूँ कि क्या होता है। अच्छा मेरा जो सर्वर है वो सिर्फ स्लैश की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है, और मेरा सर्वर चल रहा है कहाँ पर है इस वक्त, लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, ठीक है, पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है और स्लैश की रिक्वेस्ट को देता है, स्लैश प्रोफाइल स्लैश होम, ये सब इसको कुछ भी नहीं पता मेरे सर्वर को अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ पोस्टमैन में और मैं यहाँ पर ये पुराना URL हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ http://localhost:3000/, आखिर में जब स्लैश लगेगा, स्लैश होम नहीं लगा सकता मैं क्योंकि वो बना हुआ नहीं है मेरे सर्वर में, स्लैश किया मैंने, ठीक है, स्लैश अगर नहीं लगाए तो ये खुद लगा देते, हाँ खुद लगा देते, ऑप्शनल होता है ये स्लैश आखिर में, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे से रिस्पॉन्स आ गया, ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, मेरे इस सर्वर में से आया, ठीक है। अच्छा मैं अगर ये देखो, ये रिस्पॉन्स भेजने से पहले ना अगर कोई कॉन्सोल लगा दूँ मैं, console.log, सही है, एक रिक्वेस्ट सर्वर पर आई, सही है, यहाँ पर मैंने कॉन्सोल में क्या लगा दिया कि अगर इस जगह पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे कॉन्सोल लगा दो कि एक रिक्वेस्ट सर्वर पे आई है इस पॉइंट पे। तो अब अच्छा सर्वर को मुझे रोक के दोबारा चलाना होगा, कोई भी चेंजेस करूँगा तो रोक के चलाना होगा, उसके बगैर वो चेंजेस सर्वर में नहीं आएंगी। अच्छा अब देखो मैं जाके इसको एक बार हिट करता हूँ और दो बार हिट करता हूँ, तो दो बार वो कॉन्सोल का लॉग यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो स्लैश का जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो ये वाला चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश के अलावा एक और भी बना देता हूँ, सही है, स्लैश मैंने कहा कि प्रोफाइल, हाँ बोलो सर, ये पूछना था आपके ये ना कोड जो है ये 3000 पे तो चल जाता है, लेकिन जब मैं यूज करता हूँ अपने सिस्टम में तो मुझे हर बार ना ये 3000 चेंज करना पड़ता है, मतलब अभी 2000 ऐसे ही चलाना पड़ता है तब चलता है, वरना एरर आता है इसमें। अच्छा देखो सम टाइम क्या होता है कि आपकी ऐप ना सही तरह से क्लोज़ नहीं हो पाती, आप टर्मिनल को बंद कर देते हैं ना ऐप क्लोज़ नहीं होती, इसको आपने क्या करना है Ctrl+C करके ना इसको रोकना है आपने, ये रोको, रुक गया ये, मैं दोबारा चलाऊंगा ना ये चल जाएगा, तुम्हारे पास ये आता होगा कि 3000 इज़ ऑलरेडी इन यूज़ ऐसे आ रहा होगा ना, हाँ, तो वो उसका मतलब ये है कि वो टर्मिनल तो बंद हो गया लेकिन तुम्हारी ऐप ना पीछे रुकी नहीं है। तो तुम एक काम और भी कर सकते हो, एक्टिविटी मॉनिटर में देखो ये सर्वर चल रहा है ना, मैं एक्टिविटी मॉनिटर में जाता हूँ। अच्छा विंडोज़ में इसका नाम होता है टास्क मैनेजर, ठीक है, विंडोज़ में इसको टास्क मैनेजर बोलते हैं। अब देखो ये सारे प्रोसेस ना यहाँ मुझे दिख रहे हैं, इसमें मैं सर्च करूँगा Node.js, ठीक है, चलते हैं नीचे, इसको यहाँ से नेम से सॉर्ट कर देते हैं, मैं Node.js सर्च करूँगा यहाँ पे ना, Node.js को मैं डिलीट मार दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। Node, ये रहा, देख रहे हो Node, ये चल रहा है, npm start भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट मारूंगा ना, डिलीट मारने के लिए इसमें ये बटन होता है डिलीट, अच्छा Node कहाँ गया, अच्छा Node भी डिलीट हो गया खुद ही। तो अब तुम नोट करना कि वो ये रुक चुका है यहाँ पे, देखो खुद ही से रुक गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा विंडोज़ में अगर ये काम करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे टास्क मैनेजर में, टास्क मैनेजर की मैं शक्ल दिखा देता हूँ कैसी होती है,
ठीक है, ये टास्क मैनेजर की शक्ल होती है। आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट का जो बटन होता है कीबोर्ड में वो प्रेस करेंगे आप, और टास्क जैसे ही लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगा टास्क मैनेजर आपके, ठीक है। ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ जो ये लिखा हुआ ना नेम, देखो गूगल क्रोम स्लैक ये सब, यहाँ पर एक नॉट जी एस भी लिखा हुआ होगा, उसको डिलीट करोगे ना तो पोर्ट तुम्हारी फिर फ्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है इस वजह से है कि नॉट जी एस की तुम्हारी इंस्टॉलेशन सही तरह से हुई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी नॉट जी एस को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, या हो सकता है कोई विंडोज़ में इशू हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। दादा अगर मैं टर्मिनल को क्लोज भी कर देता हूँ साइड से, यहाँ से जाकर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो भी ये खुद से बंद हो जाना चाहिए, पोर्ट फ्री हो जानी चाहिए। वेल तो ये तो एक इशू था जो मैंने बता दिया आपको इसका सॉल्यूशन। अच्छा अब नोट करो कि मेरे सर्वर में क्या मौजूद है यहाँ पे। अभी इसको हरिको पे डिप्लॉय करने से पहले ना इस सर्वर में हम एक दो चीज़ें ज़रा गौर कर लेते हैं कि ये सर्वर में हो क्या रहा है असल में। देखो इस सर्वर में ना अब मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल यहाँ पे, राइट। अब ये मेरे सर्वर का कोड है पूरा, इसमें मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लेट यूज़र इक्वल टू क्या, यूज़र में मैंने कहा कि भाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा ये, अभी फ़िलहाल यूज़र में ये एम्प्टी एरे रख देता हूँ ना, एरे में पुश होगा यूज़र आगे, एरे में क्या होगा यूज़र पुश होगा आगे। अब मुझे इसकी API तैयार करनी है कि यूज़र को क्रिएट करना, यूज़र को डिलीट करना और यूज़र को गेट करना, तमाम यूज़र को, ठीक है। अच्छा यूज़र को क्रिएट करने के लिए कौन सी रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती है मैंने बताई दी, कौन बताएगा? यूज़र को क्रिएट करने के लिए इसमें से कौन सी रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती है? पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है, बिल्कुल सही बताया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, और ऐप डॉट पोस्ट मैंने कहा यूज़र स्लैश यूज़र, ठीक है, कॉमा डाल के। ये सिंटैक्स है इसका, ये हम ये इंशाल्लाह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सिंटैक्स क्या है। रिक्वेस्ट कॉमा, आपने उर्दू में लिखा है कंसोल डॉट लॉग में एक रिक्वेस्ट सर्वर पे आई, हाँ ये क्यों नहीं लिखा कि एक रिक्वेस्ट सर्वर पर गई? ये क्योंकि हम सर्वर पे खड़े हुए हैं, ये सर्वर पे आई है। अच्छा ओके, हम ये सर्वर पे खड़े हुए हैं, क्लाइंट तो मेरा ये है, यहाँ से गई और यहाँ पे आई। सही सही ओके, समझ गया। अच्छा ये जो लॉग मुझे नज़र आ रहे हैं ना, ये नज़र भी मुझे सर्वर पे ही आएंगे, यानी जब ये मेरा सर्वर, जब अभी मैं ड्राइंग में वापस आता हूँ, ये मेरा सर्वर है ना, ये हरिको पे चल रहा है मिसाल के तौर पे, अभी तो लोकल है लेकिन अभी हरिको पे चलेगा। तो जब मुझे इस सर्वर के अंदर जो भी लॉग में मैंने प्रिंट किया हुआ होगा वो अगर मैंने देखना है। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अच्छा रोक के मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा तो ये मैंने जो यहाँ पे सर्वर मैंने जो चलाया हुआ है हरिको पे अगर मैंने चलाया हुआ है, तो मैंने कंसोल पे अगर कोई भी चीज़ प्रिंट की है, अगर वो मुझे कंसोल देखना है तो मुझे उसके लिए हरिको पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, वहीं पे उसके लॉग्स आते हैं जो भी, यानी अभी तो मेरे मशीन में चल रहा है इसलिए लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं ना। जब ये हरिको पे डिप्लॉय कर दूंगा तो ये लॉग्स फिर मुझे देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हरिको में ही जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे फिर मेरी मशीन में नहीं दिख सकता फिर ये, ठीक है। तो इसलिए आई लिखा मैंने। वेल तो मैंने क्या बोला कि ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, अभी ये ऐप डॉट पोस्ट क्या है इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं कर रहे। मैंने कहा यूज़र, ठीक है। अच्छा ये कब हिट होगा, इसमें मैं एक रिस्पांस लगा देता हूँ, रिस्पांस डॉट सेंड। अच्छा ये मैंने कहा यूज़र इज़ क्रिएटेड, ठीक है, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है और URL है इसका यूज़र, और बॉडी में इसमें कुछ डेटा आएगा, इसके अंदर मुझे बॉडी में कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। तो इसको छोटा सा ज़रा हम चला के देख लेते हैं। अब इस वाली रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पोस्टमैन पे मुझे यहाँ पे आके लगाना होगा स्लैश यूज़र, ठीक है, और इसको कैट करना होगा पोस्ट, और जब मैं इसको यहाँ से हिट करूँगा तो मुझे क्या लिखा हुआ गया है, यूज़र इज़ क्रिएटेड, सही है, मेरा सर्वर है, अभी यूज़र क्रिएट हुआ नहीं है उसमें, मैं यहाँ पे डाल के भेजता कुछ ना कुछ, ये बॉडी है ना इसके अंदर मैं डाल के भेजूँगा इसमें रॉ करके और ऐसे जेसन करके, ठीक है। तो मैंने अभी किसको हिट किया, मैंने इस वाले को हिट किया। अच्छा अब मैं यहाँ पे चार रिक्वेस्ट बनाता हूँ, मैं यूज़र की चार रिक्वेस्ट बनाऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, एक पोस्ट हो गया, उसके बाद एक बनेगी गेट, ठीक है। इसमें मैंने बोला हेयर इज़ योर यूज़र, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट जब मैं करूँगा यूज़र पे
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो यूज़र सर्वर से असल में मांग रहा हूँ, तो सर्वर ने मुझे रिस्पांस में क्या बोला कि हेयर इज़ योर यूज़र, ये लो आपका यूज़र आ गया, ठीक है। और यूज़र वन अभी हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ये हम डेटाबेस जब पढ़ेंगे तो यूज़र डेटाबेस में सेव कराएंगे, वहाँ से लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूज़र पुट, ठीक है, पुट इस पर भी यूज़र आई है, ठीक है। योर यूज़र इज़ मॉडिफाइड, ठीक है। अच्छा ये मॉडिफाई के लिए ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा आएगा कि अब उसको रखना क्या है, फिलहाल वो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं ये रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, इसका रिस्पांस डमी रिस्पांस है, ये डमी रिस्पॉन्सेज में बना रहा हूँ मैं, पुट हो गया। और उसके बाद अब डिलीट बनाऊँगा एक मैं चौथा, ठीक है। तो हमने यूज़र बनाया पोस्ट के अंदर, वही हमें गेट के अंदर मिलेगा। हाँ अभी हम यूज़र बनाते हैं इस, वो ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया ना वो मैंने इसीलिए बनाया, यूज़र हमें क्रिएट करना है अभी फिलहाल, ठीक है। ये चार मैंने रिक्वेस्ट बना दी यहाँ पे। सर आरईएस का क्या मतलब? ये रिस्पांस है, ठीक है। ये मैंने चार रिक्वेस्ट बना दी। अच्छा जब ये टॉप वाली रिक्वेस्ट होगी ना, जब ये टॉप वाली जब रिक्वेस्ट ये चलेगी पोस्ट, तो इसमें मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना डेटा मिलेगा सारा, कॉन्सोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही है। बॉडी में जो भी डेटा क्लाइंट ने भेजा होगा वो मुझे यहाँ पे कॉन्सोल हो जाएगा। जाहिर है पोस्ट है और यूज़र है, तो यूज़र साइन अप हो रहा है, यूज़र क्रिएट हो रहा है, तो मुझे क्या होगा, रिक्वेस्ट जो बनी है उसके बॉडी में मुझे डेटा मिलेगा। ये कौन सी रिक्वेस्ट की बॉडी है, ये ड्राइंग में मैं वापस आ जाता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट है ना जो क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को, उसके अंदर उसकी एक टाइप है, उसका एक हेड है, उसकी एक बॉडी है। बॉडी में वो डेटा भेजते हैं जो मैं चाहता हूँ रास्ते में कोई ना देखे। तो क्लाइंट ने मुझे बॉडी में ये डेटा भेजा है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी में जाहिर है यूज़र होगा, तो मैंने उसको बोला है कि यूज़र डॉट पुश रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी में यूज़र आया होगा, मैंने क्या किया, यूज़र को कहाँ पर पुश करवा दिया, इस यूज़र के वेरिएबल के अंदर पुश करवा दिया। ये यूज़र क्रिएट हो गया मेरा, डेटाबेस में नहीं हुआ, अभी मेरे वेरिएबल में क्रिएट हुआ है, अभी मेरे ये वेरिएबल में क्रिएट हो गया, ये हो गया। अब जब इसने बोला या आपने यूज़र को यूज़र के वेरिएबल में इसलिए पुश कराया है कि आप इसको डेटाबेस में भेज सके। हाँ नहीं, डेटाबेस में तो अभी नहीं भेज रहे फिलहाल हम, अभी मैं इसी में ही से, यही मेरा डेटाबेस है, ये लाइन नंबर 7 पे जो वेरिएबल बना हुआ है ना, यही मेरा डेटाबेस है अभी फिलहाल, वेरिएबल है ये एक। इसमें मैं वक्ती तौर पे कुछ भी रखवा रहा हूँ, जाहिर है सर्वर अगर रीस्टार्ट होता है तो ये रीसेट हो जाएगा वेरिएबल, इसका डेटा ज़ाया हो जाएगा इस वेरिएबल का, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए, ठीक है। समझाने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो गौर से इस चीज़ को समझना, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछना भी ज़रूर। देखो ये मेरा सर्वर है ना पूरा, इस पर जब रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी और उसका URL होगा /user, तो इतना कोड चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एक बार चलेगा जब यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी और उसकी टाइप होगी पोस्ट। अच्छा जब ये इतना कोड चलेगा तो मुझे रिक्वेस्ट के अंदर ये पूरी रिक्वेस्ट मुझे मिलेगी, ये पूरी रिक्वेस्ट देख रहे हो, ये पूरा ब्रेफ केस मुझे मिलेगा चारों वाला। इस ब्रेफ केस की बॉडी में डेटा होगा, कुछ डेटा होगा, जाहिर है यूज़र ने कुछ ना कुछ डेटा भेजा होगा, वो इसमें होगा। अगर नहीं होगा तो मैं बोलूँगा भाई एरर दूँ, मैं बोलूँगा एरर है भाई डेटा भेजो मुझे, ठीक है। यूज़र क्रिएट कर रहे हो, डेटा नहीं है, क्या सीन है ये। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा के एरर भेजूँगा अभी फिलहाल, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं यार यूज़र अच्छा बंदा है, डेटा भेजेगा मुझे वो, ठीक है। तो डेटा इसने यहाँ भेजा, मैंने उस डेटा को यूज़र की जो यूज़र का जो एरे था ना उसके अंदर मैंने इस डेटा को पुश करवा दिया, जो भी भेजा यूज़र ने, और मैंने बोला यूज़र इज़ क्रिएटेड, यहाँ पर ये बात ख़त्म। अब अगला बंदे ने बोला कि यूज़र ये गेट की रिक्वेस्ट भेजी और बोला /user, यानी मतलब ये यूज़र मंगवाना चाह रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा भाई हेयर इज़ योर यूज़र, यानी कि यहाँ पे से मैं वो यूज़र्स का जो था ना वेरिएबल पूरा, वो पूरा वेरिएबल भिजवा दूँगा मैं, सही है। ये पूरा यूज़र्स का जो वेरिएबल है इसमें जो कुछ भी है ना, मैंने कहा भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये पूरा वेरिएबल भेजो उसको, देख लो अब वो जो करता है करने दो, सही है। तो मैंने क्या कर लिया, यूज़र क्रिएट करवा लिया सर्वर पे और यूज़र को गेट कर लिया। अब इतने को ज़रा पोस्टमैन के ज़रिए चला कर देखते हैं, ये समझ में आया ये वाला सबको, ये हुआ क्या है, ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया माशाल्लाह। अच्छा बाकी लोग भी प्लीज़ अपना रिस्पांस दें।
सर क्लियर हो गया। अब हम आके ना पोस्टमैन से सबसे पहले मैं ये वाले को हिट करता हूँ, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर मैं सर्वर चलाऊंगा जब, तो उस वक्त तो ये एरे होगा खाली। अगर मैं गेट कॉल करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? खाली एरे मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले गेट कॉल करके देखते हैं, फिर हम इस पोस्टमैन को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर का कोड है, ये मेरा पोस्टमैन है। मैंने कहा स्लैश यूज़र और गेट। अब जब मैं गेट की रिक्वेस्ट करूँगा स्लैश यूज़र के ऊपर, तो मुझे रिस्पांस में क्या मिलना चाहिए? जो कुछ भी इस वक्त वेरिएबल में है। अभी अभी मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, तो जाहिर है जब भी मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा ये वेरिएबल शुरू से चलेगा, ठीक है। तो इसमें अभी एम्प्टी एरे है, तो मुझे एम्प्टी एरे मिल जाना चाहिए गेट करने पे। सेंड किया मैंने, तो मुझे देखो एम्प्टी एरे मिल गया, ठीक है। अब मैं इसमें करूँगा पोस्ट की रिक्वेस्ट, यानी इस वाले को मैं हिट करूँगा पोस्ट की रिक्वेस्ट। पोस्ट का मतलब, पोस्ट में मुझे कुछ डेटा भी भेजना होता है साथ साथ, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा काम मैंने इसमें और भी नहीं किया, एक छोटा सा काम है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि वो करके आ रहा है एग्जैक्टली। वो मुझे यहाँ पे करना था, इस जगह पे ऐप डॉट यूज, ठीक है। ये लाइन अभी फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों लिखी है मैंने, ये मैं थोड़ी देर में करूँगा एक्सप्लेन, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ये लाइन है, बस इसको ऐसे याद रखना, ये है, ठीक है। सर्वर को रोकना पड़ेगा क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। अच्छा मैं कॉन्सोल पे देखो प्रिंट भी करवा रहा हूँ कि बॉडी में जो आया, तो मुझे कॉन्सोल में यह दिखेगा भी कि अच्छा यार ये बॉडी में आया। अच्छा खैर, तो मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करने वाला था, मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट की। अच्छा पोस्ट की रिक्वेस्ट जब मैं करूँगा स्लैश यूज़र के ऊपर, तो मेरे लिए फिर ज़रूरी है कि मैं बॉडी में कुछ डेटा भी भेजूँ। अब देखो बॉडी में ना इसमें मुख्तलिफ तरह का डेटा भेजने का ऑप्शन है, फॉर्म डेटा भेजने का ऑप्शन है, यूआरएल इनकोडेड है, रॉ डेटा है, बाइनरी है, तो हमें रॉ डेटा भेजना है, ठीक है। रेस्ट एपीआई बोलती है रॉ डेटा आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रॉ सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे जेसॉन सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, जेसॉन सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे ना जेसन ऑब्जेक्ट में लिखूंगा, अब जो भी लिखूंगा, रेस्ट एपीआई पूरी जेसन ऑब्जेक्ट पे चलती है। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई यूज़र का जो है ना ईमेल है, ठीक है, abc@abc.com, ये यूज़र का ईमेल है, यूज़र क्रिएट हो रहा है ना, साइनअप हो रहा है, और यूज़र का पासवर्ड जो है वो क्या है, वो 1234 है, ये पासवर्ड है यूज़र का, ठीक है। एक दो चीज़ें और भी लिख देते हैं, मैंने कहा एड्रेस जो है वो क्या है इसका, ठीक है, 31st Street न्यूयॉर्क, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने लिख दी, ये मेरा एक मेरा ये क्या कहते हैं उसको, एक इमेजिनरी यूज़र है, एक टिपिकल यूज़र है मेरा ये। ज़ाहिर है यूज़र के अंदर और भी डेटा हो सकता है, एक साइनअप का फॉर्म थोड़ा लंबा होता है उसमें और भी, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा यूज़र है उसके अंदर यही तीन डेटा है, यानी कि ईमेल है, पासवर्ड है और उसका एड्रेस है। अब मैं जब सेंड का बटन दबाऊँगा तो ये सारा का सारा यूज़र जो उठेगा ना यहाँ से, ठीक है, और उठ के मेरे पास सर्वर पर आएगा। सर्वर पर कहाँ आएगा, इस जगह पे ये कोड चलेगा और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना पूरा का पूरा बॉडी का डेटा मुझे मिल जाएगा जो मैंने वहाँ से भेजा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग में इसको देखूँ, तो जब मैं वहाँ से, ये मेरा पोस्टमैन है ना क्लाइंट इस वक्त राइट नाउ, जो मैं क्लाइंट पोस्टमैन है जो जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, पोस्टमैन से जब मैंने वो डेटा पूरा बनाया है, तीन डेटा पॉइंट वाला जो यूज़र है, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो मैंने बनाया है, वहाँ से बना के जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊँगा तो ये यूज़र पूरा यहाँ से उठेगा, ये ब्रीफकेस पूरा तैयार होगा और वो सर्वर पे मेरे पास आएगा। और सर्वर पे मैं उसके साथ क्या करता हूँ, उसको पहले तो मैं करवाता हूँ सबसे पहले कॉन्सोल, ठीक है। सर्वर पे सबसे पहले मैं उसको क्या करवाता हूँ, कॉन्सोल करवाता हूँ। तो देखते हैं कि जब मैं ये बटन दबाता हूँ सेंड का, तो ये मेरे सर्वर पे पहुँच के कॉन्सोल पे प्रिंट होता है या नहीं होता। एक सवाल है जी, एक सवाल, रॉ डेटा और जेसन डेटा में क्या फ़र्क है? ये अभी इस वाले को ना फिलहाल इग्नोर करें कि ये क्या चीज़ है, ये भी डिटेल में हम समझेंगे कि ये रॉ डेटा में और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। असल में ये पोस्टमैन में ना बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इस वजह से ही आपको कन्फ्यूजन हुई है। अच्छा तो मैंने सेंड का बटन दबाया, सेंड का बटन जैसे ही दबाया मेरे पास आ गया एरर, और ये एरर क्यों आया भला, देख लेते हैं। ये सर्वर पर प्रिंट हुआ है, कॉन्सोल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने कहीं पर स्पेलिंग गलत कर दी है, लाइन नंबर 13 में कॉन्सोल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, सही है, इस वजह से एरर आया था। ये एरर सही करने के बाद सर्वर को रोक के दोबारा स्टार्ट किया मैंने, और मैंने दोबारा सेंड का बटन दबाया, ठीक है। रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया, यूज़र इज़ क्रिएटेड, लेकिन सर्वर पे जब मैंने जाके देखा, सर्वर रोक के कैसे,
सर्वर को कंट्रोल सी, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है आपने पहले, एक तो इधर क्लिक हुआ है ना, यहाँ नहीं रुकेगा, पहले टर्मिनल पे क्लिक करना है और कंट्रोल सी का बटन दबाना है, ठीक है। ये मैंने दोबारा रन कर दिया। अच्छा तो खैर, जब मैंने यहाँ पे सेंड का बटन दबाया तो मुझे यहाँ पे बता दिया इसने कि यूज़र इज़ क्रिएटेड, यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये सबसे पहले लाइन नंबर 13 में जो कॉन्सोल था ना, वो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे कॉन्सोल आ गया, सही है, एग्जैक्टली जो मैंने भेजा था वो आ गया। उसके बाद यूज़र्स डॉट पुश जब मैंने किया तो ज़ाहिर है ये पूरा जेसन डेटा कहाँ पुश हो गया, यूज़र्स में पुश हो गया ये, ठीक है, ये यूज़र्स में पुश हो गया। अच्छा, अब जब ही भी कोई आके बोलेगा ना गेट यूज़र, तो उसको क्या मिलेगा सर, यही वाला डेटा, वही वाला डेटा मिलेगा जो इस वक्त वेरिएबल में मौजूद है। अच्छा, ये वेरिएबल जब तक ही रहेगा जब तक मैं सर्वर को रोक नहीं देता, सर्वर को जैसे ही रोकूंगा इस डेटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट नहीं होता ना वेरिएबल, परमानेंट डेटा नहीं होता। तो बहरहाल मैं अभी फ़िलहाल इसको गेट करता हूँ जाके, अब जल्दी से मैंने कहा गेट, सही है, गेट यूज़र में ना मुझे रिस्पॉन्स में वो पूरा ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, देखो, ठीक है। अच्छा, मैं एक यूज़र और क्रिएट कर देता हूँ, मैं अपने नाम का यूज़र क्रिएट करता हूँ भैया। इसमें इसमें वो डाटा पैकेट्स दिखाएंगे चार दिन का जिक्र कर रहे थे आप, यार वो यहाँ पे अभी दिखा नहीं सकता मैं ना, देखो यहाँ पे बॉडी और हेडर तो दिखता है, बाकी चीज़ें नहीं दिखती यहाँ पे, सही है। ये फिर वहाँ कंसोल पे शायद नज़र आया हमें वहाँ पे, नहीं ये आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, ये जो ब्रेफ केस मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये असल में आपको नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी, ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ये, सही है, ये आपको नज़र कहीं पे भी नहीं आएगा, ये वेरिएबल है असल में, ये जो आर ई क्यू का वेरिएबल है ना, ये वो ये ब्रेफ केस है वो, इसको प्रिंट करवा के देख लें आप। अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैंने प्रिंट करवाया ना, तो ये बॉडी वाला खाना इसका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर करूँगा तो ये खाना प्रिंट हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट शायद मैथड करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है असल में वो पूरा ब्रेफ केस जो यहाँ पहुँचा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा है, असल में पूरा ब्रेफ केस तैयार हो रहा है ना, देखो इसमें यहाँ पे मैंने टाइप लगा दी, फिर यहाँ पे यूआरएल लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पे बॉडी में डेटा लिख दिया, ठीक है। और ये हेडर है, हेडर मैंने, ये हेडर्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है। लेकिन इस हेडर को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ, आप बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या है, इसको इग्नोर करें फिलहाल, सिर्फ आप जो बता रहा हूँ ना उतना फिलहाल देखें, सही है। पहले आपका हाथ सेट हो जाए, आप छोटी मोटी चीज़ें बनाना शुरू हो जाएँ, फिर ईच एंड एवरी डिटेल को हम डिस्कवर करेंगे, नॉट अ बिग डील। मैंने अब एक दूसरा यूज़र बनाना है, मैंने कहा मलिक एट द रेट सिसबॉर डॉट कॉम, ठीक है। पासवर्ड मैंने कहा मेरा पासवर्ड होगा 004 दफ़ा, ठीक है। और मैंने कहा भाई मेरे पास है 19th स्ट्रीट है, और मैंने कहा भाई कराची वेस्ट मिसाल के तौर पर, और मैंने सेंड का बटन दबाया। देखो मैं पोस्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ अब यूज़र के ऊपर, और एक नया डेटा मैंने दिया है, मैंने सेंड का बटन दबाया तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने अभी डेटा भेजा था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, और वो भी पुश हो गया किसमें, मेरे यूज़र के वेरिएबल में। अब यूज़र के वेरिएबल में कितने यूज़र हो चुके हैं टोटल, दो यूज़र हो चुके हैं, राइट। अच्छा, अब जब मैं गेट करूँगा तो मुझे दो मिलने चाहिए, मैं गेट करता हूँ, सेंड का बटन दबाया, देखो मुझे दो यूज़र मिल गए, ठीक है। तो हमने असल में अभी क्या किया, हमने अभी ये वेरिएबल जो है ना एक छोटा सा डेटाबेस बना लिया वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल हमारा अभी फिलहाल डेटाबेस, वैसे तो MongoDB का पूरा डेटाबेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें करा, लेकिन फिलहाल मेरा ये वेरिएबल वहाँ पे मेंटेन होती रहेगी। हाँ, ये वहीं पे, ये अभी ये वेरिएबल में स्टोर होता है, कल को ये डेटाबेस में यही चीज़ जा रही होगी और इसी तरह गेट हो रहा होगा। अच्छा सर, जब हम सर्वर को रोक देंगे तो ये यूज़र मतलब वेरिएबल गायब हो जाएगा, ये वेरिएबल गायब हो जाएगा, दिखा देता हूँ मैं सर्वर को, अगर मैं रोक देता हूँ और रोक के मैं दोबारा चलाता हूँ और अब मैं गेट करूँगा तो ये खाली मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल परमानेंट नहीं होता, वेरिएबल टेम्प्रोरी होता है, जब तक सॉफ्टवेयर चल रहा है जब तक ही होता है वेरिएबल। अच्छा, अब अगर मैं इस सर्वर को एज इट इज़ हरिको पे अगर डिप्लॉय कर देता हूँ तो ये फंक्शनैलिटी मेरी फिर भी काम करती रहेगी, जाहिर है, ठीक है। अब इमेजिन करो, देखो ये मेरा हर सर्वर चल रहा है हरिको पे, इसके अंदर एक छोटा सा वेरिएबल बना हुआ है, मेरे क्लाइंट के ऊपर एक साइनअप का फॉर्म है मिसाल के तौर पर, मैं वो फिल करता हूँ, सर्वर पर भेजता हूँ, सर्वर पर यूज़र क्रिएट हो गया, मैं उसको गेट करूँगा, वो वापस आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा एक सर्वर हमने बना लिया है, उसमें कुछ छोटा सा डेटा भी सेव होता है और उससे मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हरिको पे डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, हरिको पे डिप्लॉय करने के लिए ना आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दो बातें, एक तो ये वाली लाइन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। देखो, जो बॉडी का डेटा होता है ना, जो बॉडी में, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, ये क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट है ना, ये बॉडी में जब डेटा रख के भेजा जाता है ना, ये वाला, ठीक है, जब बॉडी में डेटा क्लाइंट रख के भेजता है और वो जब सर्वर पे पहुंचता है तो ये बॉडी का डेटा इनकोडेड फॉर्म में होता है,
या कह लो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो सर्वर पे मुझे ना उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो ये लाइन जो है ना असल में क्या कर रही है, उसको डिक्रिप्ट कर रही है, ठीक है, या उसको डिकोड कर रही है उस लाइन को, ठीक है। ये लाइन जस्ट इतनी ही है, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतनी सी ये लाइन आपको लिखनी होती है। इससे पहले एक बॉडी पार्सर नाम की लाइब्रेरी थी, वो इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब एक्सप्रेस ने अपना ये जेसन करके एक ऑप्शन दे दिया, अब ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंट पार्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अलग से, जो पार्स बॉडी पार्सर हम पहले लगाते थे ना, उसकी अब जरूरत नहीं है, अब उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। बस एक ही लाइन काफ़ी है, एक ही लाइन है, बस एक ही लाइन है और कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, हरिको पे उसको होस्ट करने के लिए देखो पोर्ट है ना 3000, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि हमारे कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं जिससे डेटा आना और जाना करता है, ठीक है, डेटा अंदर आता है हमारे कंप्यूटर के और बाहर जाता है। तो पोर्ट 3000 पे मैंने कहा कि मेरे सर्वर को चला दो। अब इमेजिन करो कि अगर पोर्ट 3000 पे पहले से कुछ चल रहा होगा तो क्या मेरा ये सर्वर चलेगा फिर उस पर? वो बोलेगा नहीं भाई, पोर्ट 3000 पे कोई और इंगेज हुआ है पहले से। ये असली जो 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 सी पोर्ट होते हैं आपके, जहाँ पे पानी जहाज़ आगे लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पोर्ट नंबर होते हैं ना, कि पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। तो अगर किसी पोर्ट पे एक जहाज़ पहले से लगा हुआ है आगे, तो वहाँ दूसरा तो नहीं लग सकता ना, एक वक्त में एक ही लगता है। तो अगर कोई एक एप्लीकेशन पोर्ट 3000 पे पहले से चल रही है, तो आप उस पे अपनी एप्लीकेशन नहीं चला सकते, आपको वो बोलेगा ऑलरेडी इन यूज़। एक दोस्त ने बीच में बताया भी था कि उनके पास एरर आ रहा है कि वो पोर्ट 3000 पे दोबारा नहीं चलता, क्योंकि वो पहले से कुछ चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो एग्जिट ही नहीं होता जो पहले से चल रहा है। तो आपने बोला कि यार 3001 पे चला दो, कोई मसला ही नहीं है, आपको तो पता है कि मेरी मशीन में 3000 बिजी है, तो चलो 3001 तो खाली है, 3001 आपने लगा दिया। अब हरिको का जो मशीन है ना, हरिको का जो कंप्यूटर है, उस पर हज़ारों की तादाद में ना इस तरह के दूसरे लोगों के सर्वर चल रहे हैं, वहाँ पे पोर्ट 3000 अवेलेबल होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं हो सकता, आपने भी 3000 लगा के भेजा, किसी और ने भी 3000 लगा के भेजा, तो वो तो पता नहीं चलेगा। तो हरिको वाले कहते हैं कि भाई हम आपको बताएंगे कि हमारा कौन सा वाला पोर्ट फ्री है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में से डॉट प्रोसेस जो होता है ना, डॉट पोर्ट। तो असल में इस लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाओ पोर्ट का, उसमें क्या डालो, उसमें डालो इन्वायरमेंट वेरिएबल में ना पोर्ट के नाम से एक चीज़ है, वो उठाओ वहाँ से, ठीक है। हरिको जो है क्या करता है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो बात, वो एक पोर्ट का नंबर लिख के सेव कर देता है कि ये पोर्ट इस वक्त अवेलेबल है, इस पे चलाओ। तो मैंने कहा इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ना पोर्ट उठाओ और उसको लाके इस वेरिएबल में रख दो। अगर पोर्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं मिलता है, ठीक है, और का साइन लगाया मैंने, तो मैंने कहा भाई 3000 पे चला दो। तो जब मैं अपनी मशीन में चलाऊंगा तो जाहिर है उसमें ये मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हरिको स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, मेरी मशीन में ये चीज़ मौजूद नहीं है, मिलेगा ही नहीं उसको। तो मेरी मशीन में जब ये चलेगा तो 3000 पे चलेगा, लेकिन जब हरिको पे ये जाएगा तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, कोई 5 डिजिट का या 4 डिजिट का कोई एक नंबर मिलेगा उसको यहाँ पे, तो उस पे ये चला देगा फिर, ठीक है। तो हरिको के लिए ये लाजमी है, अगर आपने ये बात नहीं लिखी है तो पोर्ट 3000 हरिको पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवेलेबल हो, क्योंकि हज़ारों सर्वर चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और हर दफ़ा अलग मिलेगा आपको, जब जब आप डिप्लॉय करेंगे एक नया पोर्ट नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है, इसके बगैर वो हरिको पे डिप्लॉय नहीं करने देगा आपको। अच्छा, ये हो गई बात। ये आपने कहाँ से इस पे लिखा, ये एक्सप्रेस से आ रहा है ऊपर से प्रोसेस डॉट, ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये मुझे हरिको के डॉक्यूमेंटेशन में बताई गई है, ठीक है। मैंने याद है आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, उसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन खैर, अभी मैं कोई आर्टिकल खोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ अभी इस वक्त, एक ऐसी गाइड बना रहा हूँ कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ फॉलो करें तो वो चल जाए आपके पास, ठीक है। इसलिए मैं अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा, मैं खुद आपको बता रहा हूँ अपने मुँह से। ये आप सही कह रहे हैं, ये हिरोकियो में लिखा होगा, मगर यहाँ एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो हिरोकियो का कोड है, ये तो एक्सप्रेस पे चल रहा है यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे एक्सप्रेस पे चल रहा है ना, ये मैंने एक बात लिखी है, ये अनडिफाइन मिलेगा मेरी मशीन में, ये अनडिफाइन होगा, तो ये और इसीलिए मैंने लगाया है। अच्छा, मैं ज़रूरी नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ इसी काम को करने का। मैंने कॉन्स्ट बनाया पोर्ट, ठीक है, बल्कि लेट बनाना पड़ेगा मुझे इसको, क्योंकि मैं बाद में चेंज करूँगा ना, इसलिए लेट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा पोर्ट इक्वल टू नल पहले शुरू में, फिर मैंने कहा इफ़, ठीक है, इसी लाइन को मैं 3 लाइनों में भी लिख सकता हूँ, इफ़ एल्स लगा के भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा इफ़ अगर पोर्ट ये है ना, तो पोर्ट इक्वल टू क्या कर दो, पोर्ट इक्वल टू ये कर दो, एल्स क्या कर दो,
एल्स क्या कर दो पोर्ट में 3000 कर दो। ये वाला कोड समझ आया कि ये क्या हुआ है? मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने चेक किया भाई पोर्ट, अगर ये है तो ये सेट कर दो, अदरवाइज 3000। तो ये शॉर्टकट है उसी चीज़ का, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये जो शॉर्टकट तरीका है ना, ये सब जगह लिखा होता है जो, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ये शॉर्टकट है, और इसी काम को करने का तरीका ये मैंने तीन लाइनों में किया है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। लाइन नंबर जी दोस्त, सर आज नहीं वो क्रॉस ऐड करना, दोस्त दिन वो ऐड की, अभी अभी कोर्स अभी हम नहीं ऐड कर रहे कोर्स, अभी हम ना कोर्स का इशू जब आता है, जब आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन से जब आप हिट करते हैं ना, जब आपके पास एरर आता है कोर्स का, जब आप यहाँ से इसको हिट करेंगे, लेकिन जब पोस्टमैन से मैं हिट करता हूँ ना इसको, तो मुझे कोर्स का एरर ये नहीं देता है। लेकिन चलो खैर लगा देता हूँ कोर्स, क्योंकि इंशाल्लाह हम इसको फिर ना कोर्स फ्रॉम, इंशाल्लाह इसको हम फिर, इसका फंक्शन क्या है? कोर्स का फंक्शन जो है ये अभी नहीं बताऊँगा मैं, इंशाल्लाह ये बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, मुझे ये कंप्लीट करना है ना जो मैं शुरू कर चुका हूँ, ठीक है? मैंने npm i लिखा और कोर्स करके इसको इंस्टॉल भी कर दिया, जो मैंने ऊपर लगाया है, ठीक है? जाहिर है क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी लगाई है, तो मुझे इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आके ऐप डॉट यूज़, ठीक है? और यहाँ पे मैंने कोर्स को कॉल कर दिया, ठीक है? एक लाइन का कोड, दो लाइन का कोड, ये कोर्स का सिर्फ दो लाइन का कोड, ये हर प्रोजेक्ट में एक दफ़ा करना पड़ेगा आपको, जस्ट सेकंड टाइम नहीं करना, दोबारा नहीं करना आपको, एक दफ़ा करना है जस्ट। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, आपको ये एक्सप्रेस डॉट जेसन की लाइन एक्सप्लेन कर दी। कोर्स तो आपको पता ही है, वो कोर्स अगर नहीं लगाओ तो वो एक एरर आता है, लेकिन वो क्यों आता है एरर, कोर्स क्या चीज़ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने आपको ये बता दिया कि ये हरिको पे लगाना ज़रूरी है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, क्योंकि हरिको पे कौन सी पोर्ट इस वक्त अवेलेबल है वो हमें नहीं पता, वो हरिको हमें इस तरीके से बता रहा होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल के ज़रिए, ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा हमने एक यूज़र का वेरिएबल बना लिया, उसमें हम यूज़र पुश करवाते हैं और यूज़र को वापस भिजवाते हैं, सेव। अब इसको मुझे भेजना है मेरे GitHub की रिपॉजिटरी में, ठीक है? ताकि GitHub की रिपॉजिटरी से फिर मैं कनेक्ट करवा दूँ, किससे, हरिको से कनेक्ट करवा दूँ। अच्छा, उससे पहले ना मुझे ये नॉट मॉड्यूल की जो फाइल है ना, ये नहीं भेजनी मैंने हरिको पे, ये या हरिको पे भी नहीं भेजनी, गिटहब में भी नहीं भेजनी। तो इसके लिए मैं एक डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाता हूँ, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है? और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ नॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है? ये जैसे ही मैं लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो आप देखें ये नॉट मॉड्यूल का फोल्डर ना हल्का सा डिम हो गया, ये पहले इतना डिम नहीं था, ये पहले ग्रीन कलर का था, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है, गलती से भी अगर नॉट मॉड्यूल का फोल्डर आपके पुश हो जाता है तो वो हरिको आपको होस्ट करने नहीं देगा, हरिको आपको एरर देगा कि ये नॉट मॉड्यूल की जो फाइल है, ये नॉट मॉड्यूल का जो फोल्डर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आप हटाएंगे तभी काम करेगा आपका कोड, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, तो ये डॉट गिट इग्नोर मैंने बना दिया, अब ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है कहाँ जाने के लिए, हरिको पे जाने के लिए, ठीक है? तो पहले तो मैं इसको गिटहब में वापस पुश करता हूँ। गिटहब में वापस पुश करने का तरीका क्या है, जो टर्मिनल से हम करते हैं ना, गिट ऐड डॉट और कमिट, ठीक है? वही तरीका है सिंपल। जी जी, अगर हाइट ना हो तो मतलब क्या इशू है? ये हाइट नहीं होगा तो हरिको आपको बोलेगा कि भाई इसको हटाओ, या जब नहीं, तक हाइट नहीं हो रहा, गेट इग्नोर में मैंने लिखा है नॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल, लेकिन वो हाइट नहीं हो रहा था। अच्छा, वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपने एक दफ़ा ना उसको पुश कर दिया गिटहब में, अब वो ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है? अब बेहतर ये है फिलहाल कि हेलो वर्ल्ड बनाते हुए आपके लिए बेहतर ये है कि आप ना वो पूरी रिपॉजिटरी डिलीट करके नए सिरे से बना लें, फिलहाल तो ये बेहतर है, ठीक है? तो ये उस केस में बता रहा हूँ, आपने एक दफ़ा पुश कर दिया ना गिटहब में, शो हो गया ये, तो फिर ये अब इतनी आसानी से नहीं जाएगा, फिर आपको गिटहब से जाके भी इसको डिलीट करना पड़ सकता है, उससे भी हो जाता है, यहाँ से डिलीट करके फिर आप एक नई कमिट बनाते हैं, उससे भी हो जाता है, ठीक है? तो लेकिन पुश नहीं हुआ था, वो नीचे एरर आ रहा था, गिट इज नॉट अ गिट रिपॉजिटरी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो फोल्डर गिट की रिपॉजिटरी है ही नहीं। वेल, अभी अगर आपके पास वो एरर आ रहा है स्टिल इस वक्त राइट नाउ, तो मैं वो आपकी स्क्रीन देख के सॉल्व कर सकता हूँ एरर, नो प्रॉब्लम। तो खैर, अभी फ़िलहाल इसको तो पुश करें, ठीक है? तो इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ये तमाम कोड वापस पुश कर रहा हूँ गिटहब में। तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया सोर्स कंट्रोल में, मैंने मैसेज लिखा कि हेलो वर्ल्ड सर्वर इज़ रेडी, और पुश कर दिया मैंने, ठीक है? ये थ्री डॉट दबाया, पुश का बटन दबा दिया, पुश हो गया भाई मेरा कोड, ठीक है जी? जाके देखते हैं वो मेरे गिटहब में जाके पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। यहाँ पर आया मैं, मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश जैसे ही किया तो मैंने देखा यहाँ पर कि मेरा कोड यहाँ पर तमाम मौजूद है, ठीक है? server.mjs है, package.json है, यहाँ पे node module यहाँ पे नहीं होना चाहिए,
ठीक है, नॉट मॉड्यूल अगर गलती से यहाँ पे आ जाता है किसी भी वजह से, तो फिर आपको वो शुरू से करना पड़ेगा नॉट मॉड्यूल को, या तो किसी तरह डिलीट करना पड़ेगा। डॉट गेट इग्नोर भी यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपनी इस रिपोजिटरी को हरिको से कनेक्ट करना है। तो मैं हरिको का, मैंने कहा था कि एक नया अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे, तो मैं जाता हूँ ज़रा हरिको डॉट कॉम पे और देखता हूँ कि मेरे पास आया कि कोई ऐसी ईमेल मौजूद है जिस पे पहले जो है ना बनाया हो मैंने अकाउंट। अच्छा, क्या ख्याल है, नया अकाउंट बना लिया जाए या उसी पे ही कर दूं? कितने ऐसे कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा था अकाउंट बनाने में? मेरे पास info@sysborg.com पे ना ये मेरा नहीं बना हुआ है, और सिसबॉर्ग बना देता हूँ मैं। रोल पाकिस्तान, सेलेक्ट अ लैंग्वेज, मेरे का नॉट जी एस, ठीक है, नॉट जी एस पर मैं मेनली काम करूँगा, और मैंने आई एम नॉट अ रोबोट लगा दिया। ठीक है, अब info@sysborg पे ईमेल आएगी मेरे पास, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ चेक योर ईमेल info@sysborg.com, कन्फर्म योर अकाउंट। अब मैं ये अपना मोबाइल फ़ोन खोल लेता हूँ और इसमें मैं अपना मेल बॉक्स ओपन करके ना ज़रा देखता हूँ कि इन्होंने क्या ईमेल भेजी है मुझे। साइन इन, यार ये क्या सीन है, ये भी लॉग आउट हुआ है, मेरा मेल बॉक्स लॉग आउट हुआ है, उसको भी लॉग इन करना पड़ेगा मुझे। तो अब ये जो मेरा ये ईमेल एड्रेस है ना info@sysborg.com, इस पर कोई ईमेल भेजी है इन्होंने, वो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि वो क्या ईमेल भेजी है। क्या खुल जा भाई, बस कंफर्म करना पड़ता है, वो क्लिक करना पड़ता है बस। हेलो सर, कहाँ गए आप? हाँ, मैं ये ज़रा मेल बॉक्स देख रहा हूँ अपना, मैं समझा शायद हैंग हो गया मामला। नहीं, मामला तो सही है। इनबॉक्स, अच्छा, मेरे पास जो अभी मेल बॉक्स है ना वो info@sysborg नहीं है, वो malik@sysborg है, तो मैं ज़रा इसको ना malik@sysborg कर देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल जो लॉगिन हुआ है उसी पे ही करते हैं, फिर बाकी देख लेंगे। ठीक है, ये malik@sysborg आ गया। अब मैं अपने इनबॉक्स में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ईमेल रिसीव्ड, अबे रिसीव तो दिखा ना किधर है, कह रहा है रिसीव्ड, अबे हाँ ये आ गया। अच्छा, इसने मुझे एक URL भेजा है, वो URL मैं क्या करता हूँ, वो URL मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से फ़िलहाल के लिए। कॉपी कैसे होगा, हाँ कॉपी, ये URL मैं कॉपी करके ना यहीं पे खोलता हूँ ब्राउज़र में ही, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरे फ़ोन पे ये URL भेजा था इन्होंने, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा, मैंने कहा भाई ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक कर दो सेलेक्ट, ठीक है, और यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया ये। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड थोड़ा, असल में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, तो मुझे हाथ से लिखना होगा फ़िलहाल इसमें, हाथ से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मस्ट कंटेन अ लेटर नंबर, अच्छा सही हो गया। अब अरे यार क्या कर दिया मैंने, सही है भैया, मैंने पासवर्ड अच्छा सा एक लगा दिया, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बजाय सेफ। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब ये मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, हरिको का अकाउंट मेरा नया क्रिएट हो चुका है और मैं इसके अंदर जा चुका हूँ। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है ये, कोई प्राइवेसी पॉलिसी दी है, कह रहा है एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर ली मैंने, एक्सेप्ट हो गया। क्रिएट अ न्यू ऐप, ये बटन दबा दिया मैंने, ऐप का नाम पूछ रहा है। मैंने कहा भाई मेरी जो है ना सोशल मीडिया
सर्वर, एक सोशल मीडिया का मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक टाइप की एक एप्लीकेशन है, उसका सर्वर है ये, कि यूज़र क्रिएट होगा, यूज़र गेट होगा, ठीक है, लॉग इन साइन अप तक हम फिर आगे पहुँचेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया सर्वर सिसबॉर्ग लिख देता हूँ साथ में आगे, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है, जो नाम अवेलेबल नहीं है वो आप नहीं रख सकते। तो मैंने एक नाम रख दिया अच्छा सा और मैंने क्रिएट ऐप का बटन दबा दिया। रीजन किस वजह से पूछ रहा है? वो रीजन इस वजह से पूछता है कि उस सर्वर को डिप्लॉय कहाँ करना है। रीज़न फ्री में एक ही अवेलेबल है, US, उसके अलावा कोई अवेलेबल है नहीं इसमें फ्री में ना। अच्छा, अब मैं ये जैसे ही ऐप क्रिएट हुई, मैं डिप्लॉय के टैग में आया, डिप्लॉय जो लिखा हुआ है ना इस जगह पे मैं आया, यहाँ पे मेरे तीन ऑप्शन है, github.com वाला जो ऑप्शन था वहाँ गया मैं, कनेक्ट टू github का बटन दबाया, सही है, और ये github से कनेक्ट हो गया, ठीक है, github से कनेक्ट हो गया, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ आ गया, मेरी तीन प्रोफाइल है जो हरिको से इस वक्त कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ आके मैं रिपॉजिटरी का क्या नाम था मेरे, रेस्टफुल नाम था, तो मैंने रेस्टफुल लिखा है यहाँ पे आके और सर्च का बटन दबा दिया। सर्च का बटन दबाते ही देखो ये रिपॉजिटरी यहाँ शो हो गई, मैंने कनेक्ट का बटन दबा दिया, ये कनेक्ट हो गई मेरी रिपॉजिटरी। कनेक्ट होते ही मैंने इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दिया। इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय से होता ये है कि जब भी आप कोई चेंजिंग करके पुश करते हैं अपना कोड, तो वो ऑटोमेटिक हरिको पे आके डिप्लॉय भी हो जाता है, ठीक है, आपको हरिको पे अलग से उसको डिप्लॉय नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप गिटहब में चेंज पुश करते हैं अपना, वो हरिको पे भी आ जाता है। इनेबल कर दिया और मैंने कहा फ़िलहाल भी एक डिप्लॉय चला दो अभी के अभी, ठीक है। अगर आप ये इनेबल नहीं करेंगे ना, तो हर दफ़ा आपको यहाँ पे आके ना डिप्लॉय का बटन दबाना होगा। ये जो डिप्लॉय का बटन है ना, ये आपको हर दफ़ा दबाना होगा, इसलिए मैंने इनेबल कर दिया है। मैंने कहा भाई हमेशा ख़ुद से करना है आपने। यहाँ पे ये बिल्ड वगैरह स्टार्ट हुई, इसकी बिल्ड चली और बिल्ड चलने के बाद क्या हुआ, ये सक्सेसफुल बिल्ड हो गई। अच्छा, अब सक्सेसफुल बिल्ड होने के बाद मैंने इसके लॉग्स देखने हैं, ठीक है, मैंने इसके लॉग्स देखने हैं, वो कहाँ पे मुझे दिखेंगे। मैंने कहा मोर व्यू लॉग्स, यहाँ पे मुझे ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि सर्वर, ये देख रहे हो, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 22757, ये मुझे पोर्ट का नंबर मिला है इस वक्त, समझ रहे हो, ये नंबर मिला है मुझे पोर्ट का। ये पोर्ट इनके पास अवेलेबल थी, 3000 अवेलेबल नहीं थी इनके पास, ठीक है। अब इसका URL क्या है, URL इसका, ये मैं ओपन ऐप देख रहे हो, इसको मैं खोलूँगा तो ये मुझे URL दे देगा, ये मुझे URL मिल गया, कॉपी किया मैंने इस URL को। अब मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं गया अपने पोस्टमैन पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैं यूज़र गेट करना चाहता हूँ। अगर मैं यूज़र को गेट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कौन बताएगा। स्लैश यूज़र भी लिखना होगा ना इसमें, स्लैश यूज़र लिख दिया। यूज़र को गेट करूँगा तो मुझे एम्प्टी एरे मिलना चाहिए, क्योंकि ये सर्वर जो है अभी अभी रन हुआ है जाके किसी मशीन पे, पहले तो मेरे पास हो रहा था ना, अब हरिको भी मशीन पे हुआ है, तो यहाँ पे जब ये रन हुआ है तो वो वेरिएबल ज़ाहिर है रीसेट हो गया, रीसेट वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरे। तो मैं जब अभी गेट करूँगा इसको तो मुझे एम्प्टी एरे मिलेगा, ठीक है, देखो मुझे एम्प्टी एरे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, जाके पोस्ट का बटन दबाऊँगा और बॉडी में मैंने ये डेटा लिखा हुआ है और मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं गेट करूँगा तो मुझे वो डेटा वापस मिलना चाहिए, ठीक है, देखो वापस मिल गया मुझे। अच्छा, मैं पोस्ट में जाता हूँ और मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सही है, मैं कितने सारे यूज़र मैंने क्रिएट कर दिए, और अब मैं वापस आके गेट करूँगा ना तो वो सारे यूज़र मुझे वापस मिलेंगे, देख रहे हो, ये इतने सारे यूज़र क्रिएट हो गए मेरे, ठीक है। अब जब तक मैं हरिको का सर्वर रीस्टार्ट नहीं करता, जब तक ये यूज़र यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ठीक है, मोर पे जाके ना, यहाँ देखो रीस्टार्ट का बटन है एक, जब तक मैं ये बटन नहीं प्रेस कर देता ये सारे यूज़र यहीं पे मौजूद रहेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं रीस्टार्ट करूँ जब ही हो, हरिको ना रैंडमली कभी भी आपके उसको रीस्टार्ट खुद भी कर देता है, ठीक है, आपसे बगैर पूछे। जाहिर है उनके पास लोड बैलेंसिंग मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें, तो वो 2-4 सेकंड के लिए भी आपका सर्वर अगर ऑफ करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकते आप कि जब तक इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे ये रहेगा, ये कभी भी गायब हो जाएगा आपका डेटा ना वेरिएबल में जो है, ठीक है, इसलिए वेरिएबल पे हम रिलाई नहीं करते, हम डेटाबेस पे रिलाई कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल है जी, प्लीज सवाल पूछें। ये अभी मतलब सिस्टम पे आप जब मतलब नॉर्मली जो बना रहे थे अपना सर्वर लोकल बना रहे थे, ठीक है, तो सिस्टम पे आपका कोड चल रहा था और सिस्टम पे सर्वर भी चल रहा था। अब जब ये क्लाउड पे चला गया तो कोड हमारा गिटहब पे चल रहा है और सर्वर हमारा हरिको पे चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये वाला कोड है ना, ये जो मेरे पास VS कोड है, इसकी मुझे अब ये मेरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, बंद कर दिया, ये VS कोड को मैंने बंद कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है। अब सारा कुछ मेरे क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ मेरे क्लाउड पे।
अब मेरे पास क्या है, सिर्फ ये पोस्ट मैन है जो एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा है। मेरे ड्राइंग में वापस आ जाता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास जो क्लाइंट है ना मेरा, ये वाला जो क्लाइंट है वो मेरी मशीन में है। ये जो सर्वर है ये टोटली अब क्लाउड में है। इस सर्वर का ना कोड मेरे पास है, ना इसके लॉग्स मेरे पास प्रिंट होंगे, ये टोटली क्लाउड पे है, हरिको पे है इस वक्त। ये अच्छा सर, आप कर ले आप इसको। मैंने ना इसको नहीं नहीं कर ले, कर देता हूँ। सही है, ये जो इसको मैंने सिलेक्शन करके ना, कहाँ गया सिलेक्टर, ये अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई, ये है ही नहीं अब। भाई मैं नहीं, आपका कोड कहाँ चल रहा है? कोड हरिको में चल रहा है, कोड यहाँ सर्वर में चल रहा है। हरिको पे चल रहा है, हरिको के ऊपर, हरिको की, हरिको वालों ने एक कंप्यूटर लगाया हुआ है अपने पास, वहाँ चल रहा है मेरा कोड। अच्छा, उस कंप्यूटर गिटहब से तो ब्रिज बना दिया ना, गिटहब से ब्रिज बना दिया। ये इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं। असल में हरिको पे कोड भेजना है ना आपको, अपना हरिको पे आप अपना कोड भेजना चाहते हैं, तो कोई तो तरीका होगा ना जो हरिको आपको बताएगा कि यार ये तरीका है। तो हरिको वालों ने एक तरीका बताया कि भाई जहाँ भी गिटहब में आपका कोड है ना, हमें जस्ट आप उस रिपोजिटरी का नाम बता दो, वो हमारा मसला है, वहाँ से खींच लिया करेंगे हमेशा खुद ही, ठीक है। तो इसलिए गिटहब बीच में डायरेक्ट भी भेज सकता था मैं, उसमें तीन तरीके हैं डिप्लॉय करने के, हमने एक देखा है सिर्फ जो गिटहब के ज़रिए सबसे आसान है, वो इसलिए वो देखा है, बाकी दो और भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गिटहब का होना लाजमी नहीं है, ठीक है, गिटहब से आसानी होती है इसलिए हम वो वाला तरीका, लेकिन लाजमी नहीं है, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। अच्छा सर, पोस्टमैन से जो हमने पोस्ट बनाई है, जो डेटा हमने भेजा है, वो हमें अपनी उसमें एपीआई में मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सर, जो पिछली क्लास में आपने ऑब्जेक्ट बनाना सिखाए थे ना उसके अंदर, तो वो और इसमें क्या फ़र्क है? ऑब्जेक्ट बनाना सिखाए थे, ये मैं समझा नहीं। मतलब सर, जो यूज़र के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, वो हमें अपनी एपीआई में मिल रहा था। हाँ तो अभी हम पोस्ट से डेटा भेज रहे हैं, तो ये ज़रा सर थोड़ा सा समझा दें। नहीं, पिछली क्लास में मैंने क्या किया था वो मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा। असल में ये कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने एक दफ़ा जो ऑब्जेक्ट बताया था ना कि भाई ये है और इसके अंदर बगैर इन्वर्टेड कॉमा की, अब ये जेसन में जा रहा है डेटा, तो इसका फ़र्क ये पूछ रहे हैं कि ये अब जेसन में जा रहा है, वो आपने ऑब्जेक्ट बताया था पहले जेसन में। एक मिनट, मैं वी एस कोड वापस खोलता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये भाई आ गया। अच्छा, ये कोई और सर, जो पिछला सर्वर हमने बनाया था। हाँ, पिछली क्लास भी खोलता हूँ। कहाँ गया भाई मेरा मरन स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, ये मेरा था हरिको डिप्लॉयमेंट के नाम से रखा था ना मैंने सर्वर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट? जी सर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इसमें अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग लगा दूँ ना तो भी सही है, ये गलत नहीं है, ये दोनों जावास्क्रिप्ट में ये दोनों चलते हैं, दोनों अलाउ हैं, सही है, ये इस तरह भी सही है, दोनों तरह से सही है ये। और अभी जो मैंने बनाया है, अभी वाला भी देख लेते हैं। अभी वाला ये है ना कोड मेरा, इसमें जो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, वो कहाँ लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट है इसमें तो ऑब्जेक्ट, अच्छा वो मेरे पास रिक्वेस्ट की बॉडी से आता है ना इसमें, तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ ना इस जगह पर, तो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये क्लाइंट मेरा इस वक्त ना ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन जावास्क्रिप्ट तो नहीं है, तो इसमें मैं अगर ये डबल कोटेशन हटा देता हूँ ना, ये मुझे एरर देगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अलावा तमाम लैंग्वेजेस में ना आपको इसको भी स्ट्रिंग में लिखना होता है, इसको भी लिखना होता है, इसलिए और कोई फ़र्क नहीं है, चीज़ दोनों एक ही है एक्चुअली। अच्छा, क्या सिर्फ जेसन डाटा ही वायर पर ट्रैवल करता है? नहीं, जेसन के अलावा एक्सएमएल भी है, बहुत सारे हैं। REST API में JSON होता है, लेकिन REST API की जो पांच है ना उसमें है कि भाई JSON में डेटा आएगा, JSON में जाएगा। अच्छा, ये वाली बात सबको समझ आ गई कि अब जो मेरा कोड है वो एंटायरली कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी मशीन में सर्वर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेरी मशीन में नहीं चल रही है, सर्वर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेरी मशीन में नहीं है। ये मैं यहाँ से हिट करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ ना, आप अपने पास से भी कर सकते हैं। बाबर भाई, आप कंप्यूटर पर किस पे हैं? मैं मोबाइल पर हूँ अभी। अच्छा, कंप्यूटर पे कौन है यहाँ पे? कोई ऐसा बंदा है जो पोस्टमैन जिसके पास हो? हाँ चलो, अपनी स्क्रीन शेयर करो और पोस्टमैन खोल लो। तुम भी हिट करोगे ना इस सर्वर को, तो तुमसे भी हिट होगा, ये मेरे से भी हिट होगा, तुमसे भी हिट होगा, दोनों से होगा। यानी ये मैं भी अपना यूज़र क्रिएट करूँगा तो उसी सर्वर में जाएगा, तुम भी करोगे तो उसी सर्वर में जाएगा। अपनी जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो और पोस्टमैन ओपन करके ज़रा ये URL हिट करो।
अच्छा वो जो छोटा सा डेटाबेस था जिस पे आप ऊपर दिखा रहे थे कि ये यूजर मेरा डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस आपके कहाँ पे पड़ा हुआ है? क्रिएट अकाउंट वाली, वो भी अरिको में, वो भी अभी सर्वर के अंदर ही है। हाँ सब कुछ हर सर्वर में, मेरी मशीन में कुछ भी नहीं चल रहा। इवन दो कि मैं अपना लैपटॉप शट डाउन भी कर दूंगा ना, तो ये जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना मैं पोस्टमैन पे, कहाँ चला गया ये? अरे पोस्टमैन कहाँ गायब हो गया सर? ये क्रिएट अकाउंट कह रहा है, क्रिएट करें, क्रिएट अकाउंट पोस्टमैन पे। अपनी स्क्रीन तो शेयर करो, अपनी एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, बाकी लोग ना करें। सर की ये दे, लोड हो रही है तुम्हारी स्क्रीन अभी तक। सर आपका यूआरएल गिटहब से जा के उठाओ। नहीं मैं यूआरएल चैट में भेज रहा हूँ तुम्हें, यूआरएल में चैट में भेज रहा हूँ भाई। ये लो, ये यूआरएल मैंने तुम्हें भेज दिया चैट में, यहाँ पे सही है स्लैश यूज़र। अब इस यूआरएल में जाके जो जो गेट करेगा ना उसको वो सारे यूज़र मिल जाएंगे जो मुझे मिलते हैं। मैं भी करता हूँ गेट, मुझे क्या यूज़र मिलते हैं? ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। यार मैंने बहुत यूज़र बना दिए, मैं ज़रा रीस्टार्ट कर देता हूँ, इतने अभी रीस्टार्ट कर देता हूँ अपने सर्वर को ताकि वो खाली हो जाए। यहाँ पे गया मैं, रीस्टार्ट ऑल डाइनो किया, ठीक है, और रीस्टार्ट का बटन दबा दिया, सही है, ताकि रीस्टार्ट हो जाए ना, वो क्लियर हो जाए, इतने सारे यूज़र जो बने हुए हैं ना वो क्लियर हो जाए यहाँ पे से। सही है, क्लियर हो गया, एम्प्टी हो गया ये। अच्छा अब लाओ भाई, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था अपनी? अपना माइक खोल के रखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। माइक खोल के रखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अच्छा जाओ पोस्टमैन की स्क्रीन पे जाओ। yes. और पोस्टमैन की स्क्रीन पे जाने के बाद ये ऊपर टैब दिख रहा है ना, ओवरव्यू जो लिखा हुआ है, इसमें प्लस दबाओ। नहीं नहीं टैब जो है, ओवरव्यू का जो टैब है, टैब टैब टैब, नॉट दिस वन, इससे नीचे आओ। नो 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 नो, ये सर नहीं, इसके राइट हैंड पे टैब है जो ओवरव्यू, स्क्रैच पैड लिखा हुआ है ना, जो स्क्रैच पैड लिखा हुआ है जो, ये इसके ऊपर देखो प्लस का छोटा सा आइकन है, वो दबाओ। एग्जैक्टली ये वाला यूआरएल को पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट है, सेंड का बटन दबाओ। ठीक है देखो, एक यूज़र है, किसने बनाया है? अजलान, अजलान एक यूज़र किसी ने क्रिएट कर दिया। अच्छा रुक जाओ, मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, दोबारा गेट करना, मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ इतनी देर में। मैं उसको बोलता हूँ भाई malik@sysborg.com, और ये मैंने भी एक यूज़र क्रिएट कर दिया। अब गेट करो, दो मिलना चाहिए हैं, दो मिलना चाहिए था, ये क्या सीन है? दो रिक्वेस्ट टकरा गई होंगी आपस में? नहीं नहीं अच्छा नहीं, वो गेट है मेरा अभी तक, रुक जाओ, पोस्ट नहीं किया ना मैंने, मैं गलती से गेट की रिक्वेस्ट कर दी थी। हाँ अब करो, अब मेरा यूज़र आ गया होगा, सही है, दो यूज़र हो गया। अब नहीं मैं पोस्टमैन से हिट कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा चलो अब तुम अपना यूज़र क्रिएट करो, जाओ इसको गेट को करो पोस्ट, अब तुम्हारा भी तो यूज़र है ना, पोस्ट कर दो इसको। अब जाओ बॉडी पे क्लिक करो, इसके नीचे पट्टी है ना जो उसमें बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी पे क्लिक करो। हाँ नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, यूआरएल के बिल्कुल एन नीचे, यूआरएल की अगली लाइन में है बॉडी, इसमें रॉ सेलेक्ट करो, बॉडी की टाइप में सेलेक्ट करो रॉ, आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना कोने में, इसी लाइन में आखिर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को कर दो जेसन, जेसन कर दो। अच्छा ये वैलिडेशन के लिए होता है ना, जेसन में तुम्हें वैलिडेशन देगा। बनाओ इसमें एक ऑब्जेक्ट, इसमें अपना नाम लिखो, ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो और सेंड करो, ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा एक यूज़र और भी किसी ने बनाया है, क्लाउड न्यू यूज़र। अच्छा जल्दी से अपना नाम लिखो, कॉमा डाल के फिर ईमेल लिखो। सर मेरी गिटहब अभी तक नॉट फाउंड आ रही है। गिटहब नॉट फाउंड आ रही है, ये क्या बात कर रही तुमने? ओनली होस्टिंग की थी। अच्छा इसको शेयर करता, चलो ये अभी ईमेल तो लिख के ज़रा यूज़र क्रिएट कर ले। सर ये आपके सर्वर पे ही यूजर क्रिएट हो रहा है? हाँ ये मेरे सर्वर पे हो रहा है, जो हरिको पे मैंने अभी अभी बनाया ना सर्वर, ये वहाँ क्रिएट हो रहा है। अच्छा अगर मैं लॉग्स देखूँ ना जाके सर्वर के, मैं लॉग्स में अगर जाता हूँ तो
तो वहाँ पे ना जितने भी यूज़र क्रिएट हुए हैं वो वहाँ पे बने हुए भी आते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन अभी शायद रुक गई होगी, मैं रिज्यूम करता हूँ ना अपनी स्क्रीन, अगर तो आप ये देखिएगा किसने कौन सा यूज़र बनाया। हाँ हाँ बिल्कुल पता चलेगा किसने कौन सा बनाया। जो भी यूज़र क्रिएट करे ना उसकी आईपी आती है यहाँ पर मेरे पास। वो बहरहाल अभी मैंने हैंडल नहीं किया हुआ चीज़ें, ये देखें मलिक एडसिसबॉर्ग बनाया ना, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। मलिक एडसिसबॉर्ग से पहले भी एक बंदे ने कोई यूज़र क्रिएट किया था, देखें अहमद ईमेल ahmed.eng, ये देखो पूरा आ गया यहाँ पे एड्रेस कराची, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये कोई और भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एमटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, गेट कर रहे हैं वेलकम, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है कि गेट यूज़र, किसी ने यूज़र गेट की रिक्वेस्ट की है 4-5 दफ़ा अभी, ठीक है। ये देखो ये न्यू यूज़र और क्लाउड करके जो भेजा था वो भी प्रिंट हुआ हुआ है। तो अब जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना वो डायरेक्टली हरिको में आ रही है, और हरिको में ही मुझे कॉन्सोल का लॉग भी दिख रहा है, ठीक है। हरिको में ही दिख रहा है मुझे, वो मेरे पास नहीं दिखेगा मेरी मशीन। इसको एडिट भी कर सकते हैं जो लिखा है, जाहिर है एडिट के लिए मुझे API उसकी बनानी पड़ेगी ना। अभी तो मैंने दो बनाया है, अभी मैंने दो बनाया है सिर्फ, क्या बनाया है, एक क्रिएट और दूसरा गेट। एडिट और डिलीट का मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया API, अभी सिर्फ दो बनाई है मैंने, ठीक है। सर मुझे गाइड करें जी प्लीज। मैंने शेयर की है, हाँ भाई सारी तुम्हारी स्क्रीन आ गई है मेरे पास। डाउनलोड नहीं किया तुमने अभी तक पोस्टमैन, बस डाउनलोड का बटन दबा दो सामने विंडो जिस पर बना हुआ रहा है, विंडोज़ का बटन दबा दो, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 bit। वेल डन, अब ये डाउनलोड होगा, इसको टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। किया हुआ है सर मैंने, किया हुआ है तो इंस्टॉल कर दो डायरेक्ट, फिर डाउनलोड दोबारा क्यों कर रहे हो। जाओ डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओ, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओ, अच्छा सर मेरा यूज़र आपके पास आ रहा है अभी, मैं गेट करके देखता हूँ। रिफ्रेश, मेरे पास जो एक आ रहा है लैला, एक आ रहा है उमैर, एक आ रहा है अहमद, अहमद के नाम से जी दो सर, उमैर मेरा ही है। एज भी आ रही होगी, एज 20 आ रही है आपकी जी सर, सही है। तो ये कि सेंट्रल डेटाबेस बन गया है। अच्छा अब आप इमेजिन करें, अब गौर से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये जो API मैंने बना दी है, अगर मैं एक पेज बना दूं HTML का और वहाँ से लोग अपना अपना नाम लिखें, सबमिट का बटन दबाएं, तो यहाँ जाके लिस्ट बनना शुरू हो जाए। यही तो होता है वेब एप्लीकेशन में, है ना। अब एक हम पेज बना दें, एक पेज बना दूं मैं HTML का, उस पर लोग अपना नाम लिखें और नाम लिख के सबमिट का बटन दबाएं, तो मेरे पास वो आ जाए। अभी तो आप पोस्टमैन से कर रहे हैं ना, ज़ाहिर है पोस्टमैन से तो करना पॉसिबल नहीं होता, हाथ से होगा ये। तो वो पेज जो कहलाएगा साइन अप फॉर्म कहलाएगा वो पेज, कि लोग अपना नाम लिखते हैं, अपनी एज, अपना ईमेल लिखते हैं, सबमिट करते हैं, वो सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। अब वो फॉर्म क्या कहलाएगा, साइन अप का फॉर्म कहलाएगा वो। अच्छा सर वो जो वो डेटा होता है वो जेसन की फॉर्म में सेव होता है, जेसन की फॉर्म में ही सेव होता है, REST API में जेसन की फॉर्म में सेव होता है। यानी मर्न स्टैक जो है ना, मर्न स्टैक हम पढ़ रहे हैं ना, तो मर्न स्टैक में बेस्ट अप्रोच ये है कि जेसन में चीज़ों को सेव किया जाए MongoDB के अंदर। वैसे तो डेटाबेस और भी हैं सेव करने के, और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे फेमस और सबसे कॉमन आजकल जो है वो जेसन है। हाँ भाई गेट करो, गेट की रिक्वेस्ट, ये देखो आ गए ना तुम्हारे पास सारे यूज़र। अब पोस्ट करोगे तो पोस्ट में बॉडी में डेटा भी डालना पड़ेगा तुम्हें, रॉ सेलेक्ट करो और जेसन लास्ट वाले में जेसन। जल्दी से हम एक आखिरी छोटा सा काम करते हैं, फिर हम छुट्टी करते हैं, सही है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। सही है, मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दी है आप सब लोगों को, और मैं दोबारा से ये VS कोड ओपन कर लेता हूँ, जो मेरे सर्वर का कोड था उसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अबे वो कहाँ चला गया,
अब मेरे सर्वर की एपीआई तैयार हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, एक छोटा सा मैंने एचटीएमएल का पेज बनाना है जिसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, ये जो एपीआई हाथ से कॉल करते हैं ना हम पोस्टमैन से जाके, उसका एक फॉर्म बनाना है मुझे। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। मैंने एक न्यू का बटन दबाया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंटर किया, यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल लिखी भी आ गई। मैंने यहाँ पे बोला साइन अप फॉर्म, ठीक हो गया। ओहो यार, आप भी डेटा बेचने का काम कर रहे हैं, ये तो फूड पांडा की तरह। हाँ डेटा बिकेगा अभी, इतवार बाजार लगेगा यहाँ डेटा का। सही, आप सब लोग डेटा अपना अपना देंगे और मैं उसको बेचूंगा फिर। ये मैंने क्या बना लिया, एक अदद फॉर्म बना लिया मैंने, ठीक है। इस फॉर्म में क्या, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इमेजिनरी है फिलहाल ये, और यहाँ पे एक फुल नेम भी बना लेता हूँ मैं। मैंने कहा भाई फुल नेम, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ। सही है, मैंने एक फॉर्म बना लिया, बहुत आसान है ये। हम पहले कई दफ़ा ये काम कर चुके हैं कि एक फॉर्म बनाया हमने और उस फॉर्म की मुख्तलिफ फील्ड्स में से डेटा उठा कर उसको हमने क्या किया, कुछ उसको प्रोसेस किया। तो ये मैंने जनाब क्या कर लिया, एक एचटीएमएल की फाइल एक मैंने किया, आपने कर लिया। अच्छा सही है यार, यूज़र क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया, वेल डन। गेट करो, ये तुम्हारा यूज़र भी तुम्हें मिलेगा फिर, गेट करोगे ना अब तुम्हारा यूज़र भी तुम्हें मिलेगा। अच्छा, तो मैंने HTML का एक वो पेज बना लिया, यही काम जो मैं पोस्टमैन पे हाथ से करवाता था, ठीक है। जब तक मेरे पास HTML का पेज नहीं था तो मैं हाथ से करवाता था ये काम, मैं पोस्टमैन से ये काम करता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर वेबसाइट हो जहाँ पे जाके बंदा बटन पे क्लिक करे तो ये काम हो, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई छोटी सी, उस पर फॉर्म बना लिया, फॉर्म के आखिर में मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया बटन, ठीक है, या इनपुट टाइप सबमिट, इससे भी बटन ही बनता है, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको ऑन सबमिट, ऑन सबमिट मैंने लिखा। मैंने कहा भाई नेम अब हमारे काम आएगा, नहीं आएगा नेम के, नहीं आएगा नेम की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नेम को मैं हटा भी देता हूँ बोल के ना, ये जो नेम है ना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ टाइप इसकी चाहिए, टेक्स्ट। अच्छा टाइप टेक्स्ट चाहिए मुझे, यूज़र नेम और यूज़र नेम पास टाइप पासवर्ड, हाँ टाइप चाहिए मुझे, और आईडी चाहिए। आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि मैं वहाँ से डेटा गेट करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने कहा भाई साइन अप, अच्छा और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगा देता हूँ मैं वो रिफ्रेश रोकने के लिए, ठीक है। ये रिटर्न फॉल्स हम शुरू से लगाते हुए हैं ताकि हमारा पेज सबमिट करने पर रिफ्रेश ना हो, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पर आके बनाता हूँ एक अदद जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में एक बता बनाता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं क्या रखता हूँ, साइनअप जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, साइनअप मैंने नाम रख दिया इसका। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ गेट करनी है, फुल नेम की वैल्यू गेट करनी है इस फील्ड में से, ठीक है, यूज़र नेम की वैल्यू गेट करनी है यहाँ से, और पासवर्ड की वैल्यू गेट करनी है यहाँ से। ये तीनों मैंने वैल्यूज़ गेट की, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर एक रिक्वेस्ट लगानी है, ठीक है, इंटरनेट पे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है इस पॉइंट पे। अब ये मेरा साइनअप का फंक्शन है, राइट, तीनों वैल्यूज़ गेट कर ली, उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ को मैंने एक HTTP रिक्वेस्ट करनी है, इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट करनी है, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करनी है, और उसकी बॉडी में ये तीनों डेटा भर के मुझे पैक करके भेजना है, ठीक है। इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल हमने किया था, कौन बता सकता है कि वो कौन सी लाइब्रेरी थी, एक्सियोस के नाम से एक लाइब्रेरी थी, वो हमने यूज़ किया था, ठीक है। एक्सियोस पे चलते हैं ज़रा, वो लाइब्रेरी हम उठा के ले आते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट इससे भी तो जाती थी, अपना ये डेटा एजेक्स के थ्रू, एजेक्स से भी जाती है, फेच से भी जाती है, लेकिन ये आसान है इस वजह से हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन ये आ गया CDN मेरा, सही है, ये मैंने यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया। अब मैं एक्सियोस की लाइब्रेरी अपने पेज में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके बोला एक्सियोस डॉट, मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, राइट, तो मैंने कहा एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब ये मुझे बता कौन रहा है, ये एक्सियोस डॉट पोस्ट जो है ना, मुझे ये लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में इन्होंने बताया हुआ, देख रहे हो ये एग्जांपल,
एग्जाम्पल में हो रहा है मेक अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये भी मेक अ गेट रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी इन्होंने बताया हुआ होगा, ठीक है, परफॉर्मिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये देख रहे हो, इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसने बोला एग्जियोस डॉट पोस्ट, यू आर एल क्या होगा स्लैश यूज़र, और उसके बाद बॉडी में क्या होगा वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ज़रा इसको खुला खुला कर लेता हूँ, बॉडी में मुझे क्या चाहिए, फुल नेम, और उसके अगेंस्ट मुझे वो ऊपर वाला वेरिएबल चाहिए, फुल नेम, ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम, और यूज़र नेम के अगेंस्ट मुझे ऊपर वाला वेरिएबल चाहिए, यूज़र नेम, ठीक है, अच्छा इसको मैं स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ ऐसे ना, एक ही बात है, ठीक है, स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ, ऑप्शनल है, जावास्क्रिप्ट में दोनों हो जाता है, बगैर स्ट्रिंग वाला भी, और पासवर्ड की जगह पे मुझे पासवर्ड रखना है, ये तीन चीज़ें मैंने यूज़र से इनपुट ली हैं, और ये तीनों चीज़ें मैं सर्वर पे भेज रहा हूँ, अपने पोस्ट की बॉडी के अंदर डाल के भेज रहा हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स जब मेरे पास आएगा, ठीक हो गया, रिस्पॉन्स जब आएगा तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो होगा ना उसमें वो चीज़ आएगी जो मैंने सर्वर से भेजी है, यानी सर्वर से रिस्पॉन्स में और भी चीज़ें आती हैं ना, डेटा के अलावा भी चीज़ें आती हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मुझे वो चीज़ मिलेगी, अगर इसमें कोई एरर आ गया, ठीक है, तो ये एरर डॉट मैसेज के अंदर मुझे वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, एरर अगर किसी सूरत में आता है, इंटरनेट बंद हो गया, कुछ हो गया, तो एरर आएगा ज़ाहिर है फिर, ठीक है, तो मैंने ये अभी मैंने कॉन्सोल पे इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है, आता हूँ मैं ज़रा इसको अब चला के देख लेता हूँ इस पेज को, सर्वर तो मेरा गया हरिको पे चल रहा है वो डायरेक्टली, ठीक है, ये एक फॉर्म आ गया, अच्छा इसमें वो बी आर नहीं लगाया ना मैंने, इसलिए एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, बी आर लगा लिया ताकि मैं ये फॉर्म को, ठीक है जी, ये मेरे पास एक चुन्ना मुन्ना सा साइन अप का फॉर्म आ गया, कॉन्सोल पे मैं जाता हूँ, मैंने कहा नेम मलिक, यूज़र नेम मलिक सिंगर, पासवर्ड 1234, साइन अप, ये क्या हुआ, अच्छा ये जो फाइल पे चल रहा है ना इसकी वजह से ये मुझे कोर्स का एरर दे रहा है, कोर्स पॉलिसी का ना, इसको मैं काम करता हूँ लाइव सर्वर पे चला लेता हूँ, गो लाइव, ठीक है, लाइव सर्वर वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कोई, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम लाइव सर्वर पे चला लेते हैं, मैंने कहा भाई वहाँ गेट पे पुश करने की बात तो नहीं कर रहा थी, नहीं नहीं मैंने लगाया भाई, अब जरूरत तो नहीं है ना गेट पर पुश करने की, मेथड नॉट, अच्छा ओके, नहीं 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 सही सही, आप डायरेक्ट चला रहे, सॉरी, और ये क्या सीन है, ओके गॉट इट, ये पता है क्या हुआ है, ये मैं ये लाइव सर्वर का इशू नहीं था, ये मेरी असल में दो घंटे से मैं बोल रहा हूँ ना, बकबक कर रहा हूँ दिमाग हो गया मेरा शॉर्ट ये असल में ये गलती मेरी है, सही है, यहाँ पे ना मुझे पूरा यूआरएल लिखना होगा, ये मैंने आधा अधूरा जो यूआरएल लिखा है ना इसकी वजह से एरर आ रहा है, ये पूरा यूआरएल मुझे कॉपी करके ना यहाँ लिखना था, मतलब मैंने जैसा वो डॉक्यूमेंट से मैंने कॉपी किया ना उसको वैसे ही चला रहा हूँ मैं, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मुझे पूरा यूआरएल लिखना है, इंटरनेट पे घूम रहा होगा यार, मैं कहाँ लेके जाऊँ, वो कह रहा था यार इसको कहाँ लेके जाऊँ मैं, वो जैसा मैंने वहाँ से कॉपी किया था मैं एज इट इज़ चला रहा था, जो कि मेरी गलती थी, तो मैंने ये प्रॉपर यूआरएल अब लिखा है, अब ये चलना चाहिए, ठीक है, फाइल पे भी चलना चाहिए, यहाँ पे रिफ्रेश किया, दोबारा ट्राई करता हूँ यहाँ पे मैं, मैंने कहा मलिक मलिक सिंगर 1234 साइन अप, हाँ सही चल गया बिल्कुल, ठीक है, देखो यूज़र इज क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया, ये वो मैसेज है जो मैंने सर्वर से भेजा था, ठीक है, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो कुछ भी आया है उसको मैंने कंसोल करा दिया, तो सर्वर से मैंने मैसेज भेजा था वो कंसोल हुआ है, ठीक हो गया, मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म बना दिया और उस फॉर्म के ऊपर मैंने यूज़र से डेटा कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके जब वो सबमिट दबाएगा तो उसको पूरे डेटा को मैंने बंडल बनाया, पैक किया, और मैंने सर्वर की तरफ उसको रवाना कर दिया, सर्वर की तरफ रवाना किया, सर्वर में जाके वो सेव हुआ, सर्वर से रिस्पॉन्स आया कि भाई यूज़र क्रिएटेड, वो मेरे पास मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया, अब एक यूज़र और बना लेता हूँ, मैंने कहा भाई मलिक टू और पासवर्ड 1122 और साइन अप, ये यूज़र इज़ क्रिएटेड एक और आ गया, अच्छा ये यूज़र इज़ क्रिएटेड मुझे असल में स्क्रीन पे दिखाना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक पैराग्राफ बना के ना इसको मैं आईडी दे देता हूँ, क्या भला मैसेज,
ठीक है, एक मैसेज दे देता हूँ। तो मैं कंसोल पे प्रिंट करवाने के बजाय मैं बोलता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और क्या था इसका नाम, मैसेज, ठीक है। मैसेज के अंदर मैंने कहा भाई कि जो है ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है ना आप प्रिंट करवा दो, जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आया है वो आप इसके इनर एचटीएमएल में प्रिंट करवा दो। तो अब क्या होना चाहिए, जब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो ये मुझे स्क्रीन पे बोलेगा कि भाई यूज़र इज़ क्रिएटेड। अच्छा, अब मुझे वो यूज़र मंगवाने भी हैं जो मैंने बना लिए थे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स, सही है, मुश्किल तो नहीं हो रहा, आसान है ना अभी भी, ठीक है। गेट ऑल यूज़र का एक मैंने बटन बना लिया, आगे देखते हैं स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। ये मेरा साइनअप का फॉर्म था, ये बटन है गेट ऑल यूज़र का। मैं चाहता हूँ कि ये मैं बटन प्रेस करूँ ना तो इस बटन के नीचे तमाम यूज़र की एक लिस्ट बन जाए आगे, ठीक है। कैसे करूँगा मैं ये काम, आते हैं ज़रा। ये आप बाय द वे काम पहले कर चुके हैं, वेदर एप्लीकेशन में आप ये काम कर चुके हैं कि आप क्या करते थे, बटन प्रेस करने पे एक डेटा कॉल करते थे, वहाँ से डेटा आता था, उसको आप स्क्रीन पे प्रिंट करते थे। तो मुझे पहले तो इसके ऑन क्लिक के ऊपर ना एक क्या करवाना पड़ेगा, गेट ऑल यूज़र्स, सही है, ये फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई फंक्शन गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया कि इस बटन के क्लिक पर ये फंक्शन कॉल होता है। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा एग्जॉस डॉट गेट, ऑफ कोर्स गेट करूँगा मैं, यूआरएल के अंदर मैंने ये यूआरएल डाल दिया जो यहाँ पे था, मैंने कहा इस यूआरएल पे गेट की रिक्वेस्ट मारो, ठीक है। और गेट की रिक्वेस्ट मारने के बाद क्या करो, डॉट देन, अब मैं यहाँ से ना गेट की रिक्वेस्ट की वो एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ गेट की रिक्वेस्ट कैसे लिखती है, सही है, ये आ गया डॉट देन, इसके ऊपर मैंने लगाया, सही है, ये मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्स में और रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो कुछ आएगा उसको मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, आसान था। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एग्जॉस डॉट गेट करता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे सर्वर पर जाके ये स्लैश यूज़र पे ना गेट की रिक्वेस्ट लगाओ, जो कुछ आता है उसको स्क्रीन पे लाके प्रिंट करवा दो, ठीक है। देखते हैं स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। अब इसको मैंने क्रॉस किया, रिफ्रेश किया और अब आके गेट यूज़र का बटन जैसे ही दबाता हूँ मैं, तो आप देखें मुझे ये सारा यूज़र उसी तरह मिल गया जैसे मैंने वहाँ पे सेव करवाया हुआ था। अब ये यूज़र मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। मैं कैसे करवाऊँगा ये यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट, मैं आऊँगा भला के थ्रू पॉपुलेट करवाएंगे। हाँ, मैं बोलूँगा कि भाई एक अदद आप बना दो पैराग्राफ यहाँ पे, और पैराग्राफ की आईडी क्या रखवा दी मैंने, जाहिर है इसमें डेटा रखवाना है तो मुझे उसकी आईडी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। मैंने कहा भाई ऑल यूज़र लिस्ट, ठीक है, एक ये मैंने आईडी रखवा दी, ठीक है। अब क्योंकि ये एरे है, मुझे पता है ये जो चीज़ आई है ना ये एरे है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप, ठीक है। अच्छा, मैप जो है वो लूप चलाने का एक तरीका है, हम पहले देख चुके हैं। मैप हम कब चलाते हैं, जब मुझे लाजमी शुरू से आखिर तक आइटरेट करना हो। यहाँ पे मेरे पास जितने भी यूज़र आए हैं मुझे सभी को दिखाना है ना, किसी को छोड़ना तो नहीं है, सभी को ही दिखाना है, तो इसलिए मैं मैप लगाऊंगा। यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकता हूं, लेकिन मैप यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैंने कहा भाई ईच यूज़र, सही है, और मैंने यहाँ पे आके बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये क्या किया मैंने, ठीक है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़र की जो लिस्ट है ना उसके अंदर क्या करो, ये यूज़र लगाओ पहले आप, ठीक है, ये यूज़र लगाओ, ठीक है, ईच का फुल नेम, उसके बाद उसका क्या लगाओ, इसको मैं नए लाइन में कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़र की लिस्ट में जाओ, और ऑल यूज़र की लिस्ट में जाने के बाद उसके इनर एचटीएमएल में, यानी कि इस पैराग्राफ के इनर एचटीएमएल में क्या करो, एक टेक्स्ट लिखो, फुल नेम लिखो पहले, उसके बाद यूज़र नेम लिखो, उसके बाद पासवर्ड लिखो, और उसके बाद एक बीआर कर दो ताकि वो अगली लाइन में चला जाए, ठीक है। क्योंकि इनर एचटीएमएल कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं एचटीएमएल दे सकता हूँ, बीआर करके मैंने एचटीएमएल दे दिया इसको। अच्छा, मैंने क्या बोला, फुल नेम को ना बोल्ड करके दिखाओ, मैंने बोल्ड का टैग भी दे दिया यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, मैंने बोल्ड का यहाँ पे टैग दे दिया, ठीक है, ये काम हम पहले कर चुके हैं। रिफ़्रेश किया मैंने,
आके ये बटन प्रेस किया, और ये बटन प्रेस करते ही मुझे ये क्या अनडिफाइन क्यों आ रहा है यार। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो असल में अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है ये कि मैं तो यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ ना यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा बंदे का, ठीक है, और फुल नेम आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे नाम से भी यूज़र क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो वो अनडिफाइन इस वजह से मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे यूज़र डिलीट कर देता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर में, सारे यूज़र डिलीट हो जाएंगे। इसमें किसी में नेम नहीं आ रहा था, किसी में पासवर्ड नहीं आ रहा था? हाँ हाँ, तो कुछ में जो आ रहा था जो मैंने अभी क्रिएट किया ना इसके ज़रिए उसमें मुझे सब मिल रहा था। अच्छा, अब बेनिफिट क्या हुआ मेरा साइन अप फॉर्म बनाने की वजह से कि साइन अप फॉर्म में क्योंकि तीन ही ऑप्शन है, फुल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो कोई एज इसमें नहीं डाल सकता, एज का ऑप्शन ही नहीं है, एज डाल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने कहा फुल नेम उमर, ठीक है ठीक है, UMR इसका यूज़र नेम लगा दिया मैंने, और 1234 मैंने पासवर्ड लगा दिया, साइन अप का बटन दबाया, यूज़र इज़ क्रिएटेड, गेट ऑल यूज़र किया, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, कोई नया दाखिल हुआ है क्लास में, अच्छा अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस पेज को भी इंटरनेट पे होस्ट करवा देता हूँ, GitHub पेजेस पे करवा दूँ, सही रहेगा, बेहतरीन हो जाएगा ये। तो मैंने कहा कि भाई HTML फॉर्म रेडी, और ये मैंने पुश कर दिया, और पुश करने के बाद अब GH पेजेस लगाता हूँ मैं जाके। कैसे लगाऊंगा मैं ये, गया रिपोजिटरी में, सेटिंग्स के अंदर गया, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद मैं पेजेस में गया, पेजेस में जाने के बाद मैंने मेन सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा GitHub पेजेस क्या हो गया, रेडी हो गया। एक्शंस में गया, देखो ये चलना शुरू हो गया एक्शन यहाँ पे, ये जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा मेरा वो पेज बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं उस पेज का लिंक आप लोगों को दूंगा, आप लोग अपना अपना यूज़र उसमें क्रिएट करेंगे और हर एक बंदा दूसरे का यूज़र देख पाएगा, ठीक है। हमने एक सोशल मीडिया जो डेटा डाल रहे हैं वो हमें यूज़र में मिलेगा, हाँ तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा को, सब देख सकते हैं, हर कोई एक दूसरे का यूज़र एक दूसरे का डेटा देख सकता है। हमने एक छोटी सी सोशल मीडिया की ऐप बना ली असल में, ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से बिल्ड हमारा, यार मुझे तो पता है ना इसका यूआरएल क्या बनने वाला है, तो मैं इसमें नीचे बॉट क्यों लिखा है, बॉट कहाँ लिखा हुआ है, बॉट तो नहीं आ रहा। अच्छा ये इसका यूज़र बॉट है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ना अंदर से, इसलिए बॉट लिखा हुआ है, वह हो जाएगा आज की डेट में ये। सर अगर एक सवाल है, हाँ। जैसे आपने तीन इनपुट की फील्ड बनाई ना, हाँ। आपने डेटा गेट करा मतलब डेटा लिया और उसको आप शो करवा रहे हैं, हाँ। मैं चाहता हूँ कि वो शो ना हो, वो सिर्फ आप ही देखें, मतलब तो ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। मैं गेट ऑल यूज़र जो मैं कर रहा हूँ वो ना करूँ ना, आप ये कह रहे हैं? जी सर, मतलब जाहिर है फेसबुक पे अगर कोई साइन अप करता है तो फेसबुक में ये तो नहीं ऑप्शन है ना कि गेट ऑल यूज़र, सही है। अच्छा ये मैंने बना लिया, इसको अब मैं भेजता हूँ आप सब लोगों को, अब इसमें ना सब अपना अपना यूज़र क्रिएट करो। ये हमने एक छोटी सी सोशल मीडिया की ऐप बना ली है आज के दिन में, आज की डेट में, जुनेद हारून ने भाई अपना यूज़र बना दिया, जल्दी से और भी बनाते जाओ। अनम शब्बीर ने भी बना दिया, वेल्डन यार, इरफान सुल्तान, उमर। अच्छा अभी मेरे पास ये एक बग है कि मैं बटन दोबारा प्रेस करता हूँ ना तो वो उसको रिमूव नहीं करता, नीचे ही आ जाता है उसके, ये बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये तो सेट हो जाएगा। ये मेरे पास एरर क्यों दे रहा है? क्या एरर दे रहा है? एक मिनट में देख के बताता हूँ, दोबारा खोलता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जो मैंने आज ये चीज़ करवाई है ना स्टेप बाय स्टेप, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप सब लोगों को करना है, हाथ से ये कोड आपको देख के लिखना है एग्जैक्टली इसी तरह,
और यही चीज़ आप सब लोगों को खुद क्रिएट करनी है, जो मैंने अभी आपको भेजा है ना लिंक, ये वाला, ये आप सब लोगों को खुद अपना अपना क्रिएट करना है, ठीक है। अगली क्लास में ये इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे आप सब लोगों का कि आपने क्या बनाया। ये रीडायरेक्ट का नोटिस मतलब वो आ रहा है मेरे पास, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का नोटिस आ रहा है, पता नहीं यार आप। हाँ ये कह रहे हैं कि ओके कर दें, वो गिटहब, असल में वो गूगल मीट पे मैंने भेजा है ना लिंक, तो गूगल पे जाता है पहले वो, फिर ओके कर दें उसको, बोलें कर दो रिडायरेक्ट। अच्छा ओके सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने इनपुट फील्ड बनाई ना, मैंने डेटा फीड करा, तो वो सिर्फ आप कैसे देखेंगे, मतलब आप अगर यहाँ नहीं दिखाएं पेज के ऊपर। ये इंशाल्लाह जो है ना, हम अगली क्लास जो हमारी होगी ना, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम लॉगिन और साइनअप बनाएंगे, तो उसमें इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लॉगिन और साइनअप हम अपना बनाएंगे खुद का, कि भाई एक पेज खुले उसमें बंदा पहले साइनअप करे, हो तो अभी भी वही रहे, साइनअप ही हो रहा है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं हो रहा, बाकायदा लॉगिन साइनअप नहीं हो रहा अभी। हम साइनअप बनाएंगे और फिर हम बोलेंगे कि अब करो लॉगिन। जब वो लॉगिन करेगा ना, तो हम उसका बोलेंगे कि भाई लॉगिन करने के लिए आप ईमेल दो और पासवर्ड दो, और उसका ईमेल पासवर्ड लेके हम सर्वर पे आएंगे, और सर्वर पे आके हम देखेंगे कि अच्छा यार क्या ये ईमेल और पासवर्ड किसी यूज़र से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं वो यूज़र, वो लिस्ट यूज़र की मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे मैच करूंगा उसको, और मैच करके मैं यस नो में जवाब दूंगा कि हाँ भाई तू लॉगिन हो गया या नहीं हुआ, समझ रहे हो। ये एक मैंने भी साइन अप कर दिया, कर दिया, हो गई थी वो सर, मैंने भी कर दिया। क्या बात है भाई, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आ गए, सारे फरिया हुसैन बाबर सब आ गए, खान उमर। डेटा आपके पास सर्वर में आ रहा है ना, ये सर्वर पे जाके सेव हो गया डेटा, जब तक ये रीस्टार्ट नहीं होगा ना मेरा सर्वर, ये डेटा वहाँ पे सेव रहेगा। और अगर डेटाबेस इसके साथ होता तो सर्वर भले रीस्टार्ट होता रहता, ये सेफ ही रहता। हाँ, डेटाबेस अगर मैं लगाऊंगा ना, अभी तक वो हमने पढ़ा नहीं है, MongoDB पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो MongoDB जब कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो फिर सर्वर भले रीस्टार्ट भी हो जाए तो डेटा मेरा फिर सेफ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। सर जी दोस्त, सर जब आपने हरिको पे डिप्लॉय किया हुआ है तो ये रीस्टार्ट कैसे होगा, ये आपके सिस्टम में सब कुछ है। हाँ, ये अब तुम्हारा बड़ा अच्छा सवाल है, इन्होंने पूछा है कि भाई हरिको में कैसे रीस्टार्ट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हरिको रीस्टार्ट हो जाए। मेरी मशीन में होता तो चलो, मुझे मशीन अपनी शट डाउन भी करनी है, उनकी मशीन तो हर वक्त ऑन रहती है, तो वहाँ पे क्यों रीस्टार्ट हो जाएगा। देखो, सर्वर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कभी भी कोई ग्लिच आता है, तो वो रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। और दूसरा ये है कि देखो, वैसे तो वहाँ पे बैकअप में पावर होता है, UPS वगैरह हर चीज़ लगी हुई होती है हरिको के पास, उनके पर लाइट वाइट जाने वाला सीन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी पावर फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सर्वर रीस्टार्ट हो सकता है मेरा। दूसरा ये कि मैं अगर कोई कोड लिखूंगा ना, और मैं पुश करूंगा, अगर भाई मैंने सर्वर में कोई चेंजेस की और मैंने गिटहब में पुश किया, तो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय होगा। दोबारा से डिप्लॉय होने का मतलब क्या है, कि वो रीस्टार्ट होगा सर्वर, क्योंकि जब तक चेंजेस करने के बाद मैं रीस्टार्ट नहीं करूँ तो चलेगा ही नहीं, तो हरिको उसको खुद रीस्टार्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप अपना सर्वर ना बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं करते, अभी तो देखो तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो ना इसके ऊपर, यहाँ पे तुम लोग सब लोग मिलके रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये चल रहा है, लेकिन मैं एक घंटे तक या दो घंटे तक अगर इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो ये सर्वर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्लीप में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली सो जाएगा ये सर्वर। और जब एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, तो क्या होगा उसके बाद, ये दोबारा से स्टार्ट होगा ये, और सर्वर दोबारा से चलेगा, ये सारा डेटा उसके बाद डिलीट हो चुका होगा। तो ये वो पॉसिबल रीजंस हैं कुछ जो मैंने आपको बताए कि सर्वर रीस्टार्ट क्यों और कब होगा। क्रैश भी हो जाते हैं कभी कभी खुद भी, बिल्कुल क्रैश भी हो जाते हैं, खुद से भी क्रैश हो जाते हैं। अच्छा एक बात और करनी थी, इम्पोर्टेंट सबके लिए थी, शायद याद ना हो किसी को, ये पीर और मंगल की ना 9 और 10 मुहर्रम है, आप 9 और 10 मुहर्रम ऑफिशियल छुट्टी है, तो हम वो छुट्टी करेंगे उसमें 10 की मंगल यानी ना। हाँ। तो क्लास जुमेरात से होगी, बस 9-10 को जो गवर्नमेंट की हॉलीडेज है ना, हम वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो 10 की जो है मंगल है ना, तो हाँ। बुध को क्लास नहीं होती, जुमेरात की होगी, मैं यही कह रहा था। तो भाई अभी मैंने चेक नहीं किया कि गवर्नमेंट ने क्या हॉलीडेज अनाउंस किए हैं, बहरहाल जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना, वो छुट्टी है हमारी,
ये आप मतलब डिफॉल्ट में रखें, मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। अच्छा ओ, आज की जो रिपोजिटरी है ना जिसमें मैंने सारा कोड पुश किया है वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, यहाँ पे भी भेज दिया मैंने चैट में। वीडियो कब तक हो जाएगी? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वीडियो बस अभी मैं लगा देता हूँ अपलोड पर, दो मिनट में अपलोड पर लगा देता हूँ मैं। सही है, वीडियो भी आज की हमारी पूरे 3 घंटे की हो गई है और 27 GB लिखा हुआ रहा है मेरे सामने। अच्छा सर, जो डेटा हमने आपको दिया उसको सर्वर में हम कैसे देखेंगे ये जरा बता दे। आप सर्वर में उसको नहीं देख सकते ना, सर्वर तो मेरा है ना, मेरी अथॉरिटी है, आप यूज़र हैं सर, आप कैसे देखेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ, मैं भी नहीं देख सकता, ठीक है, अभी मैं भी, क्योंकि वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल को देखा नहीं जा सकता, अभी मैं भी नहीं देख सकता उसको, जो सच बात है। मेरे लिए भी देखने के लिए ना एक ही तरीका है कि मैं इसमें आऊँगा, यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और गेट ऑल यूज़र करके ये डेटा इसको मैं देखूँगा। मेरे पास फिलहाल मेरे पास भी यही तरीका है, लेकिन जब मेरे पास डेटाबेस कनेक्टेड होगा ठीक है, तो फिर मैं उसको पता कैसे देखूँगा, फिर मैं जाऊँगा mongodb.com पे और mongodb डेटाबेस, ठीक है, मैं एक आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह का दिखता है डेटाबेस, वहाँ जो की वैल्यूज जो पड़े हुए होते हैं कुछ इस तरह का, मुझे ना ये डेटाबेस दिख रहा होगा जब डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह मुझे पूरी लिस्ट दिख रही होगी कि किसने क्या डेटा सेव किया हुआ है। अच्छा, वो सिर्फ आपको ही शो होगा? हाँ, वो सिर्फ मुझे ही शो होगा। ठीक होगा, जिस चीज़ की मैंने API एक्सपोज की हुई है ना, वो जाहिर है दूसरे लोगों को भी दिखेगा, लेकिन जैसे अभी मैंने API एक्सपोज की हुई है गेट ऑल यूज़र, तो कोई भी उस API को हिट करेगा तो उसको वो यूज़र का डेटा मिल जाएगा। जी सर, ठीक है, तो जिस चीज़ों की मैंने API एक्सपोज की हुई होगी वो तो जाहिर है API कॉल करके कोई भी उठा लेगा वो डेटा, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें, ठीक है, देखो ये आ गई ना एग्जांपल, मुझे इस तरह से दिख रहा होगा तुम्हारा डेटा जब डेटाबेस एक बार कनेक्टेड हो जाएगा। डेटाबेस नंबर 1, डेटाबेस नंबर 2, इसमें कलेक्शन है, अकाउंट्स हैं, बिल्स हैं, यूज़र्स हैं, मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँगा, यूज़र्स की तमाम लिस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगी सामने, ठीक है, ये अभी तक हमने किया नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे हम ये बहुत जल्द करेंगे। ओके ओके सर। अच्छा सर, फिर असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपका यही है, मैंने ये गिटहब की रिपॉजिटरी ना आज का कोड जो मैंने जहाँ पुश किया है वो मैंने आपको ये भेज दिया चैट में, तो असाइनमेंट आपका यही कि स्टेप बाय स्टेप आपने ये चीज़ देखनी है और देख के बिल्कुल यही सेम डिटो चीज़ आपने अपने हाथ से बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, अपने हाथ से आप बनाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, ये छोटे मोटे एरर्स आ रहे थे इंशाल्लाह ये आज के ये काम करने के बाद ये एरर आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और सर मतलब इसी तरह डेटा शो होगा हमारा? इसी तरह आपका डेटा आपने शो करवाना है, ठीक है, घर में अगर 2-3 मोबाइल हो ना, 2-3 कंप्यूटर हो, तो एक में खोल के उससे इंटर करें फिर दूसरे में, तो आपको वो सब दिखना चाहिए जैसे मैंने किया अभी आप लोगों को भेजा, इस तरह करके आपने वो करना है। तो ये आपका एक सही मानों में ना ये एक स्मॉल स्केल का फुल फ्लैश सोशल मीडिया है, ये जो मैंने अभी बनाया है स्मॉल स्केल का है, इसमें सिर्फ एक डेटा जाता है, फुल फ्लैश ये सोशल मीडिया है स्मॉल स्केल पे, लेकिन बड़े स्केल पे नहीं है, इसमें पिक्चर विक्चर नहीं जा सकती, सिर्फ टेक्स्ट जाता है। वेल, हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, हम लॉगिन साइनअप बनाएंगे, हम फेसबुक के जैसी एक एप्लीकेशन अपनी अगली क्लास में बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें एक यूज़र पोस्ट करे और वो तमाम यूज़र को नजर आए, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जो अभी मैंने करवाया है आज वो सब लोगों को अपने हाथ से करना है, अदरवाइज अगली क्लास आपको ज़रा सी भी समझ में नहीं आएगी अगर आपने ये अपने हाथ से नहीं किया, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।